आप में से बहुत सारे लोग डिजाइन तो इजीली बना लेते हैं, जिस तरह का चाहें उस तरह का डायनामिक और इनोवेटिव डिजाइन विद द हेल्प ऑफ रेविट और स्केचअप, 3ds Max, काफी सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनके बेसिस पे हम डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि जो डिजाइन आपने बनाया वो प्रैक्टिकली फिजिबल है या नहीं है? और ये हमें कब पता चलेगा? तब हम उसका प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। अब एनालिसिस करना एक बहुत बड़ा टास्क है, स्पेशली जो सिविल इंजीनियर्स हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स हैं, किसी भी बिल्डिंग को एनालिसिस करने के लिए टेड प्रो का यूज करते हैं। इस सॉफ्टवेयर में आप किसी भी तरह के स्ट्रक्चर को, जो भी आपने डिजाइन किया, उस स्ट्रक्चर को हम डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं विद द बेसिस ऑफ बीम, कॉलम, स्लैब, फाउंडेशन प्लेट्स। इन सभी की डिटेल आप वहां पे वैल्यूज कैलकुलेशन हम मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक पीडीएफ आपके सामने यहाँ पे गिवन है। जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि कोई भी बीम है उसका सेक्शन यहाँ पे गिवन है, जिसमें इफेक्टिव डेप्थ आपको यहाँ पे डिफाइन करनी होती है। बीम की विड्थ के बेसिस पे आप जो रेनफोर्समेंट रेशियो है वो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि एरिया ऑफ स्टील वहां पे कितना लगेगा, कितना डायमीटर का हमें बार वहां पे यूज करना है। इसके अलावा स्पेसिंग आपको कितनी रखनी है, किस तरह का कॉन्क्रीट कवर आपको मेंशन करना है, स्पेसिंग किस तरीके से आपको डिफाइन करनी है, जो रेनफोर्समेंट लगेगा वो लॉन्गिट्यूडनल लगाना है या फिर लैटिट्यूड यानी कि ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, बेसिकली हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। इसके अलावा जो कॉलम है उनकी प्लेसिंग, एरिया ऑफ स्टील मैंने बताया, कॉलम की जो क्वालिटी है, सेक्शन डेटाबेस है, वो सब हमें डिफाइन करना होता है। सेक्शन डेटाबेस में जैसे मान लीजिए आपने थिकनेस यहाँ पे डिफाइन की, प्लेट अगर आप यहाँ पे डिफाइन करते हैं तो हर एक कॉर्नर पे सेम आपको थिकनेस मेंशन करनी है या फिर आप अलग अलग थिकनेस भी वहां पे जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप चलें तो फाउंडेशन आप यहाँ पे डिजाइन करते हो, जो कॉलम्स हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, कॉलम्स की जो फुटिंग है वो किस तरीके से दिखानी है, जो स्लैब है उसकी थिकनेस कितना मेंशन करें, कॉलम का क्रॉस सेक्शन आप यहाँ पे इनके बेसिस पे कर सकते हैं। जो बीम आपने बनाया, बीम में काफी तरह के हम लोड्स मेंशन करते हैं, उसका डेड लोड होता है, लाइव लोड, यानी कि किसी भी स्ट्रक्चर पे आप कौन कौन से लोड अप्लाई करते हैं, ये बेसिकली आपके जो रीजन है यानी कि जिस लोकेशन पे आपका स्ट्रक्चर जनरेट कर रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वहां पे डिपेंड करता है। जैसे स्नो लोड आप उनके बिहाफ पे हम क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ कॉमन लोड्स होते हैं, जैसे डेड लोड आपने लगाया, लाइव लोड आपने लगाया, एरिया लोड आपके पास होता है, फ्लोर लोड आपके पास होता है, बिल्डिंग का खुद का भी सेल्फ वेट होता है। तो जो बीम आप क्रिएट करोगे उस पर किस तरीके का डिफ्लेक्शन आपके पास जनरेट होगा, इलास्टिक कर्व वहां पे क्रिएट होगी या नहीं होगी, शियर फोर्स की कैलकुलेशन, बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन, टेंसाइल फोर्स वहां पे कितना लगेगा, जो बीम कॉलम आपने डिजाइन किया, जो स्लैब आपने डिजाइन की, जो फाउंडेशन आपके उसका किस तरह का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वहां पे गिवन है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे डिटेल में मेंशन करते हैं। इसके अलावा अगर हम स्लैब के बारे में बात करें, प्लेट के बारे में देखें या फिर जो रूफ आप बनाते हो बिल्डिंग में, बेसिकली रूफ काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें कलर कोडिंग के बिहाफ पे कि कंप्लीट एरिए पे अलग अलग कलर रेशियो के बिहाफ पे कहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस आपको यहाँ पे शो होगा, तो ये जो पूरा वर्क है ना एनिमेशन के बिहाफ पे होता है। जो स्लैब आप यहाँ पे डिफाइन करोगे उसमें मटेरियल किस तरीके का होना चाहिए, जैसे कॉन्क्रीट आप स्लैब रख रहे हो तो उसके लिए जो IS कोड है, जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है, उन्होंने कुछ कोड्स यहाँ पे मेंशन किए हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें जो BIS है उनके बिहाफ पे कॉन्क्रीट के लिए जो कोड यहाँ पे बेसिकली यूज होता है वो IS 456, RCC के लिए। और अगर हमें कोई स्टील स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने ट्रस बनाया, अभी जो 2 घंटे की वीडियो है इसमें हर एक कॉन्सेप्ट को आप डिटेल में देखोगे ना, तो वहां पे बीम का भी यूज किया है, स्टील के सेक्शंस भी हमने वहां पे डिफाइन किए हैं क्योंकि कंप्लीट बिल्डिंग आप बना रहे हो। तो स्टील में IS 800 हम क्यों यूज करते हैं? इसके अलावा जो लोड्स आप अप्लाई करते हो, लाइव लोड का कौन सा पार्ट रहेगा, डेड लोड का जो लोड केस डिटेल है उसमें किस किस तरह का पार्ट रहेगा, ठीक है, लोड कॉम्बिनेशन आपको किस तरीके से जनरेट करना है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे गिवन है। स्टील कॉलम आपको किस तरीके से मेंशन करना है। इसके अलावा कंप्लीट स्ट्रक्चर आपने डिजाइन किया, स्ट्रक्चर कंप्लीट डिजाइन करने के बाद जो फाउंडेशन का पार्ट होता है, फाउंडेशन में किस टाइप की फाउंडेशन आप बना रहे हो, रफ फाउंडेशन होती है, मैट होती है, काफी तरह की फाउंडेशन है, ठीक है, उनकी जो फुटिंग्स है, फुटिंग्स का प्रॉपर एक सेक्शनल व्यू जैसा आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, क्रॉस सेक्शनल व्यू जनरेट करके दिखाया हुआ है यहाँ पे, कोई भी फुटिंग है चाहे आप कॉन्क्रीट की ले सकते हो या फिर हम स्टील के, ट्रसेस के केस में हम स्टील की डिफाइन करते हैं, तो उनका क्रॉस सेक्शनल व्यू आपको यहाँ पे जनरेट करना, स्केल आपको मेंशन करना होता है, जो फुटिंग है उसकी कंप्लीट डिटेल्स, एसेंट्रिसिटी, लोड कितना है। तो ये जो कंप्लीट एंटायर प्रोसेस अभी हमने देखा, ये जो 2 घंटे की वीडियो आप अभी देखने जा रहे हो बेसिकली बिगिनर्स के लिए वीडियो है, जिसमें हर एक एक नोड्स पे किस तरीके से आपको नोड से नोड को कनेक्ट करते हुए बीम आपको जनरेट करना है, बीम जनरेट करने के बाद किस तरीके से एंटायर बिल्डिंग आपको बनानी है, वहां पे किस किस तरीके से लोड आपको डिफाइन करने हैं, सेक्शन डेटाबेस कैसे बनाना है,
थिकनेस किस तरीके से मेंशन करनी है, कोड्स को कैसे सिलेक्शन करें, मटेरियल किस तरीके से लगाएं, और लोड एंड जो आपका लोड कॉम्बिनेशन आप जनरेट करते हो, डिफ्लेक्शंस वहां पे किस तरीके से आएगा हर एक एक बीम का, क्योंकि बिल्डिंग में काफी सारी बीम्स आपके पास होती है, काफी सारे कॉलम्स वहां पे होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मेंबर के टर्म से हम डिफाइन करते हैं बीम और कॉलम को स्टड प्रो में। तो हर एक एक मेंबर पे किस तरह का शेयर फोर्स, एसएफडी कैसा रहेगा, बीएमडी किस तरीके का रहेगा, एक्सियल फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, टेंसाइल, कौन कौन सा मोमेंट वहां पे रहेगा हर एक अलग अलग डायरेक्शन में, उस कंप्लीट कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे डिटेल में समझने वाले हैं। सो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हमें जो सॉफ्टवेयर ओपन करना है ना, उसके लिए जो नीचे आपके पास यहाँ पे जो सर्च बार है, जो विंडो यहाँ पे गिवन है, इसमें हमें STAAD यहाँ पे मेंशन करना है। तो मेंशन करोगे आप यहाँ पे STAAD तो आपके पास जो टर्म यहाँ पे आएगा, जैसे जो सॉफ्टवेयर है वो आपके पास आइकन यहाँ पे शो होगा फर्स्ट और सेकेंड यहाँ पे, तो दोनों में किसी को भी हम ओपन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, मोस्टली 5 सेकंड्स, और आपका जो सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पे ओपन होगा, जिससे पहले एक डायबॉक्स ओपन होगा जिसमें प्रोसेसिंग के बारे में बताया जाएगा। जैसे अब ये सॉफ्टवेयर आपका डायरेक्ट यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके से ओपन होता है, जिसमें आपके पास कुछ ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। जैसे सबसे पहले फाइल का ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, हेल्प का ऑप्शन यहाँ पे गिवन है। तो फाइल के जो ऑप्शन है यहाँ पे आप क्लिक करते हो ना, तो आपको इसमें काफ़ी सारे पैनल्स मिलेंगे, जैसे न्यू है, ओपन, ओपन आर्काइव, ठीक है, कोई नया प्रोजेक्ट आप ओपन करना चाहते हो, यानी कि नई ड्राइंग आपको बनानी है, नया स्ट्रक्चर बनाना है, तो हम डायरेक्ट कंट्रोल प्लस एन भी कर सकते हैं, अदरवाइज हम न्यू पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा कोई फाइल आपने पहले से बनाई हुई है, कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट आपके पास है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन हैं आपके पास, जो प्रोजेक्ट्स हालांकि अभी बने हैं, जैसे स्ट्रक्चर 156 गिवन है, आरन स्ट्रक्चर विजार्ड के बारे में है, ट्रस्ट 2 यहाँ पे बनाया हुआ है, ट्रस्ट 1 यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, कोई इंडस्ट्रियल ट्रस्ट की ड्राइंग है। तो यहाँ पे इन ड्राइंग्स को ओपन करने के लिए आप डायरेक्ट ओपन पे भी क्लिक कर सकते हैं, जिसमें ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ब्राउजिंग पैनल यहाँ पे ओपन होगा, जिसमें आपसे लोकेशन पूछा जाएगा कि आपकी ड्राइंग्स किस लोकेशन पे सेव है, वहाँ से हम उसको सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने पे आपको प्रीव्यू यहाँ पे शो होता है, जैसे मान लो मैंने रन स्ट्रक्चर विजार्ड पे क्लिक किया, फिर इंडस्ट्रियल ट्रस्ट पे क्लिक करता हूँ, तो ट्रस्ट का जो प्रीव्यू है वो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगी, हम डायरेक्ट यहाँ पे ओपन करके उसको कर सकते हैं, तो जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे आपके पास ओपन हो जाएगा। इसके अलावा फाइल में फिर जो प्रोजेक्ट वाइज डिटेल्स आपको चाहिए, या फिर कुछ ऑनलाइन सर्विसेज आप चाहते हो बेंटले से, जिसने जो ये सॉफ्टवेयर बनाया है तो उसके कुछ डिटेल्स यहाँ पे ओपन है, ठीक है, कोई आर्काइव प्रोजेक्ट है उसको एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, रीसेंट जो स्टेड फाइल्स हैं उनके बारे में आपको चेक करना है, तो यहाँ पे भी उसके ऑप्शंस हैं, ठीक है, कोई फाइल आपने आर्काइव की है तो भी हम यहाँ पे उसको चेक कर सकते हैं। हेल्प में कोई ऑनलाइन आपको इन्फॉर्मेशन जनरेट करनी है तो उसके कुछ ऑप्शंस हैं, ऑनलाइन हम कोई भी टेक्निकल सपोर्ट हम लेना चाहें वो हम यहाँ से कर सकते हैं। ओके, अभी जैसे मान लीजिए मुझे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट तो ओपन करना नहीं है, नया प्रोजेक्ट मुझे बनाना है, तो तब आप नए प्रोजेक्ट बनाते हो ना, तो उसमें कुछ टास्क यहाँ पे गिवन है, लाइक प्रोजेक्ट टास्क, ठीक है, यहाँ पे आपके सॉफ्टवेयर का नेम है stat.proviet, कंपनी का नेम यहाँ पे गिवन है, तो नया प्रोजेक्ट ओपन करना, ओपन प्रोजेक्ट, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को फिर से लेके आना, कॉन्फ़िगरेशन चेकअप करना, ठीक है, जो बैकअप जो प्रोजेक्ट्स आपने लिए गए हैं उनके बारे में यहाँ पे फाइंड आउट करना, तो कुछ ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। लाइसेंस कॉन्फ़िगरेशन का पैनल यहाँ पे नीचे गिवन है, इन्फॉर्मेशन जनरेट यानी कुछ हेल्प चाहिए, टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, प्रोडक्ट के बारे में कुछ न्यूज़ चाहिए, नॉलेज के लिए कुछ टर्म्स यहाँ पे गिवन है, या फिर आपके प्रोजेक्ट जो प्रोडक्ट है जो आप यूज़ कर रहे हो स्टेड प्रो, उसमें क्या कुछ नया अभी लेटेस्ट रिलीज़ हुआ है, तो वो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ओके, अभी जैसे नया प्रोजेक्ट मेरे को ओपन करना है, तो हमें डायरेक्ट यहाँ पे सिलेक्शन करना है न्यू प्रोजेक्ट का, जिसमें एक पैनल आपके पास ओपन हुआ, डायबॉक्स यहाँ पे आया, जिसमें न्यू मॉडल गिवन है और कुछ ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, लाइक स्पेस, प्लेन, फ्लोट, ट्रस्ट, इनमें सभी में कुछ ना कुछ डिफरेंस आपको मिलेगा। फाइल का नेम यहाँ पे गिवन है, स्ट्रक्चर 1 अभी हम बनाने जा रहे हैं, या फिर कोई भी हम नेम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो मुझे बीम डिज़ाइन करना है, या फिर मुझे एक बिल्डिंग डिज़ाइन करना है, तो अगर मैं बीम के बारे में यहाँ पे चेकअप करूँ,
जिसमें नेम अभी जैसे मान लो मुझे स्टार्टिंग से करना है, बेसिक से हम यहाँ पे समझें, तो कोई भी एक बीम या फिर कॉलम हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली बीम और कॉलम जो है, स्लैब है, इसको हम स्टैट प्रो के टर्म में, जो टेक्निकल टर्म है उसमें हम इसको मेंबर के नाम से डिफाइन करते हैं। ठीक है, अभी जैसे हम बार बार बीम और कॉलम यहाँ पे डिफाइन नहीं करना, हमें यहाँ पे मेंबर के नाम से उसको समझना है। जैसे कोई भी एक मेंबर बनाना है, तो मान लो मैं यहाँ पे बीम मेंशन कर देता हूँ जस्ट प्रोजेक्ट का जो नेम है उसके लिए। मैंने रखा यहाँ पे सिंपल बीम, और कुछ ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, स्पेस है। जैसे आप स्पेस में यहाँ पे क्लिक करते हो ना, तो क्लिक करोगे तो आपके कुछ डेफिनेशंस यहाँ पे गिवन हो गए कि एक्चुअली स्पेस है क्या। जो नया मॉडल बना रहे हो वो स्पेस में बनाना है, प्लेन बनाना है, फ्लोर बनाना है, ट्रस बनाना है। तो एक बात हमें ध्यान रखनी है, जो कोऑर्डिनेट्स आपके पास होते हैं लाइक एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ हैं, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन, ये कंप्लीट उसके बिहाफ पे काम करता है। जैसे स्पेस में बेसिकली क्या होता है, एक स्ट्रक्चर है ये भी आपका, जो कि थ्री डायमेंशनल फ्रेम स्ट्रक्चर है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, तो एक इन्फॉर्मेशन जनरेट होती है, ये स्पेस स्ट्रक्चर विच इज़ अ थ्री डायमेंशनल फ्रेम स्ट्रक्चर विद लोड सप्लाइड इन एनी प्लेन इज़ द मोस्ट जनरल। यानी कि स्पेस स्ट्रक्चर में क्या होगा, कोई भी हम थ्री डायमेंशनल फ्रेम स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बना सकते हैं, जिसमें किसी भी प्लेन में, किसी भी डायरेक्शन में हम लोड सप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे कुछ यूनिट्स आपके पास गिवन है, लाइक लेंथ की यूनिट्स आप कौन से रखना चाहते हो, इंच रखना है, फिट में रखना चाहते हो, मिलीमीटर रखना है, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर, डेसीमीटर, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं यहाँ पे। तो आप थोड़ा सा रिकॉल करिए, आपके ग्रेजुएशन टाइम पे, मास्टर्स तब आप लोग करते थे, तो वहाँ पे जो लेंथ की यूनिट लेते थे हम, यानी कि स्ट्रक्चर आपके पास है, तो हम ये थोड़ी ना कहेंगे कि मान लो 76 सेंटीमीटर का स्पैन आपको क्रिएट करना है। ठीक है, तो 76 सेंटीमीटर का बजाय हम उसको कुछ मीटर में कन्वर्ट करते हैं। जैसे 10 सेंटीमीटर है, उसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो क्या वैल्यू आपके पास आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो कन्वर्जेंस है वो हमें ध्यान में रखना है। जैसे 3 फिट जो है उसमें अप्रोक्स 1 मीटर होता है। ठीक है, हम कह सकते हैं ना कि 1 मीटर अप्रोक्स 3 फिट आपके पास वैल्यू होती है। तो लेंथ की जो यूनिट है हम यहाँ पे ऑलमोस्ट किस में रखते हैं, मीटर में। ठीक, ऐसे ही फोर्स की यूनिट आपको रखनी होती है। तो फोर्स तो आप किलोन्यूटन में लेके चलते थे। किसी भी स्ट्रक्चर है, कोई भी बीम आप मेंबर डिज़ाइन कर रहे हो, कोई भी स्टील सेक्शन हमने डिज़ाइन किया, कॉलम आप डिज़ाइन करते हो, तो वहाँ पे जो फोर्स लगता है उसको हम किलोग्राम मेट्रिक टन में तो नहीं लगाते थे ग्रेजुएशन के टाइम पे। थोड़ा सा रिकॉल करो, जो किलोन्यूटन में आप लगाते थे, 10 किलोन्यूटन का फोर्स लग रहा है यहाँ पे, आप 10 किलोन्यूटन का प्रेशर आ रहा है, तो वो सारे ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे हैं। तो फोर्स में भी देखो, न्यूटन यहाँ पे गिवन है, डाइका न्यूटन है, किलो न्यूटन, मेगा न्यूटन, काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल, लेकिन हमें सिलेक्शन करना है किलो न्यूटन का। तो एक कॉम्बिनेशन आपके पास बनता है मीटर किलो न्यूटन, राइट। यहाँ पे स्पेस के बारे में हमने समझा। ठीक, ऐसे अगर आप प्लेन को सिलेक्शन करते हो तो प्लेन में क्या है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर जो कि सिर्फ ग्लोबल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम पे बाउंड रहेगा, और हम इसी प्लेन में जो है लोड सप्लाई कर सकते हैं। तो जो एक्स वाई प्लेन होगा वो कौन सा होगा, जैसे मान लो आपके पास ये कंप्लीट एक इंटरफेस है, इस इंटरफेस में एक्स आपके पास जो वैल्यू है वो रहेगी हॉरिजेंटल, जो कि यहाँ पे गिवन है लाइक लेफ्ट से राइट। लेकिन अगर हम वाई की बात करें तो वाई आपके पास क्या रहेगा, बॉटम टू टॉप, जो आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में ग्राफ आप बनाते थे ना, ठीक है, ये टू डायमेंशन में आपके पास वर्क होगा। एक्स हॉरिजॉन्टल रहेगा, वाई आपके पास रहेगा वर्टिकल। तो प्लेन में अगर हम सिलेक्शन करें कि जो नया मॉडल हमें बनाना है प्लेन में बनाना है, तो हम यहाँ पे किसको सिलेक्शन करेंगे, एक्स वाई कोऑर्डिनेट को। प्लेन को आप सिलेक्शन करोगे तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट आपके पास यहाँ पे शो होगा, जिसमें हम सिर्फ लोड्स उसी डायरेक्शन में लगा सकते हैं, यानी कि हम जेड डायरेक्शन में लोड सप्लाई नहीं कर पाते। ठीक, ऐसे ही अगर हम फ्लोर को क्लिक करें तो यहाँ पे गिवन है फ्लोर स्ट्रक्चर इज ए 2 और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हैविंग नो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। ठीक है, यानी कि 2 डायमेंशनल भी है, 3 डायमेंशनल भी है, जिसमें किसी तरह का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं है। हॉरिजॉन्टल मतलब ये लेफ्ट से राइट। अब हॉरिजॉन्टल है तो इसका मतलब एक्स और जेड आपके पास शो नहीं होगा, कोई मूवमेंट नहीं है स्ट्रक्चर में। ठीक है, कुछ फाइनाइट एलिमेंट्स आपके पास होते हैं, जैसे द फ्लोर फ्रेमिंग जो है एक्स और जेड प्लेन में रहेगी। तो एक आइडियल एग्जांपल है आपके लिए ये जो फॉर्मेशन है फ्लोर स्ट्रक्चर का, राइट। ठीक, ऐसे ट्रस स्ट्रक्चर को अगर हम समझें तो ट्रस में बेसिकली क्या होता है, इसमें ट्रस मेंबर होते हैं जिसमें सिर्फ एक्सियल मेंबर फोर्सेस, किसी तरह का कोई बेंडिंग नहीं होता मेंबर्स में। ट्रस के बारे में तो पता ही है, जो मेंबर है वो बेंड थोड़ी ना होते हैं वहाँ पे, जो स्ट्रट्स हम लगाते हैं बेंडिंग मोमेंट तो उसमें होता है, जो मतलब बेंडिंग है वो तो होगा ही नहीं उसमें, सिर्फ एक्सियल मेंबर फोर्सेस वहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो कुछ डेफिनेशंस हैं, काफ़ी बेसिक टर्म्स हैं ये। तो जैसे हमने सिलेक्शन किया यहाँ पे स्पेस को, अगर हमें ट्रस बनाना है तो हम डायरेक्ट ट्रस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज ट्रस बनाने के लिए ज़रूरी नहीं आप यहाँ पे सिलेक्शन करो, स्पेस में आने के बाद भी हम क्रिएट कर सकते हैं।
तो स्पेस पे मैंने सिलेक्शन किया, नेक्स्ट पे आप आते हो तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, एड बीम, एड प्लेट, सॉलिड, ओपन स्ट्रक्चर विजार्ड, स्टेट एडिटर, जॉब इन्फॉर्मेशन, यानी कि आप तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वेयर डू यू वांट टू गो, यानी कि कहाँ जाना चाह रहे हैं आप। अपने स्पेस को सिलेक्शन किया, नेम वहाँ पे रखा, यूनिट्स आपने डिफाइन की, उसके बाद बीम बनाना चाहते हैं, बीम ऐड करना है तो ऐड बीम पे कर दीजिए, प्लेट आपको बनाना है तो ऐड प्लेट पे हम क्लिक करेंगे, सॉलिड में कुछ क्रिएट करना है पुश ओवर एनालिसिस के लिए तो हम डायरेक्ट ऐड सॉलिड यहाँ पे कर देते हैं, रन स्ट्रक्चर विजार्ड जो है ओपन करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो ये सभी ऑप्शंस हम ऐड बीम की हेल्प से भी एक्सेस कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप इन्हीं पे क्लिक करो, जैसे स्टैंड एडिटर के लिए जरूरी नहीं है यहाँ पे सिलेक्शन करें, आप ऐड बीम करके जो मेन विंडो है वहाँ पे एंट्री करेंगे तो उसमें भी हम स्टैंड एडिटर जॉब इन्फॉर्मेशन को एडिट करना या फिर स्ट्रक्चर विजार्ड ओपन करना, सॉलिड प्लेट, ये सभी जो आपके पास ऑप्शंस है वहाँ पे भी हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ऐड बीम में क्या होगा, बिगिन बिल्डिंग योर मॉडल बाय क्रिएटिंग न्यू जॉइंट्स एंड बीम्स यूजिंग द कंस्ट्रक्शन ग्रेड ड्राइंग टूल्स एंड स्प्रेडशीट, यानी कि कंस्ट्रक्शन टूल्स का, ग्रिड्स का यूज़ करते हुए हम यहाँ पे बीम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी बिल्डिंग मॉडल में। प्लेट में बेसिकली क्या होगा, बिगिन बिल्डिंग योर मॉडल बाय क्रिएटिंग न्यू जॉइंट्स, थ्री नोडेड, फोर नोडेड प्लेट यहाँ पे बनाना है, जो एलिमेंट्स आपके पास है प्लेट को हम यहाँ पे एलिमेंट के नाम से डिफाइन करते हैं, राइट। ठीक है, ऐसे सॉलिड आपको जनरेट करना है तो इसमें क्या होगा कि एट नोडेड सॉलिड हम बना सकते हैं, कोई भी ब्रेक एलिमेंट आपको बनाना है। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर विजार्ड में क्या होगा, आपको कोई पैरामेट्रिक स्ट्रक्चर टेम्पलेट ट्रसेस के लिए, सरफेस के लिए, फ्रेम्स के लिए ओपन करना चाह रहे हो, कोई स्टैंडर्ड मॉडल आपको बनाना है तो हम ओपन स्ट्रक्चर विजार्ड कर सकते हैं। स्टैंड एडिटर में क्या होगा कि मान लीजिए कोई कमांड्स के बिहाफ पे आपको कुछ चेंजेस करना है, ठीक है, मान लो आपके पास जो सिंटेक्स कमांड है उनका यूज़ करते हुए कोई चेंजेस करना है तो हम स्टैंड एडिटर का यूज़ कर सकते हैं। जॉब इन्फॉर्मेशन में जो आपके पास टाइटल्स हैं, क्लाइंट का नेम क्या है, इंजीनियर कौन इन्वॉल्व है, उसमें आपका नेम मेंशन करना है, कंपनी का नेम मेंशन करना, प्रोजेक्ट किसने बनाया, प्रोजेक्ट अप्रूव कौन कर रहा है, चेक किसने किया, इंजीनियर कौन है, चीफ इंजीनियर कौन है, क्लाइंट कौन है, तो सभी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास जो है जॉब इन्फॉर्मेशन में यहाँ गिवन होती है। तो अभी जैसे मैंने सिलेक्शन किया ऐड प्लेट, फिनिश पे आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपकी मेन विंडो ओपन हो जाती है। ठीक है, अब इस मेन विंडो, ये आपके पास इंटरफेस होता है स्टैड प्रो का, जिसमें वर्किंग एरिया आपके पास ये रहता है, यानी कि जहाँ पे प्रोजेक्ट बनेगा, ये व्हाइट कलर का कुछ आपके देखो एक ग्राफ यहाँ पे शोर है जिसमें 0, 1, 2, 3, 4 वाई एक्सिस में वैल्यू है, 0, 1, 2, 3, 4 7 से लेकर 10 तक यहाँ पे आपके पास एक्स एक्सिस में वैल्यूज हैं। ठीक है ना, नंबर्स यहाँ पे दिख रहे हैं दोनों ही डायरेक्शंस में, तो देखो एक्स वैल्यू है, वाई और जेड आपके पास यहाँ पे गिवन है, तो तीनों कोऑर्डिनेट आपको दिख रहे हैं। ठीक है, अब ये जो वर्किंग एरिया यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा, प्रोजेक्ट हम क्रिएट करेंगे, राइट, जिसमें मॉडल्स हम मॉडलिंग करना चाह रहे हो मॉडलिंग पे क्लिक कीजिए, बिल्डिंग प्लानर ओपन करना चाहते हो क्लिक करेंगे, पाइपिंग के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, ब्रिज डेक आपको डिज़ाइन करना है तो उसके लिए आपके पास ये ऑप्शन है, पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए आपके पास एक ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, फाउंडेशन डिज़ाइन के लिए आपके पास एक ऑप्शन यहाँ गिवन है। ठीक है, अभी जैसे हम प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, बिल्डिंग बनाएंगे तो जाहिर सी बात है हमें फाउंडेशन भी डिज़ाइन करनी होगी, तो उसके लिए भी आपके पास ये ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल होगा। ठीक है, ऐसे स्टील डिज़ाइनिंग करना हो, जैसे ट्रस आप लोग बनाते हो तो ट्रस में स्टील ही तो होता है, लेकिन जो सपोर्ट्स हम नीचे लगाते हैं ना, जैसे कॉलम आपने देखा होगा, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप स्टील का रख सकते हो, अदरवाइज़ हम कोई अदर मटेरियल भी ले सकते हैं, एल्यूमिनियम का ना लेके हम कॉन्क्रीट हम उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आपके पास एक मिक्सअप होता है दो मटेरियल्स का, डबल मटेरियल्स का, फर्स्ट इज़ कॉन्क्रीट जो कि बेस के लिए यूज़ होता है, इंडस्ट्रियल ट्रस में क्या होता है, कॉन्क्रीट तो होता है नीचे, कॉन्क्रीट के कॉलम हमने बनाए, उसके ऊपर हम स्टील ट्रस को असेंबल करते हैं, तो यहाँ पे स्टील डिज़ाइन करने के लिए आप डायरेक्ट इस आइकन को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, ऐसे कॉन्क्रीट डिज़ाइन के लिए भी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है, स्लैब डिज़ाइन करना चाहते हो तो एडवांस कुछ ऑप्शंस आपको मिलेंगे, अर्थक्वेक के लिए हम सबसे लास्ट में हमारे पास ऑप्शन होता है। ठीक है, अब जब आपने सॉफ्टवेयर ओपन किया तो यहाँ पे सबसे ऊपर जो V8i आपका जो सॉफ्टवेयर है उसका नेम यहाँ पे गिवन है, सेलेक्ट सीरीज 6 यानी कि आप कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हो, प्रोजेक्ट का नेम यहाँ पे गिवन है कि अभी हम बीम डिज़ाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, कुछ इसका जो इंटरफेस है उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन से टूल्स कहाँ कहाँ पे यूज़ होने वाली हैं। तो सबसे पहले फाइल्स पे आते हैं, फाइल है, एडिट है, व्यू, टूल्स, सेलेक्ट, ज्योमेट्री, कमांड्स, एनालाइज, मोड, विंडो, है ना। तो यहाँ पे जो फाइल वाला ऑप्शन है ना, ये आपके पास कुछ यहाँ पे गिवन है। तो सॉफ्टवेयर में क्या होता है, स्टैड प्रो में ज़रूरी नहीं है कि जो ऑप्शन आपको यहाँ पे अवेलेबल है वो कहीं और नहीं मिलेगा,
एक ही ऑप्शन को हम काफ़ी जगह से एक्सेस कर सकते हैं। ये एक स्टड प्रो की अपनी एक खूबियाँ हैं, अपनी एक खासियत है यहाँ पे, ठीक है, कि एक ही ऑप्शन को आप काफ़ी जगह से यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लो मुझे बीम को सेलेक्ट करना है, तो बीम सेलेक्शन करने के यहाँ पे 3-4 मेथड हैं, ठीक है। ऐसे ही कॉलम को सेलेक्ट करना है तो उसके भी 3-4 मेथड यहाँ पे हैं। बीम पे कुछ लोड सप्लाई करना है तो उसके भी 2 तरीके यहाँ पे गिवन हैं। तो हम एक ही कमांड्स को काफ़ी जगह से यूज़ कर सकते हैं। तो इंटरफेस में यहाँ पे जो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है ना, जिसको हम यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार आपके पास होती है, ठीक है, ये बेसिकली क्या है आपके पास, क्विक एक्सेस टूल बार यहाँ पे गिवन है। फाइल टैब है जिसमें फाइल मैनेजमेंट टूल्स हैं, प्रोग्राम कॉन्फ़िगरेशंस आपके पास यहाँ पे ओपन है, ठीक है। जैसे फाइल पे क्लिक करते हो तो न्यू का पैनल आता है सबसे पहले, जो कि हमने स्टार्टिंग में समझा, ओपन के बारे में भी स्टार्टिंग में समझा। क्लोज करना चाह रहे हो डायरेक्ट आप यहाँ से क्लोज कर दीजिए, ठीक है। तो आपका सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पे देखो, जो मेन विंडो है वो क्लोज हो गया ना। अभी जैसे बीम मुझे करना है, इस पर कंटिन्यू करना है, मीटर किलो न्यूटन आपके पास जो यूनिट्स हैं, इनपुट यूनिट्स हैं, उनको सेट किया। अब फिर से मैंने ओपन किया तो वही इंटरफेस आपके पास आया, राइट। अब यहाँ पे आपको एक ग्राफ अभी यहाँ पे शो होगा, ठीक है, जैसे डेट वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है, ठीक है। जिसमें मान लो मुझे मॉडलिंग करनी है, तो मॉडलिंग में आप यहाँ पे ज्योमेट्री जनरल पे आते हो तो आपके पास ऑप्शंस यहाँ पे आते हैं, ठीक है। जैसे जनरल पे मान लीजिए मैंने क्लिक किया, स्नैपनोड बीम पे आपको लेके आना है, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भी आपके पास मिलेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले फाइल को मैंने सिलेक्शन किया, कुछ प्रोजेक्ट ओपन करना चाह रहे हो, ठीक है, रिपोर्ट सेटअप करना है, जॉब इन्फॉर्मेशन चेक करनी है, व्यू में भी कुछ ऑप्शंस आते हैं, कमांड फाइल चेक करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। प्रोजेक्ट आप बना लेते हो तो उसके बाद आपको प्रिंटिंग करना है, पब्लिश करना है, तो उसके भी ऑप्शंस आपके पास होते हैं। इम्पोर्ट करना चाह रहे हो किसे, ड्राइंग को स्टड प्रो से कहीं लेके जाना है तो हम इम्पोर्ट करेंगे, ठीक है। ऐसे प्रोजेक्ट को सेव करना है तो उसके भी ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, राइट। रीसेंट स्टेड फाइल्स के लिए भी कुछ ऑप्शंस जो हमने बाहर समझे थे, यानी कि कुछ ऑप्शंस यहाँ पे सेम है एज इट इज़ जो आपको आउटर विंडो में दिखे थे, और कुछ ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे इंक्रीज हो गए। तो फाइल में बेसिकली क्या होता है, आपके पास फाइल मैनेजमेंट टूल्स होती हैं, दूसरा कुछ प्रोग्राम कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड आपके पास ऑप्शंस होते हैं, राइट, ठीक है। ऐसे ये आपके पास जो ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है ना, इस कंप्लीट हम पैनल को बोलते हैं रिबन टूल बार। ये आपके पास रिबन टूल बार यहाँ पे गिवन है, देन ये क्विक एक्सेस टूल बार यहाँ पे आपको शो हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शंस भी आपके पास आता है, जो कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, राइट। अब इसमें वर्कफ्लो पेज कंट्रोल आपके पास होता है, ठीक है। डेटा एरिया आपके पास, जैसे देखो अभी बीम हमने बनाया नहीं है, लेकिन उसका डेटा आपको कंप्लीट यहाँ पे शो होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए सेटअप आप यहाँ पे करते हो तो कंप्लीट एक पैनल आपका यहाँ पे ओपन हुआ, राइट। अभी जैसे स्नैपनोड बीम पे आप क्लिक करते हो ना, तो जो भी आप यहाँ पे क्रिएट करोगे ना बीम, जैसे मान लो मैं इस कर्सर को, मैं पैनल को यहाँ लेके आया, तो देखो बीम के बारे में कुछ ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे गिवन है। कंप्लीट एक विंडो है बीम का, नीचे आपके पास गिवन है, यानी कि एक्स वाई जेड में कोई भी किसी भी डायरेक्शन में हम नोड्स पे वर्क करेंगे या फिर डायरेक्ट बीम पे वर्क करेंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन जनरेट होगी, राइट। तो जो डेटा एरिया है ना, जिसमें आपके पास टेबल्स हैं, पेज डायलॉग्स, कुछ मॉडल स्टेटस, वो सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे शो होती हैं। दूसरा जो मैंने बताया था वर्किंग एरिया है, इसको हम व्यू विंडो भी बोल सकते हैं, यानी कि आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो वो आपको यहीं तो दिखेगा, राइट। इसके अलावा एक आपके पास स्टेटस बार होता है यहाँ पे, ठीक है, जो कि करंट यूनिट्स हैं, लोड ग्रुप हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो करेगा। एक वर्कफ्लो पैनल होता है आपके पास ये कंप्लीट, ठीक है, जिसमें जो करंट मॉडल वर्कफ्लो उसको हमने सिलेक्शन किया हुआ है। जैसे अभी हम मॉडलिंग पे काम कर रहे हैं तो आपका गिवन है ना यहाँ पे, देन ये रिबन टूल था जिसके बारे में अभी हमने समझा, राइट, ठीक है। तो जैसे जो ऑप्शंस आपके पास सबसे ऊपर हैं, ये होता है आपके पास मेन्यू बार, लाइक फाइल है, एडिट, व्यू, टूल सेलेक्ट, ठीक है, हेल्प विंडो, मॉड, एनालाइज, कमांड, ज्योमेट्री, ये आपके पास मेन्यू बार है। देन नीचे जो ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है, ठीक है, ट्रांसलेशनल रिपीट के कुछ ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है, सर्कुलर रिपीट के, तो ये सारे आपके पास टूल बार होते हैं। इसके अलावा हम पेज कंट्रोल के ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे, जैसे डिज़ाइन पे क्लिक करोगे तो डिज़ाइन का पेज आपके पास ओपन होगा, एनालिसिस प्रिंट का पेज आपके पास ओपन होगा, ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ वर्क करना है तो ज्योमेट्री का पेज आपके पास यहाँ पे ओपन हो गया ना, तो ये आपके पास एक पेज कंट्रोल होता है। ये मेन विंडो है जहाँ पे आप काम करोगे, डेटा एरिया के बारे में हमें पता चला, ठीक है। तो अभी जैसे हमने फाइल के बारे में समझा, ठीक, ऐसे ही एडिट के बारे में तब समझें। तो एडिट में क्या होता है कि मान लो कोई भी डिज़ाइन आपने बनाया, उसमें एक स्टेप पीछे आना है तो हम कंट्रोल प्लस जेड का यूज़ करते हैं, एक स्टेप आगे चलना है यानी कि रेडू करना है तो कंट्रोल प्लस वाई, कट करना है, कॉपी पेस्ट डिलीट, ठीक है, प्रोजेक्ट की पिक्चर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, उस पिक्चर को कॉपी करना है तो भी आपके पास ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, राइट।
ठीक ऐसे ही यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो मेनू बार में थर्ड पैनल आपके पास मिलेगा व्यू, यानी कि प्रोजेक्ट को जूम करना है तो आपके पास ये वाला पैनल हम यूज़ कर सकते हैं। पैन में बेसिकली क्या होता है, सिर्फ मूवमेंट कराना प्रोजेक्ट की, राइट। तो इसके लिए हम पैन का यूज़ कर सकते हैं जिसमें पूरे स्ट्रक्चर को देखना है, टेबल्स को चेक करना है, करंट विंडो में जो प्रोजेक्ट है वो फिट रहना चाहिए, यानी कि स्केलिंग के ऑप्शन आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हैं, राइट। स्ट्रक्चर डायग्राम चेक करना है, व्यू मैनेजमेंट में आप आते हो तो जो व्यूज़ हैं उसको सेव करना, रीनेम करना, ठीक है, ऐड करना, तो वो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। ऐसे टूल बार्स पे क्लिक करोगे तो टूल बार से रिलेटेड पैनल आपके पास यहाँ पे ओपन होंगे। कस्टमाइज करना, जैसे फाइल, प्रोजेक्ट वाइज, प्रिंट, स्ट्रक्चर, व्यू, रोटेट, मोड, सिलेक्शन, ज्योमेट्री, इन्हीं ऑप्शन को यहाँ से हटाना चाहते हो तो हम हटा सकते हैं, ठीक है ना। तो व्यू के अंदर वो सारे ऑप्शन है। 3D रेंडरिंग आपको करनी है तो हम डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, इसके अलावा यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन होता है 3D रेंडरिंग का। जैसा मैंने बताया ना कि एक ही ऑप्शन को काफी जगह से यूज कर सकते हैं। मोड बार है उसको हाइड करना चाहते हो तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा तब टूल्स में आते हो तो मल्टीपल स्ट्रक्चर को चेक करना, कोई जो डुप्लीकेसी हम बना रहे हैं नोड्स की, मेंबर की, प्लेट की, वो हम चेक कर सकते हैं, राइट। जीरो लेंथ मेंबर आप चेक कर सकते हो, प्रॉपर्टीज़ को मर्ज करना, कैलकुलेटर का यूज़ करना है तो हमें टूल्स में आना होगा। यूनिट्स में कुछ चेंजेस करना है, कन्वर्ट करना है तो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। बीम जो डायमेंशंस हैं, यानी जैसे बीम आपने बनाया, कॉलम आपने बनाया तो उसके डायमेंशन चेक करना चाह रहे हो तो उसका यहाँ पे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। अदरवाइज डायमेंशन का एक ऑप्शन यहाँ पे भी आता आपके पास, ठीक है। नोड से नोड की डिस्टेंस चेक करना है तो भी हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, आपके पास टूल्स में ऑप्शन, अदरवाइज आप बिल्कुल ठीक डायमेंशन के साइड में भी यहाँ पे जो टूल बार है यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, ठीक। मेनू बार के नीचे आपके पास काफ़ी सारे टूल बार्स यहाँ पे गिवन है, राइट, ठीक है। से मान लीजिए कोई करंट इनपुट यूनिट है उसको सेट करना चाहते हैं, डिस्प्ले करना है यूनिट को, सेक्शन कट करके दिखाना है, जो फॉर्मेट्स आपके पास है लिस्ट आपको बनानी है, यूज़र टेबल क्रिएट करना, सेक्शन विजार्ड में चेंजेस करना, ठीक है, जो सेक्शन डेटाबेस है उसको मॉडिफाई करना या फिर ब्राउजिंग करना, तो उसके भी ऑप्शन हम यहाँ पे कर सकते हैं। टेक्स्ट आपको लेके आना, यानी कि एनोटेशन का काम आप करना चाहते हो, मान लीजिए बीम है, बीम आप लिखना चाह रहे हो, या फिर तो हम एनोटेशन का काम यानी कि टेक्स्ट से रिलेटेड कोई भी काम करना है तो हम डायरेक्ट इंसर्ट टेक्स्ट में कर सकते हैं। इसके अलावा सेलेक्ट के मेन्यू में आते हैं तो ये जो ऑप्शन है ना सेलेक्ट का मेन्यू, ये सेलेक्ट जो मेन्यू है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको हम अच्छे से समझ लें तो आप ये मान के चलिए कि अप्रोक्स 50% जो सॉफ्टवेयर है ना वो आपने सीख लिया, अगर हम सेलेक्ट मेन्यू को अच्छे से समझे। जैसे नोड कर्सर का यूज़ कहाँ होता है, जो पहला ऑप्शन आपके पास यहाँ पे गिवन है, नोड कर्सर को आप यहाँ से भी सिलेक्शन कर सकते हो, अदरवाइज दूसरा जो आपके पास कंट्रोल, पेज कंट्रोल वाला जो पैनल्स है ना यहाँ पे, जो काफ़ी सारे मेंबर्स आपके गिवन है तो हम यहाँ से भी सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे बीम कर्सर कहाँ यूज़ होता है, जैसे नोड कर्सर से तो हम सिर्फ नोड को सेलेक्ट करेंगे, बीम को सेलेक्ट करना है तो बीम कर्सर का यूज़ करेंगे, फिजिकल मेंबर को सिलेक्शन करना है तो उसके लिए एक अलग कर्सर यहाँ पे गिवन है, प्लेट को सेलेक्ट करने के लिए प्लेट कर्सर गिवन है, सरफेस के लिए अलग कर्सर गिवन है, सॉलिड के लिए सॉलिड कर्सर है, ठीक है। ऐसे प्लेट और सॉलिड्स दोनों को चाहते हो तो आपके पास ऑप्शन है, ज्योमेट्री कर्सर के लिए भी अलग ऑप्शन है, ठीक है। फिल्टर्ड करना है किसी कर्सर को तो आपके पास ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, सिलेक्शन मोड में भी जो ऑप्शन मैंने बताए। किस सेलेक्ट किस तरीके से करना है, ड्रैग बॉक्स का मेथड है आपके पास, जो माउस से हम सेलेक्ट करते हैं ना किसी भी मेंबर को, एलिमेंट को, ठीक है। मेंबर आपके पास बीम कॉलम स्लैब हो गए, एलिमेंट में आपके पास प्लेट होता है, कोई भी सरफेस है तो वो आपके पास किस कैटेगरी में मिलेगा आपको, एलिमेंट में, ठीक है। लाइन की हेल्प से सिलेक्शन करना है, फिर रीजन आप बनाना चाह रहे हो तो भी उसका, यानी कि सिलेक्शन क्राइटेरिया गिवन है। सिलेक्शन फिल्टर का कॉन्फिगर करना है तो हम कर सकते हैं, जो लोड है उसमें कुछ चेंजेस करना है, लोड एडिट कर्सर यहाँ पे गिवन है, सपोर्ट एडिट कर्सर आपको यहाँ पे मिलेगा जिसमें, इसके अलावा हम यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे रिलीज एडिट कर्सर है, कोई सपोर्ट हम लगाते हैं उसमें कुछ चेंजेस करना हो तो आपके पास ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। बीम को सिलेक्शन करने, जैसे मान लो एक बीम है तो हम उस पर बहुत आसानी से काम कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आपने मान लो कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग या फिर कोई स्क्राइस्क्रैपर बनाया है और मैं आपको ये कहूँ कि मान लो मुझे सिर्फ 100 बीम्स को सिलेक्शन करना है जो कि एक्स डायरेक्शन में, यानी कि मुझे उन बीम्स को सिलेक्शन करना है जो कि एक्स डायरेक्शन में है, बीम पैरेलल टू एक्स डायरेक्शन के पैरेलल में है, तो उसको सिलेक्शन करने के लिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है बीम पैरेलल टू एक्स, राइट, वाई, जेड, ठीक। ऐसे ही मान लो मुझे प्लेट्स को सिलेक्शन करना है किसी भी एक्स वाई में, वाई जेड डायरेक्शन या फिर एक्स जेड में, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। रेंजेस के बिहाफ पे आपको मेंबर सिलेक्शन करना या फिर एलिमेंट को सिलेक्शन करना,
ग्रुप के जो नेम है उनके बिहाफ पे सिलेक्शन करना चाहते हो तो भी आपके पास ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये जो सेलेक्ट का मेन्यू है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट, इसको भी हम आगे समझने वाले हैं। ठीक है, जब आप ज्योमेट्री पे आते हो ना तो इसमें कंप्लीट जो आपके पास प्रॉपर्टीज़ है वो यहाँ पे चेंज हो जाए। जैसे नोड्स के ज्योमेट्री पे आते हो तो नोड्स वाला पैनल आपके पास रहेगा। स्नैप ग्रिड में बीम पे वर्क करना है, प्लेट में वर्क करना चाहते हो तो प्लेट भी दो तरह की है, क्वाड्रिलेटर पे काम करना है या फिर ट्राइंगल पे काम करना है, राइट, जो कि 3 नोडेड है 4 नोडेड है तो उसके भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। ठीक, ऐसे सॉलिड पे काम करना है, ठीक है, कोई नोड आपको इंसर्ट करना है तो हम इंसर्ट नोड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ऐड बीम करना चाह रहे हो तो उसके भी कुछ ऑप्शंस हैं, पॉइंट से पॉइंट पे लेके आना है या फिर बिटवीन मिड पॉइंट्स आप लेके आना चाहते हो। ठीक है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक बीम यहाँ पे क्रिएट किया, ठीक है, कंट्रोल आप इसको यहाँ पे मान लो मैंने वर्टिकल यहाँ पे क्रिएट किया, राइट। अब ये जो पैनल आपके पास यहाँ पे गिवन है ना, ठीक, दूसरा मुझे यहाँ से और यहाँ पे एक बीम क्रिएट करना है, सिलेक्शन मैंने किया, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, और ये जो आपके पास नोड्स है ना, जैसे अभी मैंने बीम को सिलेक्शन किया हुआ है, सिलेक्शन करके मैंने इसको डिलीट कर दिया, ओके कर दीजिए, यस मैंने किया तो डी अटैच हो गया ना। अभी देखो ये आपके पास एक मेंबर मैंने यहाँ पे बनाया, ठीक है, तब आप इस मेंबर पे कर्सर लेके जाओगे ना तो आपको कुछ कलर कोडिंग्स यहाँ पे शो होती है। जैसे 3 कलर आपको दिख रहे हैं, पहला ब्लू कलर है, देन रेड कलर आपको शो हो रहा है, उसके बाद ग्रीन कलर शो हो रहा है। तो ये जो चीज़ें आपको दिखा रहा है, ये कलर कॉम्बिनेशन, ये दिखाता है कि बीम का स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है। अभी तो हमने बीम बनाया ना, नेम भी यहाँ पे गिवन है, बीम टू आपका बना, पहला जो वर्टिकल था उसको मैंने हटाया जो कि कॉलम था आपका, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेशन आपकी बीम की रहेगी यहाँ पे, तो ब्लू कलर आपको स्टार्टिंग पॉइंट दिखाता है, रेड कलर यानी कि मिड पॉइंट है, और ग्रीन आपका क्या रहेगा, बीम का एंडिंग एरिया है। ठीक है, तो बीम जो यहाँ पे बनी है वो बेसिकली 2 नोड से बनी है। अब मान लो मुझे यहाँ पे बीम को सिलेक्शन किया, तो देखो यहाँ पे कर्सर आपके पास कौन सा है, बीम कर्सर है ना। अभी मैं नोड्स को सिलेक्शन करना चाह रहा हूँ, तो देखो नोड्स आपकी सेलेक्ट नहीं हो रही ना, तो ये वाली हो रही। ठीक है, आप चाहे इसको रिवर्सिबल से भी कर सकते हैं, दोनों मेथड आपके पास हैं। तो रीज़न क्या है सिलेक्शन, लेकिन अगर मैं यहाँ से इसको सिलेक्शन करता हूँ बीम का तो सेलेक्ट हो रहा है। रीज़न क्या है कि अभी मैंने किसको डिफाइन किया यहाँ पे, बीम कर्सर की हेल्प से अगर मैं नोड को सेलेक्ट करता हूँ तो सेलेक्ट नहीं होगा, उसके लिए मुझे यहाँ पे जो नोड कर्सर है उसको सिलेक्शन करना होगा। देखो पहला नोड हो गया सेलेक्ट, सेलेक्ट होते ही जो यहाँ पे डेटा एरिया है, डेटा एंट्री जो टेबल यहाँ पे गिवन है उसमें डिफाइन हुआ नोड नंबर 3 है। ठीक है, आपके पास कोऑर्डिनेट वैल्यूज़ है 0 0 0 यहाँ पे गिवन है। और ठीक है, से अगर मैं सेकंड नोड को सिलेक्शन करता हूँ तो देखो यहाँ पे आ गया सेकंड, एक्स में कितना है 10 मीटर आप चले, यानी कि ये आपके पास 0 है, एक्स में हम कितना चले 10 मीटर। तो जाहिर सी बात है कि जो बीम आपने यहाँ पे बनाई, जो लेंथ है, जो सेक्शन यहाँ पे बना उसकी लेंथ कितनी रहेगी 10 मीटर। ठीक है, वाई की पोजिशन यहाँ पे 0 है, जेड का पोजिशन यहाँ पे 0 है। ठीक है, दूसरा तब मैं बीम को सिलेक्शन करता हूँ तो देखो यहाँ पे नोटिफिकेशन है आपके पास, कुछ टर्मिनोलॉजी है, बीम सेकेंड कौन कौन से नोड से कनेक्ट है, नोड ए नोड बी यहाँ पे गिवन है, सेकेंड और थर्ड से कनेक्ट है। ठीक है, जो आपका बीम सेकेंड है, जैसे मैंने सिलेक्शन किया तो देखो बीम सेकेंड किस किस से सिलेक्शन है, सेकेंड और थर्ड से। तो हम चेंजेस इनको यहाँ भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं यहाँ से चेंजेस करोगे तो ही चेंज होगा, नहीं। अब जैसे मान लो 10 मीटर है, मैं इस 10 मीटर को यहाँ पे 5 मीटर ले आता हूँ। ठीक है, राइट, मैंने 5 मीटर यहाँ पे किया तो देखो जो लेंथ है वो तो आपके पास चेंज हो चुकी ना, ये 5 मीटर रहेगी। अभी मुझे चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे देखो आपके पास एक ऑप्शन आता था डायमेंशनिंग, तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया आपके पास एक डायबॉक्स ओपन होगा जिसमें गिवन है यहाँ पे डिस्प्ले रिमूव डायमेंशन। अभी देखो रिमूव करने का मतलब यह है कि हमारे पास डायमेंशन होनी चाहिए तभी तो हम रिमूव करेंगे, तो डायमेंशन तो है नहीं, उसके लिए हमें डिस्प्ले करना होगा। तो यहाँ पे गिवन है ना डिस्प्ले, अगर होती तो हम रिमूव कर सकते थे, नहीं है तो हम किसको रिमूव करें। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया डिस्प्ले, ऑप्शन गिवन है डायमेंशन टू व्यू, जो दिख रहा है अभी देखो एक ही बीम है तो हम तीनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं जो हमारे लिए सुटेबल रहेगा, तीनों ही ऑप्शन। लेकिन मल्टीपल बीम्स हैं, 40, 50, 60 बीम्स, अगर हम कुछ बड़ी बिल्डिंग यहाँ पे बना रहे हैं तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, डायमेंशन टू सिलेक्टेड बीम या फिर डायमेंशन टू लिस्ट, यानी कि हम सिर्फ सिंगल बीम को करना चाह रहे हैं तो एक लिस्ट आपके पास जनरेट होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कौन से बीम को सिलेक्शन करना है, तो हम 4 को सिलेक्शन करेंगे तो 4th बीम आपकी यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, सर, डायमेंशन टू सिलेक्टेड बीम में क्या है कि अभी मैंने जिसको सेलेक्ट किया हुआ है तो रेड कलर यहाँ पे दिख रहा है ना बीम, यानी कि ये सेलेक्ट है तो इसी को डायमेंशन देनी है तो हम डिस्प्ले कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायमेंशन टू व्यू भी करोगे क्योंकि सिंगल है तो भी डायमेंशन आपका यहीं पे शो होगा। तो मैंने डिस्प्ले किया, डिस्प्ले में देखो 5 मीटर गिवन है। अभी मैं इसको यहाँ से क्लोज करके मान लीजिए मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ 10 मीटर, राइट, डबल क्लिक मैंने किया यहाँ पे
एक आपके पास नोटिफिकेशन आएगी यहाँ पे, ऑटो सेव विल सेव योर फाइल नाउ, डू यू वांट टू प्रोसीड, तो आपको फाइल यहाँ पे सेव कर देनी है, ठीक है। जो भी आप काम करोगे वो आपका टाइम टू टाइम यहाँ पे अपडेट होता रहेगा, सेव होता रहेगा, ठीक है। तो जैसे जीरो है, एक्स की वैल्यू यहाँ गिवन है, जेड की वैल्यू यहाँ पे गिवन, तो मान लो मैंने यहाँ पे रखा 10 मीटर, 10 मैंने रखा, अब ज़रा देखें 10 आपके पास हो गई ना, डायमेंशन यहाँ पे गिवन है 10, ओके। तो आपके पास कुछ सिलेक्शन के मेथड्स यहाँ पे गिवन है, जैसे बीम नोड कर्सर से नोड सेलेक्ट होगा, बीम कर्सर से बीम सेलेक्ट होगा, ठीक है। ऐसे ज्योमेट्री में आते हो तो ऐड बीम करना है, यानी कि इसमें 2-3 बीम्स हैं, या फिर कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो उसमें बीम ऐड करने के लिए कुछ ऑप्शन, जैसे नोड अगर हम बना देते हैं, ठीक है, नोड अगर आप इंसर्ट करते हो, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे किया 4th, आपके पास ऑप्शन यहाँ पे गिवन है ना, मैं मान के चलता हूँ मैंने यहाँ पे रखा 0, टैप प्रेस करने के बाद यहाँ पे मैंने रखा 5 और यहाँ पे मैंने रखा 0, तो देखो एक नोड आपके पास यहाँ पे इंसर्ट हुआ ना। अब इन दोनों के बीच में मुझे बीम लेके आना है, यहाँ से यहाँ तक मुझे बीम को कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट करने के लिए देखो आपके पास एक ऑप्शन आता है यहाँ पे ऐड बीम्स, अदरवाइज ज्योमेट्री में जाओगे तो भी आपके ऑप्शन मिलेगा ऐड बीम्स, तो आपके पास है सेट न्यू मेंबर एट्रीब्यूट या फिर ऐड बीम फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। तो देखो मुझे यहाँ से और यहाँ तक एक बीम को ऐड करना है, तो देखो मैंने कर दिया ना, जिसका 4th वैल्यू यहाँ पे गिवन है 0, 5 मीटर है वाई डायरेक्शन में, जेड में 0, और जो बीम आपके पास यहाँ पे 3rd नंबर है, कौन कौन से नोड से कनेक्ट है, 3rd और 4th से, ठीक है ना। आपके पास कंप्लीट नोड्स यहाँ पे गिवन है, 1, 2, 3 जितने भी नोड्स हैं उनसे आपको यहाँ पे डिफाइन होगा। तो ज्योमेट्री के पैनल में जैसे प्लेट को ऐड करना है तो हम प्लेट को यहाँ पे कर सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल बनाना चाहते हो, ट्रायंगल आपको बनाना है, ठीक है, सॉलिड आपको बनाना है, तो हम डायरेक्ट आप पे कुछ नोड्स आपके गिवन है कि 4 नोडेड टेट्राहेड्रा शेप बनानी है, 5 नोडेड पिरामिड बनाना चाहते हो, 6 नोडेड वेज आपको बनाना है, वेज शेप जो होती है, ठीक है। एक डीजनरेटेड ब्रिक बनानी है तो उसके लिए 7 नोडेड हमें यूज़ करना होगा, 8 नोडेड ब्रिक बनाना है तो भी उसका ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, सरफेस ऐड करना चाहते हो तो भी हम डायरेक्ट यहाँ से करना चाहते हैं, ठीक है। मैशिंग यानी कि जो सरफेस आपने बनाया उसकी मैशिंग करना है, या फिर ट्रांसलेशनल रिपीट आपको करना है, जैसे मान लो ये बीम यहाँ पे गिवन है, डायरेक्शन आपके पास है एक्स, मुझे वाई में करना है, ठीक है, मैंने किया ट्रांसलेशनल रिपीट, मुझे वाई में करना है, स्टेप यहाँ पे गिवन है कितना, 5 मीटर का मुझे रखना है, ठीक है, और नंबर ऑफ स्टेप 1 है, डिफॉल्ट स्टेप स्टेपिंग 5 मीटर मुझे रखना है, एक्स में मैं कर देता हूँ, ठीक है, और लिंक नहीं करना है यानी कि स्टेप्स को मुझे कनेक्ट नहीं करना, मैंने डायरेक्ट यहाँ से किया, ओके। तो क्या कह रहे हैं, प्लीज सेलेक्ट मेंबर नोड प्लेट फॉर द ट्रांसलेशनल रिपीट, किसी ना किसी मेंबर को तो सेलेक्ट करना पड़ेगा ना, तो मान लो मैंने इसको सिलेक्शन किया, डू यू वांट टू ऐड ए नोड हेयर, मैंने किया नो, नोड मुझे ऐड नहीं करना, मुझे मेंबर को सिलेक्शन करना है, तो ये मेरे पास एक बीम है, इसको सिलेक्शन किया, अब इसको मुझे कॉपी करना है, डायरेक्शन एक्स में कॉपी करना है, कितना कॉपी करना चाह रहे हो, स्पेसिंग मैंने रखा यहाँ पे 10 का, राइट 10 में यहाँ पे शो कर देता हूँ स्पेसिंग, अभी देखो जब यहाँ पे कर्सर लेके जाओगे ना तो 10 मीटर आपको यहाँ पे डिफाइन होगा, राइट। अगर आप 5-5 मीटर पे दो लेके आ रहे हो तो जैसे मान लो डिफ़ॉल्ट जो स्टेप स्पेसिंग है वो मैंने 5 मीटर रखा, ठीक है, तो यहाँ पे स्पेसिंग कितनी होगी 5, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 5 जाएगा, यानी कि हाफ ही डायमेंशन हमने यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो कवर की, लेकिन स्टेप में कर देता हूँ 2, यानी कि मुझे ये जो बीम यहाँ पे जनरेट हुई है ना, जो कॉलम की फॉर्मेशन है, मुझे 2 लगाने हैं, पहला मिड में और तीसरा सबसे लास्ट में लगेगा, कनेक्ट मुझे करना नहीं है, मैं डायरेक्ट यहाँ से कर देता हूँ, ओके। तो आपने नोटिस किया यहाँ पे 3 जो मेंबर थे वो आपके पास जनरेट हो गए, तो ट्रांसलेशनल रिपीट हम डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, अदरवाइज सर्कुलर रिपीट कर रहे हैं, जैसे सर्कुलर स्टेयरकेस बनाओगे, सर्कुलर वाटर टैंक बनाओगे, ठीक है ना, तो उसके ऑप्शंस यहाँ पे उसको में कुछ मान लो नोड्स आपको कॉपी करना है, रिपीट करना है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं, मैनुअल मेथड में काफ़ी ज़्यादा टाइमिंग आपको लगती है, तो क्यों ना डायरेक्ट हम यहाँ पे प्रैक्टिकल करें, ठीक है। तो ज्योमेट्री में आपके पास ये ऑप्शंस अवेलेबल है, मैशिंग के लिए भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, अब ये जो बीम कॉलम हमने बनाया है उसको मूव करना है, रोटेट करना है, मिरर करना है, तो भी आपके पास उसके ऑप्शंस अवेलेबल हैं। री नंबर हम कर सकते हैं, लाइक 1, 2, 3 जो नोड्स हैं, मेंबर हैं, प्लेट है, सॉलिड, उन पे कुछ ना कुछ नंबर आपके पास गिवन रहेगा, तो हम डायरेक्ट उनको भी री नंबर कर सकते हैं। जैसे मान लो 1, 2, 3, 4 है, हम चाह रहे हैं कि ये 101 से स्टार्ट हो, तो 101, 102, 103 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। सेकंड फ्लोर पे काम कर रहे हो तो जो सेकंड फ्लोर है वहाँ पे जो डायमेंशन रहेगी वो 2 से हम स्टार्ट कर सकते हैं, जो री नंबरिंग है 201, 202, तो यहाँ पे उसके ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं, ठीक है। ऐसे कमांड्स में क्या होता है कि अभी आपने जो कुछ भी किया, यानी कि मॉडलिंग का काम हमने किया, अब उसमें थिकनेस ऐड करना है, प्लेट आप बनाते हो तो प्लेट में थिकनेस आपको ऐड करने का ऑप्शन यहाँ पे गिवन है,
सरफेस में थिकनेस ऐड करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। मेंबर प्रॉपर्टीज आपको डिफाइन करनी है। स्टील टेबल है, जैसे स्टील टेबल पे क्लिक किया तो कौन सी टेबल आप जनरेट करना चाह रहे हो, अमेरिकन, इंडियन, तो उसके भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है ना। कमांड्स पे आए, मेंबर प्रॉपर्टी पे आना है। स्टील टेबल को मैंने सिलेक्शन किया तो देखो अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, ब्रिटिश, कैनेडियन, चाइनीज, डच, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। अभी मान लो मुझे इंडियन पे काम करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे इंडियन तो उसका एक पैनल आपके पास ओपन होगा यहाँ पे, ठीक है, जिसमें कोड्स आपके पास गिवन है यहाँ पे कौन सा शेप आपको रखना है। ट्रस अगर हम बनाते हैं तो हम एंगल लेके चलते हैं, ट्रस अगर हम डिज़ाइन करते हैं तो उसमें एंगल ही तो होता है, जिसमें ISA 20:21:23 का आपके पास एंगल यहाँ पे गिवन है, ठीक है। टेबल अगर चेक करनी है तो डायरेक्ट हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। नेम उसका जो स्ट्रेड नेम है वो यहाँ पे गिवन है। डायमेंशंस आपके पास गिवन है, यहाँ पे ब्रेड्थ क्या है, थिकनेस क्या है, डायमेंशन, वो सारी चीज़ें गिवन है। RZ गिवन है, एक्सियल कितना लगेगा, ठीक है, मोमेंट क्या है, सेक्शन, वो सारी चीज़ें गिवन है आपके पास यहाँ पे। दूसरा ये है सिंगल सेक्शन के लिए, मान लो सेलेक्ट सेक्शन टू प्रोजेक्ट डेटाबेस में, तो उसके भी आपके पास ऑप्शंस यहाँ पे चेंजेस होते हैं, ठीक है। अभी जैसे हमने इसको हटाया तो सिंगल सेक्शन फॉर्म टेबल आपके पास यहाँ पे है। मटेरियल क्या चाहिए आपको, स्टील पे वर्क करना है, कंक्रीट से आप क्लिक करोगे तो कंक्रीट से रिलेटेड आपके पास डेटा यहाँ पे शो होगा, ठीक है। इसको हम यहाँ पे करते हैं क्लोज, ओके। ये आपके पास ऑप्शन आता है मेंबर प्रॉपर्टीज़ में। कमांड्स पे आए, जैसे मटेरियल कॉन्स्टेंट के बारे में चेंज करना है, डेंसिटी, इलास्टिसिटी, पॉइजन रेशियो, अल्फा, डैम्पिंग रेशियो, तो सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। सपोर्ट आपको लगाना है, कौन सा पिन लगाना है, फिक्स लगाना है, इनफोर्स, इनक्लाइन, फाउंडेशन चेक करना है, तो सपोर्ट से रिलेटेड ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। ऐसे ही मेंबर स्पेसिफिकेशंस गिवन है, केबल, कंप्रेशन, टेंशन, ट्रस, इन सभी के बारे में जो डिफरेंस है वो पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो अभी आप यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट डिज़ाइन करोगे तो उसमें जो काफ़ी सारे टर्म्स आपके पास टेक्निकल टर्म्स यहाँ पे आएंगी तो उनको समझना बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे मान लो ये जो कंप्लीट आपके पास जो भी हमने किया है इसको हम हटा दें और बिल्कुल स्टार्टिंग से ग्राफिकल मेथड है उसके बिहाफ पे वर्क करें, तो मैं इसको कंट्रोल प्लस ए करके डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। तो कंप्लीट जो एंटायर जितने भी बीम्स थे, फिजिकल बीम्स यहाँ पे एसोसिएटेड थे जो हर एक नोड से कनेक्ट थे, वो सभी यहाँ पे हट गए, ठीक है ना। डीअटैचिंग बीम्स एज लेस सम नोड्स, हमें इसको भी यहाँ से हटा देना है, ठीक है। तो कंप्लीट जो डेटा था वो आपके पास इरेज हो गया। अब मुझे फिर से स्नैप नोड बीम लेके आना है यहाँ पे, तो कर्सर आपके पास आ गया ना। अभी देखो एक ग्राफ आपके पास बना हुआ है, मान लीजिए ये 10 यहाँ पे गिवन है और मुझे यहाँ पे चाहिए एक लेंथ है बीम का 20 मीटर। अगर मैं बनाना चाहूँ तो मुझे क्या करना होगा, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ वैल्यू ही 10 तक है ना। ये देखो 0 से 1 मीटर, 2 मीटर, ये कैसे चेक करें कि 1 मीटर 2 मीटर है या नहीं है। तो यहाँ पे जो स्नैप नोड बीम का जो पैनल है ना, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको एडिट का। तब आप यहाँ क्लिक करोगे तो देखो स्पेसिंग आपके पास गिवन है, स्पेसिंग कितनी है मीटर में है। जैसे मान लो मुझे एक्स की स्पेसिंग इंक्रीज़ करनी है, 11, 12, 13, 14, 15 मैंने किया, ठीक है। ऐसे मुझे वाई की स्पेसिंग इंक्रीज़ करनी है या फिर मिनिमाइज़ करनी है, जैसे 10 से मान लो मुझे 5 पे रखना है तो मैं यहाँ पे 5 पे लेके आ सकता हूँ, ठीक है। देखो 15 और 5 का यहाँ पे जो डायरेक्शन है वाई में, हाइट इसकी 5 है और जाहिर सी बात है जो लेंथ है वो हम एक्स कितनी लेके चल रहे हैं, 15 मीटर 15 मीटर लेके चल रहे हैं। स्पेसिंग आप चेक कर सकते हो 1-1 मीटर। अब मान लो ये स्पेसिंग मैं 2 मीटर की यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ एक्स डायरेक्शन में और सिर्फ वाई में रहेगी 1 की, तो देखो यहाँ पे स्पेसिंग चेंज हो चुका, ठीक है। तो हम इसको अपने बिहाफ पे काम कर सकते हैं, प्लेन आपका एक्स जेड रखना है, वाई जेड में लेके आना चाह रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल हैं। तो मैंने प्लेन एक्स जेड में रखा और वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो है मान लीजिए 10 मीटर मैंने रखा, स्पेसिंग मुझे 1 चाहिए यहाँ पे। 1 करने के बाद मैंने डायरेक्ट इसको ओके किया और मुझे एक बीम यहाँ पे क्रिएट करना है। ये आपके पास कुछ व्यूज़ हैं, जैसे फ्रंट आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। ये रिवर्स है यानी कि आपको बैक से देखना है, लेफ्ट साइड से कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है। देन ये आपके पास जो राइट साइड है, ये टॉप व्यू है, बॉटम व्यू है और ये आपके पास 3D विजुअलाइजेशन का, आपके पास तीनों ही यानी कि एक्स वाई जेड में आप इसको देख सकते हो। तो मान लीजिए मैंने इसको फ्रंट से किया और मुझे 10 मीटर का बीम बनाना है, स्पेन मुझे रखना है यानी कि जो लेंथ है डायमेंशन वो 10 मीटर रखनी है। तो मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे सिलेक्शन करता हूँ, यहाँ पे मैंने सिलेक्शन किया नोड कर्सर का और नोड कर्सर जैसे मुझे मान लो क्रिएट करना है ना अभी, तो स्नैप नोड बीम पे हमने क्लिक किया, यहाँ से 2 मीटर का एक नोड मैंने डिफाइन किया, देन 4 और यहाँ से 7 के बाद में डायरेक्ट इसको 10 का लेके आता हूँ, ठीक है। तो देखो बीम जो है मेरा 0 से 10 तक 10 मीटर तक बन गया, लेकिन मैंने कितने नोड्स यहाँ पे क्रिएट कर दिए इसको चेक करने के लिए मैं इसको हटा देता हूँ। जो पीछे का ग्राफिकल इंटरफेस आ रहा है ना,
इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं यहाँ पे क्रॉस करूँगा ना तो हट जाएगा। ठीक है, देखो हाइड हो गया ना, अब आपके पास कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब डायमेंशन मुझे चेक करनी है, तो जाहिर सी बात है आपके पास एक ऑप्शन आता है यहाँ पर डायमेंशन का, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि हमें डायमेंशन देखनी यहाँ पे जैसे आ रहे हैं ना नोड से नोड के डिस्टेंस, मुझे चेक करना है सिर्फ यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस कितनी है, या फिर मुझे सेकंड नोड से जो थर्ड नोड यहाँ पे दिख रहा है मुझे सिर्फ ये डायमेंशन चेक करनी है, तो आपके पास ऑप्शन है ना यहाँ पे, जैसे ये देखो डायमेंशन के ठीक साइड में आपको मिलेगा डिस्प्ले नोड टू नोड डिस्टेंस। मुझे यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस चेक करनी है देन, और यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस चेक करनी है, तो 2 मीटर यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक 3 है। ठीक है, से मान लीजिए मैंने यहाँ से यहाँ तक का चेक किया जो कि 3 है, और आपके पास ये कंप्लीट यहाँ पे डायमेंशन कितने आ गए, जो डिस्टेंस है 2 + 2 = 4 + 3 = 7 + 7 + 3 = 10। अब मान लीजिए मुझे यहाँ से चेक करना है और यहाँ तक देखना चाहें तो 7 मीटर है। ठीक, ऐसे ही मुझे जो सेकेंड थर्ड नोड यहाँ पे है गिवन है, थर्ड और लास्ट में चेक करना है 6 मीटर हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये आपके पास मेथड है डायमेंशन चेक करने का, राइट। नोड से नोड भी हम चेक कर सकते हैं, अदरवाइज आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट भी आपके पास वैल्यू होती है कि पूरी सिंगल बीम का चेक करना है, अलग अलग लेके आ सकते हैं, तो भी हमारे पास मेथड होता है यहाँ पे डायमेंशन का, राइट। देखो बीम तो हमने बनाया, कहने को तो हमारे पास बीम है ना, ये एक लाइन हमने बनाई, डायमेंशन यहाँ पे जनरेट कर दिया, इंटरनल डायमेंशन आपको यहाँ पे दिख गई 2 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 3 मीटर, कंप्लीट 10 मीटर की डिस्टेंस है, बनाया तो हमने बीम है ना। लेकिन तब आप इसको 3D रेंडरिंग करते हो ना, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ना 3D में चेक करने का, 3D रेंडरिंग करोगे तो देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा, सिंपल एक लाइन ही आपको दिख रही है यहाँ पे। चलो देखो मैं इसको अच्छे से जूम कर देता हूँ, आपके पास ये वाई यहाँ पे गिवन है, जेड आपके पास ये एक्स है, सिंपल लाइन ही तो है ना, किसी तरह की कोई थिकनेस आपको नहीं दिख रही। तो थिकनेस वगैरह इन सब के लिए क्या करें, ये जो आपके पास ऑप्शन आता है ना थिकनेस वाला, ये बेसिकली मेंबर प्रॉपर्टीज़ में होता है कि मेंबर आपने बनाया, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि बीम कॉलम और स्लैब ये आपके पास मेंबर होते हैं, तो जो मेंबर बना उसके कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। तो मेंबर प्रॉपर्टीज़ के लिए आपके पास ऑप्शन होता है यहाँ पे जनरल पे, तब आप क्लिक करते हो ज्योमेट्री के ठीक नीचे, तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन होता है मेंबर प्रॉपर्टीज़। अदरवाइज हम डायरेक्ट यहाँ पे मान लो ये मैं इसको हटा दूँ यहाँ से पैनल, मान लीजिए जनरल पे क्लिक करो, अगर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मेंबर का पैनल नहीं आता है प्रॉपर्टीज़ का, तो देखो मटेरियल लोड एंड डेफिनेशन सपोर्ट स्पेसिफिकेशन सबसे टॉप पे मिलेगा प्रॉपर्टी यहाँ पे आ चुका ना, यानी कि अब इस पे हमें थिकनेस लगाना है कि जो बीम है उसका क्या सेक्शन आप रखना चाह रहे हो, कितनी थिकनेस रखना है, एक्स में कितना रखना है, वाई में कितना रखना है, जेड में, तो बेसिकली सभी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होंगे। तो यहाँ पे तब आप ओपन करोगे ना हॉल स्ट्रक्चर, यहाँ पे आपके पास आया डिफाइन में जो बीम आप बना रहे हो वो कैसी रखनी है, सर्कल रखना चाह रहे हो, रेक्टेंगल है, टी सेक्शन, ट्रेपेजॉइडल, जनरल, टैपर्ड सेक्शन में रखना है, तो इसके कुछ प्रीव्यूज भी आपको मिलेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे रेक्टेंगल रखना है तो आपके पास एक प्रीव्यू यहाँ पे दिखेगा। मटेरियल किसका रखना चाहते हो, तो बीम तो मान लो मुझे अभी कॉन्क्रीट का ही बनाना है ना, सेक्शन आपके पास गिवन है जो रेक्टेंगल स्टाइल हमने रखी, इसमें कोई भी हम एक डायमेंशन यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं सेक्शन के लिए। जैसे मान लो मैंने रखा 0.23 और टैब प्रेस करने के बाद हम यहाँ पे ZD में आ गए, मैंने रखा इसको भी 0.23 मीटर, मटेरियल कंक्रीट, इसको मुझे ऐड करके क्लोज कर देना है। अब देखो आपने क्लोज किया, यहाँ पे मटेरियल है कंक्रीट, सेक्शन आपका बन गया, रेफरेंस है रेक्टेंगल, 1, 2, 3 सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। अब इसको मुझे यहाँ पे असाइन भी तो करना है। अब असाइन करने के आपके पास 4 तरीके होते हैं यहाँ पे, जो असाइनिंग मेथड है असाइन टू सेलेक्टेड बीम, यानी कि बीम को सेलेक्ट करोगे तो ही यहाँ पे असाइन होगी जो प्रॉपर्टी है जो सेक्शन है वो। इसके अलावा यूज़ कर्सर टू असाइन, उसके लिए मुझे इसको असाइन करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो लिस्ट है उसके बिहाफ पे हम असाइन कर सकते हैं या फिर जो आपको दिख रहा है उस पर असाइन करना। देखो एक ही मेंबर आपके पास बना हुआ है तो मैं यहाँ पे यूज़ कर्सर टू असाइन कर सकता हूँ या फिर असाइन टू व्यू कर सकता हूँ। तो यूज़ कर्सर टू असाइन में बेसिकली क्या है, अगर मैं सिंगल सेलेक्शन करूँगा, जैसे एक बीम तो यही बनाना आपका, दूसरा बीम आपका ये बना, तीसरा ये बना, क्योंकि हमने जो 10 मीटर का कंप्लीट आपके पास बीम थी लेंथ थी उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था ना, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ असाइन टू व्यू कर देता हूँ कि मुझे जो भी दिख रहा है वो सारा यहाँ पे सेलेक्ट हो जाए, या फिर यूज़ कर्सर टू असाइन के बिहाफ पे हमें कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करना पड़ेगा। देखो कंप्लीट आपके पास मेंबर था वो सेलेक्ट हो गया, असाइन मैंने किया, देखो यहाँ पे आ गया ना आपके पास असाइनमेंट मेथड में असाइन टू सेलेक्टेड बीम। तो असाइन तब आप यहाँ पे करोगे तो देखो यहाँ पे असाइनिंग आपका हो रहा है, यहाँ पे जो कंप्लीट आपके पास सेक्शन है वो मटेरियल है वो यहाँ पे असाइन हो चुका है, राइट। तो यहाँ पे आपके पास ठीक है नोटिफिकेशन आया यहाँ पे,
असाइनमेंट मेथड यू हैव टू चूजन, यस पे आपको क्लिक कर देना है। देखो अब जरा R1 R2 की वैल्यूज यहाँ पे आपको दिख रही है, 1, 2, 4। ठीक है, मैं इनको कुछ हटा देता हूँ। जैसे असाइन आपने कर ही दिया, इसको हम यहाँ से वेट अ मिनट जो डायमेंशन यहाँ पे गिवन है रिमूव कर दिया मैंने। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ना आपके पास, सिलेक्शन था डिस्प्ले, और यहाँ पे डिस्प्ले से अगर मतलब नोड से नोड डायमेंशन गिवन है तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन रहेगा सेकंड रिमूव। तो देखो R1 आपके पास जो सेक्शन था रेफरेंस रेक्टेंगल सेक्शन है R1, वो ये यहाँ पे गिवन है। तो जो सेक्शन था वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, थिकनेस आपके पास आ गई ना। अब आप इसकी 3D रेंडरिंग कर सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन है 3D रेंडरिंग। अब देखिए जो लाइन यहाँ पे बन रही थी उसकी थिकनेस आपके पास, यानी कि जो बीम था उसका थिकनेस आपको यहाँ पे देखने को मिल गया। ठीक है, तो 10 मीटर का जो स्पेन है उसमें कितने कितने पार्ट्स हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, वो भी यहाँ पे गिवन है, राइट। तो जो थिकनेस यहाँ पे है, सारे कुछ ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, थिकनेस है उसका, कंप्लीट एक स्पेन है, तो वो सब कुछ हम यहाँ पे 3D में चेक कर सकते हैं। ओके, इसको मैंने किया क्रॉस। अभी हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सेक्शन डिफाइन किया है, प्रॉपर्टी आपके पास है, कॉन्क्रीट का मटेरियल हमने यहाँ पे अप्लाई किया, यानी कि सेक्शन आपने थिकनेस यहाँ पे प्रोवाइड किया कर दिया। नेक्स्ट समय क्या करना है, ऐसे यस किया, सेव कर दीजिए। अब देखो मॉडलिंग का जो पैनल है ना वो हमारा, यानी कि मॉडलिंग का वर्क हमने यहाँ पे फिनिश किया। मॉडलिंग में सिर्फ इतना ही करना है, बीम आपने बनाया, थिकनेस उस पर रखी। अब ये जो बीम है इस पर मैंने थिकनेस रखी 0.23 की, ठीक है, जबकि आप रेंडरिंग करके भी चेक कर सकते हैं। अब सेक्शन डिफाइन करने के बाद हमें जो मेन काम है वो करना होता है, इसके सपोर्ट्स आपको डिफाइन करने हैं। ठीक है, सपोर्ट भी तो लगाएंगे हम, तो सपोर्ट के लिए आपके पास पैनल यहाँ पे गिवन है सपोर्ट, अदरवाइज आपके पास यहाँ पे भी ऑप्शंस आते हैं सपोर्ट का। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, सपोर्ट्स का पैनल यहाँ पे आ गया। इसको मैं हटा देता हूँ, मुझे यहाँ से क्लिक करना है सपोर्ट, तो भी आपको सेम पैनल मिलेगा, राइट। बस लोकेशन आपकी चेंज हो गई, यहाँ से यहाँ पे आ रहा था टॉप में, बॉटम से बॉटम में आपको दिख रहा है। अब सपोर्ट आपको क्रिएट करने हैं ना, कौन कौन से सपोर्ट लगाने हैं। जैसे आप यहाँ पे क्रिएट करोगे तो क्रिएट पे मैंने क्लिक किया तो कुछ ऑप्शंस आते थे, फाउंडेशन, इनक्लाइन, टेंशन कंप्रेशन, ओनली स्प्रिंग्स, मल्टीलिनियर, एनफोर्स, एनफोर्स बॉट, फिक्स पिन। ठीक है, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पास सपोर्ट के, तो इनमें डिफरेंसेस जो है आपको कुछ टेक्निकल टर्म्स है पता होना चाहिए। जैसे मान लो मुझे फिक्स सपोर्ट यहाँ पे लगाना है, तो मैं एक बार इसको ऐड कर देता हूँ। आपके पास फिक्स सपोर्ट यहाँ पे हुआ, दूसरा लगाना है मैंने क्रिएट यहाँ पे किया। ठीक है, जैसे मान लो पिन लगाना है तो पिन हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, हमने इसको ऐड किया, पिन सपोर्ट आपके पास लग गया। सेकंड सपोर्ट है उसको डिलीट करना है तो मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, तो सपोर्ट आपके पास है यहाँ पे। एक और सपोर्ट मुझे क्रिएट करना है, जैसे मान लो मुझे फिक्स बट लगाना है और मैं FY को छोड़ के जितने भी डायरेक्शन हैं उनमें मेंबर को रिलीज़ करना चाहता हूँ, कि मेरे पास सभी में फिक्स रह जाए लेकिन वाई में उसको रिलीज़ करना है, तो मैंने इसको ऐड किया, तो यहाँ पे आपके पास फिक्स बट यहाँ पे अप्लाई हो गया, राइट। यहाँ पे गिवन है ना, देखो थर्ड तो ये जो नेम यहाँ पे गिवन है S3 सपोर्ट 3, इसका डिस्क्रिप्शन है रेफरेंस S3, ये तो आपको पता है कि आपने जो फिक्स यहाँ पे लगा, जो पिन सपोर्ट आपने लगाया, दूसरा जो S2 है सपोर्ट 2, ये हमने फिक्स लगाए थे जो कि रोलर की कैटेगरी में हम काउंट करते हैं। ठीक है, अभी जो ये गिवन है ना सपोर्ट 3, यानी कि जो पिन सपोर्ट यहाँ पे, ये मैं लेफ्ट साइड में मुझे लगाना है, तो यहाँ पे गिवन है यूज कर्सर टू असाइन, मुझे ये वाला लगाना है, तो मैं यहाँ पे एक नोड को सिलेक्ट कर लेता हूँ कि मुझे इस नोड पे पिन सपोर्ट लगाना है। तो असाइन टू सिलेक्टेड नोड का जो पैनल है वो हाईलाइट हो गया, इसको मैंने किया यहाँ से असाइन। असाइन मेथड यू हैव टू चूजन इज असाइन टू सिलेक्टेड नोड, डू यू वांट टू प्रोसीड, यस मैंने किया। तो देखो यहाँ पे अप्लाई हो गया ना, पिन सपोर्ट मैंने लगा दिया और यहाँ पे मुझे लगाना है फिक्स सपोर्ट, ठीक है, जो कि रोलर कैटेगरी में है। जैसे ब्रिजेस पे आप लोग देखते हो, सपोर्ट 2 को मैंने सिलेक्शन किया, यूज कर्सर टू असाइन, ये मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है, राइट। तो असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, असाइन मैंने किया, यस आपको करना है। तो देखो यहाँ पे आपके पास अप्लाई हो चुका, अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, सपोर्ट हमने लगा, सपोर्ट लगाने के बाद मेन काम क्या होता है, देखो थिकनेस आपने लगाई, सपोर्ट आपने लगा दिया, अब जो बीम है उस पर लोड भी तो हमें लगाना है, तो इसके लिए हमें किस में आना है, लोड एंड डेफिनेशन के पैनल में, जो कि आपको कहाँ मिलेगा, ये ऑप्शन भी आपको अवेलेबल है लोड पेज, यहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं। देखो लोड एंड डेफिनेशन आया, अगर मैं इसको हटा के डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करता हूँ लोड एंड डेफिनेशन पे, जो आपके पास यहाँ पे कंट्रोल बार पैनल है, यहाँ पे देखो लोड एंड डेफिनेशन में वही सारी चीज़ें आपके पास आ गई। तो इसमें भी तीन ऑप्शन है, डेफिनेशंस में कैटेगरी आपको रखनी है, जैसे व्हीकल डेफिनेशन आप दिखा रहे हो ब्रिज डेक के केस में, टाइम हिस्ट्री डेफिनेशन दिखाना है। ठीक है, अगर कोई बड़ी बिल्डिंग है तो उसमें हमें विंड लोड अप्लाई करना होता है। ठीक है, जैसे कनाडा UK यहाँ पे आप लोग बना रहे हो तो स्नो डेफिनेशन का हम यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे स्नो लोड आपको दिखाना है।
राइट, रेफरेंस लोड डेफिनेशन भी हम कर सकते हैं। अदरवाइज आप अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे सिस्मिक डेफिनेशन का पैनल भी आपके पास अवेलेबल है, ठीक है ना। फाइंड आउट करनी है जो अप्लाई करना है, जैसे लोड के डिटेल्स पे आप आए ना, जो सेकंड पैनल है लोड के डिटेल, उसको मैंने ऐड किया तो एक पैनल आपके पास आया, ठीक है। यहाँ से मान लो मुझे डेड लोड लगाना है, ठीक है, कुछ कंडीशंस आपके पास यहाँ पे गिवन है, तो डेड लोड हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बीम पे जैसे मान लो लाइव लोड आपको चेक करना है, रूफ लगाना है, ठीक है, विंड, सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, राइट। तो जैसे मान लो मैं नन कैटेगरी में रख के और यहाँ पे नेम यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, लोड्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि जो कैटेगरी मैं बना रहा हूँ वो लोड्स की मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ऐड करके मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, राइट। अब कैटेगरी में कि देखो यहाँ पे क्या डिफाइन हुआ, लोड्स। अब मुझे क्या करना है, इस लोड की कैटेगरी में कुछ चेंजेस करने हैं आपको, पॉइंट लोड यहाँ पे लगाना है, वेयरिंग लोड मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है, तो उसमें जो ऑप्शन है जैसे मान लो लोड को मैंने सिलेक्शन करके यहाँ पे अगर मैं ऐड करता हूँ तो आपके पास एक डायबॉक्स यहाँ पे ओपन होगा, राइट। अब डायबॉक्स में यस पे मैंने क्लिक किया, मान लो मुझे मेंबर लोड यहाँ पे लगाना है, कोई स्पेसिफिकेशन जैसे डायरेक्ट सेल्फ लोड है, मैं नोडल लोड लगाना चाहता हूँ जिसमें जो लोड मुझे अप्लाई करना है वो वाई डायरेक्शन में लगाना है 5 किलो न्यूटन का, ठीक है। तो 5 किलो न्यूटन का वाई डायरेक्शन का मतलब देखो लोड नीचे की तरफ आएगा, अगर मैं यहाँ पे 5 लगाता हूँ ना तो आपके पास अपवर्ड डायरेक्शन यहाँ पे डिफाइन होगी, राइट। 5 किलो न्यूटन लगेगा लेकिन वो अपवर्ड डायरेक्शन में, तो वहाँ तो हमारी कोई बीम है नहीं, हमें तो नीचे लगाना है ना उसमें, तो हमें यहाँ पे जो मेंशन करना होगा डेटा यहाँ पे रखना होगा वो -5 किलो न्यूटन मैंने रखा, ठीक है। बेसिकली मेंबर्स के लिए जो नोडल लोड आपको अप्लाई करना है, नोड को सेलेक्ट करना है, यहाँ पे FY यहाँ पे गिवन है, मैंने यहाँ पे मेंशन किया -5, राइट। अब -5 आपको यहाँ पे डिफाइन करने के बाद डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड मैंने किया तो देखो यहाँ पे आपके पास आ गया FY -5 किलो न्यूटन, ठीक है। ऐसे ही मुझे मेंबर लोड अप्लाई करना है तो मेंबर लोड के लिए यहाँ पे पैनल है मेंबर लोड, जिसमें काफ़ी सारे ऑप्शन है, यूनिफॉर्म फोर्स है, मोमेंट है, कंसनट्रेटेड, ट्रैपेजॉइडल, ठीक है। जैसे मान लो मुझे यूनिफॉर्म फोर्स लगाना है, ठीक है, यूनिफॉर्म फोर्स में लगाना चाहता हूँ 3 किलो न्यूटन, तो यहाँ पे वही है वैल्यू मुझे किस में रखना होगा, -3 ना, तो मैंने -3 यहाँ पे रखा, डायरेक्शन आपके पास ZY है, ठीक है, तो मैंने इसको ऐड किया तो देखो यहाँ पे आ गया यूनिफॉर्म फोर्स आपके पास लगा ग्लोबल वाई डायरेक्शन में, -3 किलो न्यूटन मैंने लगाया, ठीक है। मेंबर लोड मैंने अप्लाई किया, अब मुझे इस पे लगाना है एक लीनियर वेयरिंग लोड लगाना है, ठीक है, तो उसके लिए मैंने सिलेक्शन किया लीनियर वेयरिंग में देखो आपके पास एक प्रीव्यू यहाँ पे शो हुआ। अब देखो यहाँ पे समझने की बात है, जो W1 है W2 यहाँ पे गिवन है कि पूरी जो बीम है उस बीम में आपको 2 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड करके बताया गया है, ठीक है। दोनों में किलो न्यूटन का नोड यहाँ पे अप्लाई करना है, तो मान लो W2 में मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ 5 किलो न्यूटन का, राइट, तो -5 मैंने रखा, डायरेक्शन आपके पास वही है वाई, क्योंकि नीचे की तरफ लगना है, तो -5 रखने के बाद ऐड कर दीजिए, 3 लोड्स मैंने लगाए, इसको कर दो अब आप क्लोज। अब यहाँ पे आपको ये लोड अप्लाई करना है FY है, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे ना तो आपसे पूछा जाएगा असाइनिंग मेथड। अब ये जो असाइनिंग मेथड है ना, यानी कि आपको एक अप्लाई कर लिया, असाइन आपको करना है कंप्लीट बीम पे, आपको तीनों लोड्स यहाँ पे अप्लाई करना है, राइट। तो जब आप इसको सिलेक्शन करोगे ना, देखो यहाँ पे FY कहाँ लगाना चाहते हो, पूरी बीम में आपके पास एक कर्सर यहाँ पे गिवन है, असाइन आपको करना है, ठीक है। हर एक एक नोड्स को हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, जैसे सेलेक्ट मैंने इसको किया, अब इन सभी को अप्लाई करना है, FY यहाँ पे गिवन है, यूनिफॉर्म है, ठीक है, कंप्लीट वैल्यूज है ना। तो सिलेक्शन करने के बाद जैसे मुझे अप्लाई करना है यहाँ पे, जो आपके पास पहला कौन सा था आपको तो पता होगा आपको, ठीक है, किस तरह के कौन कौन से लोड्स हमने रखे थे, लीनियर वेयरिंग है, यूनिफॉर्म मैंने रखा, ठीक है, जो पॉइंट नोड्स था लोड नोड मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, तो यहाँ पे गिवन है ना यूज कर्सर टू असाइन मैंने क्लिक किया यहाँ पे, और इसको मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ, तो देखो यहाँ पे आपके पास अप्लाई हो गया ना, ठीक है। अब मान लो ये तो मैंने अप्लाई कर दिया, अप्लाई हो चुका, ठीक है, ऐसे ही मुझे कौन सा लगाना है, यूनिफॉर्म जो मेंबर मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था, ठीक है, जो कि आपके पास कौन सा था, डिस्ट्रीब्यूटेड था ना, सिलेक्शन आप इसको करते हो, यूज़ कर्सर टू असाइन, और मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है, तो देखो अप्लाई हो गया यहाँ से यहाँ तक, जो बीम की लेंथ है हम उस पर काम कर रहे हैं अभी, राइट, ठीक। ऐसे ही मुझे लास्ट में एक अप्लाई करना है जो कि लीनियर वेयरिंग लोड है, इसको मैं यहाँ अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे अप्लाई हो चुका, ठीक है। तो इस तरीके से जो लोड है मैंने उनको यहाँ पे डिफाइन किया, ओके, पहला नोडल लोड जो कि -5 किलो न्यूटन का था, दूसरा मेंबर मैंने रखा -3 का, और लीनियर वेयरिंग लोड रखा वो भी मैंने कितना था -5, तो तीनों ही कैटेगरी मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। कैटेगरी डिफाइन करने के बाद डायरेक्ट इसको क्या कर देना है, क्लोज कर देना है,
ठीक है। अब क्लोज मैंने किया, मुझे क्या करना है, मटेरियल यहाँ पर अप्लाई करना है। कंप्लीट जो सिलेक्शन है उसमें मटेरियल डिफाइन करने के लिए आपके पास पैनल आता है यहाँ पे मटेरियल, क्लिक किया तो देखो कॉन्क्रीट 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 आपको दिख रहा है, चार बीम है यहाँ पे, यानी कि फोर नोड्स हैं और सभी का मटेरियल कौन सा है, कॉन्क्रीट, राइट, कॉन्क्रीट का हमने बनाया था। अब असाइन आपको कर देना है इन पे मटेरियल, कॉन्क्रीट मैंने किया असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, असाइन हमें यहाँ पे कर देना है, असाइन सिलेक्टेड, डू यू वांट टू प्रोसीड, मैंने किया यहाँ पे यस। तो देखो मटेरियल जो है वो आपका ऑलरेडी यहाँ पे अप्लाई है, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या करना, आपको एनालिसिस करना है, प्रिंट आपको यहाँ पे डिफाइन करना है, ठीक है। तो एनालिसिस में आपके पास ऑप्शन आता है यहाँ पे, देखो लोड एंड डेफिनेशन, एनालिसिस, प्रिंट मैंने किया, ऐड आपको यहाँ पे नो प्रिंट इसको मैंने किया ऐड, देन यू हैव टू क्लिक ऑन क्लोज, ठीक है। अब इतना सब करने के बाद जो बीम आपने बनाया इसको हमें एनालाइज करना है, ठीक है, कि इसमें देखें ज़रा कौन कौन से आपके पास क्या एरर्स हैं, क्या कुछ वार्निंग्स आती हैं, जो बीम हमने बनाया है वो पूरे तरीके से सही है या नहीं है। तो वो सारे आपके पास यहाँ पे कंप्लीट के इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पे जनरेट हो जाएगी, जो भी हमने लोड्स यहाँ पे डिफाइन किए उनके बिहाफ पे, राइट। तो एनालाइज के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है रन एनालाइज, सॉरी एनालाइज मुझे करना है, क्लिक मैंने किया रन एनालाइज पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपके पास जो प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट हो चुकी। अब इस प्रोसेसिंग में देखो जो एरर है वो जीरो है, वार्निंग्स यहाँ पे टू गिवन है, यानी कि कहीं ना कहीं हो सकता है, देखो एट्स टाइम आपके पास गिवन है, जीरो एरर रिपोर्ट आपके पास यहाँ पे जनरेट हुई। अच्छा बिगनर है तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ, एरर आपके पास नहीं आने चाहिए, वार्निंग आप कितनी भी लेके आ सकते हो, ठीक है। वार्निंग में बेसिकली क्या बताएगा कि भाई थिकनेस आपने मैक्सिमम ले ली है, या फिर आपने जो लोड्स वहाँ पे लगाए उसको थोड़ा सा कम करना था, ये पर्टिकुलर इस नोड पे लगाना था, ठीक है। तो देखो अभी तक हमने जो लोड्स वगैरह अप्लाई किए उसमें एरर तो नहीं आया, यानी कि प्रोसेस आपका पूरा सही है, बीम इतना लोड कैरी कर लेगा, ठीक है। वार्निंग्स आपकी आ सकती हैं, एरर किसी तरह का नहीं आना चाहिए, राइट। अब इतना सब करने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में चलना है, यानी कि इसके आगे में डिफ्लेक्शन वगैरह ये सब हम चेक करना चाह रहे हैं। तो गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड पे मैंने क्लिक किया, इसको डन कर देना है यहाँ से, ठीक है। इंटरफेस इसको मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ, डायरेक्ट इंटरफेस आपका चेंज हुआ, बीम आपके पास यहाँ पे गिवन है, सभी डिफ्लेक्शंस जितने भी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है मैक्सिमम है, सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है, रिजल्टेंट आपको शोर है, रोटेशनल जो भी आपके पास मोमेंट लगा, एक्स वाई जेड डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो रिजल्टेंट है, अलग अलग लोड्स पे सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है, राइट। अब जैसे डिस्प्लेसमेंट आपको चेक करना है तो ये देखो यहाँ पे दिख रहा है ना जो डिस्प्लेसमेंट है बीम का बेसिकली किस तरीके का होगा, ठीक है। जैसे मैं इसको यहाँ पे जूम कर देता हूँ तो आप इसको काफ़ी अच्छे से चेक कर पाओगे, ठीक है। ये देखिए दिख रहा है ना यहाँ पे जो बीम आपको यहाँ पे दिख रही है ना, देखो इसमें डिफ्लेक्शन है कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा, ये देखो, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे डिफ्लेक्शन चेक कर सकते हैं। अभी जो डिफ्लेक्शन चेक किया ना, ये जो यहाँ पे कर्व देखो पहले नहीं थे लेकिन ये बनी, आपको कंट्रोल प्रेस करना है, कंट्रोल प्रेस करने के बाद मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना है, तो उससे क्या है कि आपके पास क्राइटेरिया पे डिफाइन हो जाएगा, स्केलेबल हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो आपके पास देखो यहाँ पे आप कर्सर लेके जाओ, एक्सियल फोर्स आपको चेक करना है, ठीक है, जो शेयर फोर्स है वाई डायरेक्शन में कितना है तो भी आपके पास गिवन है, हम उसको अच्छे से चेक कर सकते हैं यहाँ पे, राइट, ये देख सकते हैं कुछ इसी तरीके। तो बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स मोमेंट बनते हैं, जैसे जेड में चेक करना है, ठीक है। टॉर्शन आपको दिखाना है तो वो भी आपके पास है, टॉर्शन एक्सियल फोर्स आपने देखा, इसके अलावा बेंडिंग मोमेंट आपको दिखाना है तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, राइट। जेड में चेक करना है तो देखो कुछ इस तरीके से दिखेगा, इसको भी कंट्रोल दबा के और कुछ इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं, ये देखो सभी वैल्यूज़ आपके पास यहाँ पे गिवन है, राइट। अब इसके अलावा जैसे शेयर फोर्स है, शेयर फोर्स आपको चेक करना था तो मैं यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट को हटा देता हूँ, वाई को मैंने हटाया, दूसरा यहाँ पे टोर्जन है इसको मैंने हटा दिया, शेयर रखा मैंने जेड में, वाई में मैंने रखा, और इसके अलावा एक्सियल फोर्स को मैं हटा देता हूँ। तो अब ज़रा शेयर को चेक करते हैं, देखो कुछ इसी तरीके का शेयर फोर्स मोमेंट डायग्राम आप बनाते थे, ठीक है। सही मान लो मुझे बेंडिंग भी साथ में दिखाना है तो बेंडिंग मोमेंट मैंने जेड इन दोनों में रखा तो कुछ इसी तरीके का आपका बेंडिंग मोमेंट होता था, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं, ये कंप्लीट आपके पास एक पैनल होता है जिसमें एनिमेशन आपको दिखाना है तो हम दिखा सकते हैं, रिपोर्ट्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। अभी मैंने इन सबको हटाया, मान लो मुझे यहाँ पे एक एनिमेशन करना है कुछ यहाँ पे, ठीक है, कि बीम है उसमें कितना क्या डिफ्लेक्शन है, वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे चेक करनी है। तो कैसे करना है, एक ऑप्शन आता है आपके पास यहाँ पे एनिमेशन का, ठीक है। अब इस एनिमेशन में देखो सबसे पहले तो जो भी आपने यहाँ पे अप्लाई किया वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे चेक कर लेनी है, ठीक है। इसको जो आपके पास ये यहाँ पे गिवन है ना शीयर फोर्स जो है वाई में, इसको मुझे मिनिमाइज़ यहाँ पे करना है पहले तो, ठीक है।
ताकि जो स्केलेबल आपके पास ऑप्शंस है ना वो थोड़ा सा ठीक उसमें रहे। ठीक है, एनिमेशन पे आते हो, ये पैनल है अभी डायरेक्ट यहाँ पे गिवन है, एनिमेशन है, नो डिफ्लेक्शन का कुछ पैनल यहाँ पे गिवन है, ठीक है ना। तो यहाँ से जो चेंजेस आपको करने हैं, जैसे बीम के बारे में आपको चेक करना है, तो यहाँ से हमने सिलेक्शन किया, इसको मैं कैंसिल करके जैसे बीम के बारे में देखना है तो उससे रिलेटेड आपके पास यहाँ पे ऑप्शन रहेगा। डिफ्लेक्शन अगर चेक करना चाहते हो, एनिमेशन में आए, यहाँ पे डिफ्लेक्शन पे मैंने क्लिक किया, अप्लाई करके इसको ओके कर सकते हो आप, ठीक है। तो देखो कुछ इस तरीके का डिफ्लेक्शन आपके पास, एक एनिमेशन यहाँ पे जनरेट होगा। ओके, अभी जैसे जो मेंबर था उसका जो मॉडलिंग हमने रखा था यहाँ पे कॉन्क्रीट से रिलेटेड था, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे डिज़ाइन में क्लिक करते हो ना, मेंबर है बेसिकली उसके मटेरियल के बारे में हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो डिज़ाइन पे दबा पाते हो तो पैनल आपके पास आया, कमांड्स में पैरामीटर्स आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो आपके पास एक करंट कोड यहाँ पे गिवन है, तो बेसिकली कॉन्क्रीट जो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं वो IS 456 आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। देखो ज़रा चेक करें, आपके पास यहाँ पे कोड मिलेगा आपको, उससे पहले हमें कॉन्क्रीट पे टिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है इसमें यहाँ पे आप लेके आएंगे तो देखो आपके पास गिवन है यहाँ पे IS 456। अब इसके बिहाफ पे आपको जो आगे प्रोसेसिंग करनी है ज़रा उसको देखें। अब यहाँ पे तब आप डिफाइन करते हो IS 456, यहाँ पे कुछ ऑप्शन है जैसे पैरामीटर को डिफाइन करना, ठीक है। तो पैरामीटर को डिफाइन करने से पहले यहाँ पे जो ऑप्शन है ना सेलेक्ट पैरामीटर्स, इस पर क्लिक करना है और जितने भी पैरामीटर यहाँ पे सिलेक्टेड है मैंने उसको इन सभी को जैसे अवेलेबल पैरामीटर्स में ले आता हूँ। अब यहाँ से मुझे एक एक सिलेक्शन करके इधर लेके आना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो गिवन है ना FY है, FY मेन, इन सब को लेके आना है, ठीक है। तो यहाँ पे FY मेन को मैं लेके आया, क्लिक मैंने किया, ठीक। देखो जाओ यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मिलेगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आपको शो करानी है, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया। FY मेन बेसिकली यील्ड स्ट्रेंथ से रिलेट करता है, ठीक। ऐसे मान लो मुझे शेयर रिन्फोर्समेंट लेके आना है तो यहाँ पे गिवन है यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ शेयर रिन्फोर्समेंट, ठीक है। क्लिक करके मैंने इसको सेलेक्टेड पैरामीटर में रखा। इसके बाद मुझे मैक्सिमम साइज दिखाना है मेन रिन्फोर्समेंट बार का, तो मैक्सिमम मेन यहाँ पे गिवन है, जो शॉर्ट टर्म है उसको मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। देन उसके बाद आपको जो मैक्सिमम साइज है सेकेंडरी रिन्फोर्समेंट बार का, ठीक है, मैक्सिमम सेकेंडरी उसको मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया। अब ये सब करने के बाद आपको यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आता है डिफाइन पैरामीटर्स का। अब इस पैरामीटर में जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है कंक्रीट की, वो मान लीजिए मैं यहाँ पे रख देता हूँ 20,000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है ना बेसिकली कोड्स के बिहाफ पे हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, राइट। तो मैंने यहाँ पे 20,000 है, यील्ड का आपको अलग यहाँ पे गिवन होगा, ठीक है, जैसे 20,000 है, ठीक है। मेन का यहाँ पे गिवन है, जो सेकेंडरी बार है उसकी कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन है, जो कि हम कितने लेके चल रहे थे, जो सेकेंडरी बार है जैसे मेन का लेके आए तो यहाँ पे जो 413 यहाँ पे गिवन है, 415 होता है ना, तो 415 यहाँ पे मैंने 000 मेंशन किया, राइट। तो इस तरीके से चेंज हम कर सकते हैं। FY जो सेकेंडरी है उसका भी मुझे यही सेम रखना है, 415 यहाँ पे मैंने मेंशन किया, और जो साइज़ है मैक्सिमम बार जो आपके पास आएगा वो मुझे कितना रखना है यहाँ पे 20 mm का मान लीजिए मुझे मैंने डिफाइन किया, ठीक है। इसको मैंने ऐड किया, तो जितनी भी वैल्यूज़ है ना आपको ऐड करनी है, जैसे यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है, ये 20 तो था, इसको मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे मेन जो था 415 000 स्ट्रेंथ जो है, ठीक है। ऐसे ही मैंने सेकेंडरी स्ट्रेंथ को यहाँ पे डिफाइन किया, राइट। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो सेकेंडरी है मैक्सिमम सेकेंडरी हम कितना लेके चलेंगे यहाँ पे, इसको मैं 16 ले लेता हूँ, राइट। इसको ऐड करने के बाद मैंने किया क्लोज। अब देखो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड हो चुकी हैं, राइट। मैक्सिमम मेन यहाँ पे गिवन है जो हम लेके चले, ठीक है ना। तो सारी वैल्यूज़ को ऐड करने के बाद अब इनको एक एक को मुझे असाइन करना है, किसके बिहाफ पे, कमांड के बिहाफ पे, राइट। जैसे कमांड पे आप आते हो ना, देखो यहाँ पे गिवन है डिज़ाइन बीम में, इसमें क्या होगा, डिज़ाइन बीम फॉर फ्लेक्चर शेयर एंड टॉर्शन, यानी कि जो बीम हम डिज़ाइन कर रहे हैं वो इन तीनों के बिहाफ पे डिज़ाइन होगा, ठीक। किसी तरह की कोई एडिशनल कमांड एडिशनल पैरामीटर हम यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रहे, ठीक है। आप यहाँ पे डिज़ाइन कॉलम पे आते हो तो डिज़ाइन कॉलम आपका हो गया एक्सियल लोड प्लस बाई एक्सियल बेंडिंग के लिए आपका जनरेट होगा, राइट। कॉलम तो मुझे करना ही नहीं है, मैंने डायरेक्ट डिज़ाइन बीम को यहाँ पे ऐड करके क्लोज कर देना है, ठीक है। अब ये जो भी हमने कोड यहाँ पे डिज़ाइन किए कंक्रीट के जो कोड्स हैं इन सभी को यहाँ पे असाइन कर देना, राइट। जैसे मैक्सिमम जो मेन रेनफोर्स बार था असाइन टू व्यू मैंने किया, असाइन आपको कर देना है, यस मैंने किया, राइट टिक आ गया, ठीक। ऐसे ही यहाँ पे जो सेकंड जो आपके पास कोड है उसको यहाँ पे असाइन कर देना है,
मेन रिइंफोर्समेंट बार के लिए मैंने असाइन टू व्यू असाइन आपको किया, ठीक। ऐसे ही जो सेकेंडरी बार है उसका यहाँ पे असाइन टू व्यू असाइन, यस आप यहाँ पे डिफाइन करें, ठीक। ऐसे ही जो मैक्सिमम सेकेंडरी है जो हमने 16 mm का रखा, बार का जो साइज़ है बेसिकली, वो असाइन मैंने किया, यस आपने किया, ठीक। ऐसे ही डिज़ाइन बीम यहाँ पे गिवन है, असाइन टू व्यू असाइन आपको कर देना है, यहाँ पे यस पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो जितने भी पैरामीटर्स हैं इन सभी को असाइन करना है, और असाइन करने के बाद का जो पैनल है वो हमें क्या करना है, यानी कि असाइन करने के बाद का काम आपके पास आता है रिपोर्ट जनरेशन का, ठीक है। अब रिपोर्ट जनरेशन का जो तरीका है वो तो आपको पता ही है, यहाँ पे एनालिसिस एंड प्रिंट में आते हैं, जो परफॉर्म एनालिसिस है उसको यहाँ से ऐड करके क्लोज कर देना है, देन एनालाइज में आना था, रन एनालाइज पे मैंने क्लिक किया, सेव कर दीजिए इसको, यानी कि जो भी अभी हमने वर्क किया वो कंप्लीट हमारा क्या होगा, सेव हो चुका, ठीक है। आप देखो यहाँ पे जीरो एरर्स आपके पास शो हुआ, ठीक है। मैंने बताया ना कि एरर नहीं आना चाहिए, वार्निंग आपके पास कितना भी आ सकता है, मैक्सिमम कितनी भी वार्निंग आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, एरर नहीं आना चाहिए आपकी रिपोर्ट में। अब इसके बाद जो पोस्ट प्रोसेसिंग मोड है वहाँ चलते हैं, वहाँ पे चेक करते हैं क्या कुछ चेंजेस यहाँ पे हुआ। डन मैंने किया, देखो सारी चीज़ें ठीक वैसे ही है, ठीक है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे बीम के बारे में मुझे चेक करना है, ठीक है, सिंगल बीम को मैं यहाँ पे सिलेक्शन करता हूँ, सिलेक्शन करने के बाद जो यहाँ पे पैनल आया, जैसे क्लिक मैंने किया बीम यहाँ पे डिफाइन करते हो आप, इसको यहाँ पे डबल क्लिक मैंने किया तो इसका एक पैरामीटर यहाँ पे ओपन होगा जिसमें ज्योमेट्री यहाँ पे गिवन है, ठीक है। जैसे कॉन्क्रीट डिज़ाइन पे आप क्लिक करते हो, आप देखो कंप्लीट बीम का क्रॉस सेक्शन बीम नंबर वन ये है, डिज़ाइन कोड आपका IS 456 है, ठीक है। जो वैल्यूज़ हमने रखा सेंटर से सेंटर, स्पेसिंग आपके पास कितनी है, मिनिमम डाया 6 रखा था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है, कितने बार हमने रखे थे, तो सब कुछ जो वैल्यूज़ है, ठीक है, 415 जो आप ग्रेजुएशन के टाइम पे भी जो वैल्यूज़ रखते थे वो सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है, ठीक है। डिफ्लेक्शन से रिलेटेड आपको चेक करना है तो हम यहाँ पे कर सकते, अभी जो वैल्यू यहाँ जनरेट हुई है ना कॉन्क्रीट डिज़ाइन की, ठीक, यही आपके पास एक सिनेरियो रहता है कोड में, जो आपके पास IS 456 कोड रहता है ना, सेम लैंग्वेज आपके पास कुछ इस तरीके की होती है। शेयर बेंडिंग चेक करना है तो उसका वैल्यू यहाँ पे गिवन है -17.60 आपका रहेगा, सेक्शन फोर जो यहाँ पे गिवन है 0 से स्टार्टिंग हुई, ठीक है। लोड के बिहाफ पे चेक करना है, बेंडिंग शेयर में देखना है, -Z में चेक करना है, बेंडिंग -Y में दिखाने हैं, हर एक एक वैल्यूज़ पे आप यहाँ पे काम कर सकते हो। लोडिंग चेक करनी है, प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिफाइन करना है, लेंथ है 2 meter जो है आपकी लेंथ यहाँ पे गिवन है, तो ये तो था सिर्फ 2 meter की बीम के लिए। जैसे मान लो सबसे लास्ट में यहाँ पे गिवन है ना जो साइज़ है, बीम नंबर 4 है, लेंथ 3 meter है, जो रेक्टेंगल सेक्शन हमने लिया उसका साइज़ यहाँ पे गिवन है 0.230 यहाँ पे गिवन है ना, नोड यहाँ पे गिवन है 7 और 10 से कनेक्टेड है, इसके प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है तो प्रॉपर्टी है लेंथ 3 meter। लोडिंग्स के बारे में डिफाइन करना है तो देखो यहाँ पे लीनियर वेयरिंग मैंने लगाया था -5 kN का, जो कि वाई डायरेक्शन में था तो माइनस यहाँ पे लगेगा। शेयर बेंडिंग चेक करना है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, डिफ्लेक्शन वाला पैनल आपके पास यहाँ पे, इसके अलावा कंक्रीट डिज़ाइन में आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, सेंटर से सेंटर स्पेसिंग आपके पास कितनी है, 150 यहाँ पे क्या है, ठीक है। डिज़ाइन लोड गिवन है, डिस्टेंस यहाँ पे मीटर में गिवन है, ठीक है। 1500 पे कितना क्या लोड आपके पास लग रहा है, 30 जो हमने क्या रखा है यहाँ पे, सारी चीज़ें कोड की भी, अगर आपने कोड पढ़ा है तो आप इस कंप्लीट जो डिटेल को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इसके अलावा जो रिपोर्ट हमने जो जनरेट किया, जो PDF आपकी जनरेट हुई थी उसको चेक करना है तो आपके पास एक ऑप्शन आता है यहाँ पे स्टेट आउटपुट का, ठीक है। तब आप यहाँ पे क्लिक करते हो ना स्टेट आउटपुट पे, देखो अभी एक पैनल ओपन होगा यहाँ पे, इसको मैंने यहाँ से क्लोज किया, ठीक है। कुछ वार्निंग्स यहाँ पे गिवन है, रिजल्ट्स में हम आते हैं और रिजल्ट्स में से कॉन्क्रीट डिज़ाइन के बारे में चेक करना है। देखो कोड यहाँ पे गिवन है, जो आपको फिगर वहाँ पे दिख रहा था, जो कोड कोडिंग्स था ना IS 415 आपको दिख रहा था, वो सब चीज़ें देखो यहाँ पे गिवन है। तो इसने बीम को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, कितना सेक्शन रखा, लेंथ mm में गिवन है, ठीक है। कहाँ पे कितना आपके पास जो समरी है रिइंफोर्समेंट एरिया की गिवन है स्क्वायर mm में, ठीक है। प्रोवाइडेड रिइंफोर्समेंट एरिया कितना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में गिवन है। तो हर एक एक डिटेल्स को हम बारीकी से यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ओके। तो ये आपके पास एक रिपोर्ट होती है, किस तरीके से आपको स्टडी करना है, ये कंप्लीट हम पोर्शन नेक्स्ट जो आपके पास स्ट्रीमिंग रहेगी उसमें समझेंगे, ओके। अब देखो ये तो था आपके पास एक बीम बनाने का जो तरीका है वो किस, मतलब कोई मेथड था वो हमने समझा। अभी जैसे मान लो हम बीम ना बनाएं क्योंकि मेंबर जो है वो सिंगल है, ठीक है। हमें काफ़ी सारे बीम्स बनानी हो, काफ़ी सारे कॉलम्स अगर बनाने हो, यानी कि मैं ये कहूँ कि कंप्लीट एक स्ट्रक्चर हमें बनाना पड़े, ठीक है। जैसे मान लीजिए ग्राउंड फ्लोर को अगर हम इंक्लूड करें और सिंगल स्टोरी बिल्डिंग हम बनाते हैं जिसमें ग्राउंड फ्लोर है प्लस फर्स्ट फ्लोर आपके पास रहे,
तो उसका डिज़ाइन किस तरीके से बनाना है, जिसमें काफ़ी सारे फ्लोर्स मतलब कॉलम्स आपके पास होंगे, काफ़ी सारे बीम्स आपके पास होंगी, ठीक है। वहाँ पे हमें स्लैब भी लगाना होगा, प्लेट भी आपको अप्लाई करनी होगी, कुछ थिकनेस भी हम वहाँ पे रखेंगे। तो सिंगल बीम से अगर हम कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाए तो उसका मेथड क्या है, वही है जैसे आपने बीम बनाया, सेम वही सीरीज हम लेके चल रहे हैं। जैसे आपने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया, देन स्पेस पे आप आते हो, कोई भी नेम यहाँ पे मेंशन कर दिए, जैसे मान लो मुझे बिल्डिंग रखना है, बिल्डिंग बनाना है, तो मैं यहाँ पे बिल्डिंग नेम मेंशन कर देता हूँ, राइट। और यहाँ पे वही यूनिट्स आपको रखनी है, मीटर किलोन्यूटन, जो कि आप अपने ग्रेजुएशन टाइम पे करते आए हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट पे क्लिक करना है और वही सेम पैनल जैसे एड बीम पे हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो तरीका यहाँ पे होगा बिल्डिंग डिज़ाइन का, वो क्या है कि अभी जो हमने बीम बनाया वो मैनुअल मेथड आपके पास था, जिसमें काफ़ी टाइम आपको लग सकता है, ठीक है। तो काफ़ी सारे बीम्स बनाने के लिए हम, ऐसा तो है नहीं कि हर एक नोड्स को कनेक्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पे जो टर्म यूज़ होती है वो बेसिकली हम ट्रांसलेशनल रिपीट यहाँ पे करेंगे। इसके अलावा हम एक मॉडल यहाँ पे जनरेट करेंगे रन स्ट्रक्चर विजार्ड या फिर ओपन स्ट्रक्चर विजार्ड से, उसकी हेल्प से कोई भी आपके पास एक मॉडल रहेगा तो मॉडल में हम वहाँ पे कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे एड बीम मैंने किया, फिनिश आप करते हो, यहाँ पे कंप्लीट आपके पास एक पैनल ओपन हो जाता है, ठीक है। अब इस पैनल में रन स्ट्रक्चर विजार्ड करने का मतलब क्या है कि देखो, अभी हम नोड बना रहे थे, यहाँ पे बीम कर रहे थे, यानी कि सिंगल जीरो से कनेक्शन किया और 10 मीटर पे आके हमने क्लिक किया, तो एक नोड से दूसरे नोड के बीच में लाइन आपके पास क्रिएट हो चुकी। लेकिन ज्योमेट्री में आके और रन स्ट्रक्चर विजार्ड की हेल्प से, जो रन स्ट्रक्चर विजार्ड यहाँ पे गिवन है, इसकी हेल्प से मुझे एक फ्रेम मॉडल बनाना है। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया फ्रेम मॉडल और मैं बे फ्रेम को यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। यानी कि आपके पास कुछ मॉडल रहेगा जो कि यहाँ पे अभी शो होगा। अब हमें उसमें लेंथ, हाइट और विड्थ मेंशन करने हैं, यानी कि जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर आप बना रहे हो उसकी लेंथ आप कितनी रखना चाहते हो, उसकी हाइट हमें कितनी रखनी है और बिल्डिंग की विड्थ हम कितनी रखें, तो वो सारे कॉन्सेप्ट आपके पास यहाँ पे गिवन है। तो मान लीजिए लेंथ अगर हम लेके चले बिल्डिंग की, जो बेसिकली लेंथ यहाँ पे एक मतलब क्या है, कोऑर्डिनेट्स के बिहाफ पे, ठीक है। लाइक आपका जेड यहाँ पे क्या शो करेगा, एक्स एक्सिस में, जहाँ जीरो से अगर आप एक्स में जाते हो तो वो बेसिकली लेंथ के बारे में डिफाइन कर रहा है या फिर विड्थ के बारे में डिफाइन कर रहा है, ठीक है। हाइट आपकी यहाँ पे जीरो से वाई है, लेंथ जो है वो आपके पास जीरो से जेड में रहेगी, विड्थ यहाँ पे किसी भी बिल्डिंग की क्या रहेगी, जीरो से एक्स डायरेक्शन में, यानी कि विड्थ जो है आपके पास यहाँ, अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो 12 मीटर यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, विड्थ है। हाइट आपके पास यानी कि 0 से वाई कितना है बाय डिफ़ॉल्ट 15 है, ठीक है। ऐसे अगर हम लेंथ के बारे में बात करें तो जेड डायरेक्शन जो है वो किसको शो कर रहा है, लेंथ को, जो कि कितनी है बाय डिफ़ॉल्ट 12। तो लेंथ मान लीजिए मैं लेके चलता हूँ यहाँ पे 11.584, कोई भी एक वैल्यू यहाँ पे मेंशन कर लीजिए, जैसे 5824 मैंने इसको सिलेक्शन किया। बिल्डिंग की जो हाइट है, जैसे मीटर में अगर हम लेके चलें तो 3 मीटर एक सिंगल स्टोरी बिल्डिंग यानी कि ग्राउंड फ्लोर की बहुत होती है, 3 मीटर का मतलब है लगभग अप्रोक्स 10 फिट जो हाइट है बिल्डिंग की, ठीक है। 6 फिट हम लेके चलें, देन उसको आप डबल कर दीजिए तो मल्टीप्लिकेशन आपके पास यहाँ पे हो जाएगा, राइट। तो हाइट में लेके चलता हूँ इसकी 6 मीटर और मुझे यहाँ पे विड्थ मेंशन करना है, राइट। अभी जैसे विड्थ है वो भी हम कुछ भी रख लेते हैं, पॉइंट में रखो आप, ठीक है। जैसे मान लो मैंने रखा यहाँ पे 11.5824 रखा था ना, ठीक। ऐसे ही मैं यहाँ पे विड्थ लेके चलता हूँ 15.24। अब ये जो पैरामीटर्स आपके पास यहाँ पे गिवन है, बिल्डिंग का हाइट मैंने रखा, ठीक है, हाइट आपके पास है, विड्थ आपके पास है, तो इन सभी ऑप्शंस को हमें क्या करना, कन्वर्जन करना होगा, कुछ अप्लाई आपको करना होगा यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या है कि लेंथ आपके पास है 11.5824, जिसमें बेज आपके पास गिवन है नंबर ऑफ बेज अलोंग लेंथ। इसका मतलब कि जो 11.5824 है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना चाह रहे हो, लेंथ बेसिकली ये है ना। अब हमें इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, क्योंकि देखो बीच में आपको कॉलम्स भी लगाने हैं, है ना। तो बेसिकली हमें ये समझना है कि यहाँ पे जो हम वैल्यू रखेंगे ना वो आपके कॉलम्स में कन्वर्ट होती जाएगी। अगर मैं जीरो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि हमें इसको किसी भी बेज में डिफाइन करना ही नहीं है, तो एक नोड आपका जेड पे यानी कि मान लीजिए यहाँ पे लगेगा, दूसरा नोड आपका यहाँ पे लगेगा, बीच में किसी तरह का कोई भी आपके पास सपोर्ट के लिए कॉलम यहाँ पे मेंशन होगा ही नहीं। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि हम 11 मीटर लेके चलें और बीच में कोई कॉलम ही ना बनाए। कॉलम तो हमें लगाना ज़रूरी है, सपोर्ट तो बिल्डिंग को देना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे डिवाइडेशंस करनी है जो कि हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे जो लेंथ है उसको 3 पार्ट्स में डिफाइन करता हूँ मैं, राइट।
कि मैं 11.5824 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। अब ये मेरे ऊपर डिपेंड है कि मुझे इसको इक्वल पार्ट में करना है, यानी कि अगर आप 11.5824 को 3 से डिवाइड करेंगे तो जो भी आपके पास वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 12 अगर यहां पे होता, उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते तो 4 मीटर पे आपके पास यहां पे कॉलम जनरेट होता। 4 मीटर का मतलब 4 × 3 = 12 फिट, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको भी चेंजेस करना चाहें, हम चाहते हैं कि एक जो कॉलम है वो 0 पे आए, 0 के बाद 1 मीटर पे कॉलम आ जाए, उसके बाद 6 फिट पे हमें रखना है, फिर 8 फिट के बाद कॉलम रखें, तो उसका भी आपके पास यहाँ पे एक तरीका होता है उसको डिफाइन करने का, राइट। अभी जैसे मान लो आप यहाँ पे क्लिक करते हो ना, नंबर ऑफ बेज अलोंग लेंथ 3 रखने के बाद यहाँ पे एक आइकन आता है आपके पास, आपने इसको सिलेक्शन किया, तो ये है कि जो 3 आपने डिफाइन किया तो देखो इक्वल लेंथ में आ गया, 3.86808, 3.86808, तो ऐसे 11.5824 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हर एक बेस पे आपका कुछ इस तरीके से कॉलम की फॉर्मेशन जनरेट होगी। हर 3.8 मीटर पे आपके पास एक नया कॉलम यहाँ पे जनरेट होगा। अब हम इन लेंथ को चेंजेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड, ठीक है। मान लो मुझे रखना है 3.65 पे, तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं जो भी वैल्यू है, मैंने रखा 3.6576, जो भी वैल्यू रख लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। ठीक ऐसे दूसरा कॉलम जो है मैं यहाँ पे जनरेट करना चाह रहा हूँ, डबल क्लिक करके आप इसको हटाइए, मैंने यहाँ पे इसको मेंशन किया 4.2672, मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, ठीक है। और जो थर्ड वाला पैनल है इसको हम यहाँ पे मान लीजिए डिफाइन कर लेते हैं 3.6576, सेम मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, इसको हम ओके कर लेते हैं। देन उसके बाद जो लेंथ आपके पास यहाँ पे गिवन है, इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना चाह रहे हो, ये बेसिकली लेंथ के रिगार्डिंग आपसे पूछा गया है, राइट। तो डिवाइड करने के बाद हाइट है, हाइट को मान लीजिए मैं 2 में डिफाइन कर देता हूँ, क्योंकि जो 6 मीटर है वो तो हमें 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करना है ना, फ्लोर आपके पास रहेगा और फर्स्ट फ्लोर जो है, यानी कि सिंगल स्टोरी है तो फर्स्ट फ्लोर उसमें रहेगा, तो इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 मीटर का एक और 3 मीटर का एक, ठीक है। ऐसे जो विड्थ है उसके अलोंग आपको डिफाइन करना है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया 15.24 को इसने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, 3.818181, यहाँ पे हमें कुछ चेंजेस करने हैं। तो मान लो मैंने यहाँ पे रखा 3.048, मैंने यहाँ पे मेंशन किया, यहाँ पे डबल क्लिक करना है आपको, और सेकंड वैल्यू मान लीजिए मैंने रखा 3.3528, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक। ऐसे ही मान लो 13 जो है आपका लगभग 18 पे आएगा, तो मैं ही मान के चलता हूँ 5.4864 मैंने इसको रखा, और जो फाइनल वैल्यू है वो 11 फीट के इक्वल रहेगी, तो जो कि अगर कैलकुलेशंस करें तो 3.3528 मीटर मैं इसको यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, राइट। ओके कर दीजिए, अप्लाई आपको करना है। अप्लाई करने के बाद जो मॉडल आपने बनाया वो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। जो भी हमने कंसिडरेशंस किया, जैसे 1, 2, 3 और 4 जो पार्ट्स हमने डिवाइड किया था, वो देखो कुछ इस तरीके से है। हमने एक जो वैल्यू यहाँ पे रखी थी जेड डायरेक्शन, वो बीच में हायर थी, मैक्सिमम हमने रखा, तो मैक्सिमम वैल्यू देखो, मैक्सिमम विड्थ यहाँ पे आपके पास जनरेट हो रखी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे रन स्ट्रक्चर विजार्ड में चेंजेस करना है। तो ये पैरामीटर है कि डायरेक्ट आप एक एक नोड्स को लेके आए। अब यही पैनल मान लो मैं एक एक नोड लेके आता यहाँ पे, कि इस नोड को यहाँ से कलेक्ट करता, यहाँ से इसको कनेक्ट करो, तो काफ़ी टाइम लगता, टाइम टेकन प्रोसेस आपके पास होता, तो उस टाइम टेकन प्रोसेस को मैंने यहाँ पे फिनिश किया, डायरेक्ट हम रन स्ट्रक्चर विजार्ड में आए, पैनल हमने यहाँ पे जनरेट किया, ठीक है। बे फ्रेम को मैंने सिलेक्शन किया फ्रेम मॉडल्स में, और यहाँ पे जो भी रिक्वायर्ड आपके पास स्ट्रक्चर था उसको मैंने डिफाइन कर दिया। अब इतना सब करने के बाद हमें क्या करना होता है कि जो स्ट्रक्चर आपने बनाया उस स्ट्रक्चर को हमें इम्पोर्ट करना, यानी कि जो मेन विंडो है ना, यहाँ पे लेके आना है। तो इसके भी दो मेथड हैं। पहला ये है कि आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे क्रॉस कर दीजिए, जिसमें आपसे पूछा जाएगा वुड यू लाइक टू ट्रांसफ़र और मर्ज दिस प्रोटोटाइप इनटू स्टड प्रो, यानी कि जो प्रोटोटाइप आपने बनाया उसको स्टड प्रो में मर्ज करना चाहते हो या ट्रांसफ़र करना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पे रखा यस, कि मुझे मर्ज करना है, और मैं डायरेक्ट इसको यहाँ से ओके कर देता हूँ, ठीक है। मुझे किसी तरह का यहाँ पे मूवमेंट नहीं करना, तो मैंने यस पे क्लिक किया, जो कि आपका मॉडल यहाँ पे जनरेट हो चुका, ठीक है। अब जैसे ही आपके पास कुछ विजुअलाइजेशंस के, जैसे पॉजिटिव जेड से अगर हम देखें तो फ्रंट से तो कुछ ऐसा ही दिखेगा ना, बैक साइड से देखें तो भी आपके पास कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। लेफ्ट साइड से देखना चाहते हो, राइट से देखना है, टॉप से देखना चाह रहे हो, बॉटम से देखना है, या फिर 3D विजुअलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक व्यू, तो आइसोमेट्रिक व्यू में कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है,
मान लीजिए मैं टॉप पे आता हूँ, यहाँ पे ये जो आपके पास ऑप्शन है ना, यहाँ पे टॉप को मैंने क्लिक किया तो कुछ इस तरीके का दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर। और इसमें जैसे स्ट्रक्चर बनाना है ना मेरे को, तो मुझे यहाँ पे एक रैंप जनरेट करना है, जैसे आपके पास होता है ना एक गैरेज बनाना है, ठीक है, कोई व्हीकल यहाँ पे हम पार्क करें उसके लिए। जैसे काफ़ी सारे बिल्डिंग्स आपने देखी होंगी, कोई स्कूल आपने देखा होगा जो कुछ इस तरह का होता है, तो यहाँ पे गैरेज वगैरह बनाना है तो ये जो दोनों ही बीम्स है हमारे किसी काम के नहीं है, तो मुझे इन दोनों बीम्स को ऐसे सेलेक्शन कर लेना है। तो देखो यहाँ पे क्या सेलेक्ट हुआ, बीम्स हो गई आपकी, इसको हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, जिसमें आया बीम्स एसोसिएटेड फिजिकल मेंबर्स इफ एनी विल बी डिलीटेड, मुझे रखना है यस। ठीक, अभी जैसे इसको 3D में करोगे, कैंसिल मैं करता हूँ, और इसको अगर आप 3D में यहाँ पे देखो तो देखो कितने आपके पास बीम्स यहाँ पे डिफाइन हुए हैं, ये देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, क्यों, क्योंकि हमें ना तो अब जब बीम ही यहाँ पे नहीं रहेगा तो इन कॉलम्स की तो ज़रूरत हमें है ही नहीं, भाई ये जो आपके पास बीम्स है ना हमें इसको हटाना है तो कॉलम की ज़रूरत हमें कहाँ पड़ेगी। ठीक, ऐसे ही हमें इसको सिलेक्शन करना है, तो अगर मैं सिंगल सिंगल सिलेक्शन करता इनको तो टाइम लगता ना, तो इसीलिए मैंने टॉप पे क्लिक करके एक कंप्लीट एंटायर जो भी आपके पास 6 बीम थी उसको मैंने सिलेक्शन किया। तब आप डिलीट पे आते हो तो आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे 6 बीम्स एंड एसोसिएटेड फिजिकल बीम्स इफ एनी विल बी डिलीटेड, हमें डिलीट करना है, मैंने किया यस, तो देखो डिलीट हो चुका। तो इसके बाद है डिलीटिंग बीम्स हैज लेफ्ट सम नोड्स, यानी कि जिन बीम्स को आपने डिलीट किया है उनका कुछ नोड्स भी बचे हुए हैं। अब तब बीम ही हमने हटा दिया तो नोड्स का तो कोई काम है ही नहीं। नो स्ट्रक्चरल एलिमेंट अटैच, यानी कि जो बीम और कॉलम्स आपके पास हैं यानी कि किसी तरह का स्ट्रक्चरल एलिमेंट अटैच है ही नहीं उन पे, तो हमें नोड्स भी डिलीट कर देना चाहिए, तो मैं इसको कर देता हूँ यस। ठीक है, अब सेम यही मेथड हमें यहाँ पे करना है, सिलेक्शन किया बीम आई और यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ओके मैंने किया, फिर से आप यस पे प्रेस कर दीजिए तो देखो ये डिलीट हो चुका ना। अब आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है, देखो तो यहाँ पे गैराज आपका जनरेट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डिलीट कैसे करना है, उसका कुछ सिलेक्शन आपके पास यहाँ पे हुआ। ठीक है, तो हम एक एक सिलेक्शन करते इनको, तो डिलीट करते तो उसमें काफ़ी टाइम लगता, तो हमने विजुअलाइजेशन किया इसको, टॉप पैनल में आए और टॉप पैनल में आने के बाद यानी कि जो टॉप व्यू था यहाँ से हमने देखा, सिलेक्शन करने के बाद उसको हटा दिया। राइट, अब मैं स्नैप नोड बीम को हटा देता हूँ, क्रॉस मैंने किया तो देखो ग्राफिकल जो पैनल था वो हट गया और यहाँ पे आपके पास कंप्लीट स्ट्रक्चर यहाँ पे जनरेट हो गया। अब स्ट्रक्चर की हर एक डिटेल यहाँ पे गिवन है, देखो ये बिल्डिंग नोड्स यहाँ पे गिवन है, बिल्डिंग के बीम्स यहाँ पे गिवन है, यानी कि बीम्स के सभी आपके पास जो भी उसके मेंबर्स हैं कौन कौन से कनेक्ट है, बीम का नेम क्या है, नंबर क्या है, ठीक है, दूसरा जो नोड है वो एक्स डायरेक्शन में कितना है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है। ठीक है, अभी जैसे मान लो आप इसको सबसे बॉटम में आते हो, मुझे चेक करना है बिल्डिंग की हाइट कितनी है, तो सबसे नीचे आ जाओ, यहाँ पे गिवन है 7.952, यानी कि यहाँ से एक्स मीटर में अगर विड्थ को अगर हम देखें तो वो कितना गया है, मैक्सिमम 15.240 जो हमने रखा था, बिल्कुल ठीक है। बिल्डिंग की हाइट अगर हम देखें तो वाई में कितना है, यानी कि आपके पास वाई है, आप कोऑर्डिनेट के बिहाव पे भी चेक कर सकते हो जो कि कितना है 6 मीटर, वो भी बिल्कुल ठीक है जो हमने रखा। राइट, अभी जैसे हमें क्या करना आगे, जो आपके पास फर्स्ट फ्लोर यहाँ पे बना, जो ग्राउंड फ्लोर है उसकी रूफ हम आपको अप्लाई करना है, स्लैब वहाँ पे लगाना है, तो स्लैब लगाने के लिए आपके पास पैनल मेथड क्या होता है कि आप डायरेक्ट देखो यहाँ पे आओगे ना तो ऐड 4 नोडेड प्लेट्स आपको दिखेगा, तो हम इसको सिलेक्शन करेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से। इसके अलावा दूसरा मेथड क्या है जिसमें हम काफ़ी आसानी से कर सकते हैं, अगर आप यहाँ से लेके चलोगे ना तो हो सकता है आपसे मिस्टेक हो जाए, हम बाई चांस मान लो मुझे नोड इसको सिलेक्शन करना है लेकिन गलती से ये वाला हो गया, तो इस तरह के मिस्टेक से बचने के लिए, इनको अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना है, आप यहाँ से फ्रंट व्यू में आ जाओ। फ्रंट व्यू में आने के बाद देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आपके पास आता है कट सेक्शन का, ठीक है, जैसे डायमेंशन आपके पास यहाँ पे गिवन है, ठीक, फिर इसके बाद आपको सिंबल एंड लेबल्स मिलेगा, फिर इसके बाद एक ऑप्शन आता है कट सेक्शन। कट सेक्शन में मुझे क्या करना है कि जिस सेक्शन को डिलीट करना है उसको तो हम, जिसको डिलीट नहीं करना वो हमें छोड़ देना है और जिसको हटाना है उसको हम यानी कि हम यहाँ से पूरे सेक्शन को कट कर सकते हैं। राइट, मैं इसको करता हूँ ओके, और इनवैलिड नोड मेंबर यहाँ पे आपके पास गिवन है, नोड्स के बारे में पूछा गया, मैंने रखा सेलेक्टिव व्यू। सेलेक्टिव व्यू में आने का मतलब क्या है कि किसको रखना चाहते हो, ओके मैंने किया। अब सेलेक्टिव व्यू का मतलब क्या है, मुझे ये रखना है नीचे वाला पैनल। सिलेक्शन मैंने किया तो देखो सिलेक्शन करते ही ऊपर का जो है वो हाइड हो गया ना। अब ज़रा 3D में देखें इसको, ये देखो अब हम बहुत आसानी से यहाँ पे 4 नोडेड प्लेट का यूज़ कर सकते हैं। अब जो आपके पास सिंगल ग्राउंड फ्लोर है वो यहाँ पे जनरेट है, ठीक है, जिसमें हमें क्या करना है, नोड्स अप्लाई करने हैं। तो 4 नोडेड प्लेट्स के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो प्लेट अभी मैंने दिखाई थी उसको सिलेक्शन करना होगा,
सिलेक्शन करने के लिए आपको यहाँ पे आना है फॉर नोडेड प्लेट्स, ये एक नोड को सिलेक्शन करना है, दूसरे नोड को मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये आपके पास थर्ड नोड है और ये आपके पास फोर्थ है, हो चुका ना। अब इसके अलावा मुझे जो गैरेज है गैरेज पे भी आपको यहाँ पे फॉर नोडेड प्लेट अपना अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट, ये मेरे पास सेकेंड नोड है, ये मैंने थर्ड नोड को क्लिक किया और ये मेरे पास फोर नोड है, ठीक है। तो चारों ही नोड को सिलेक्शन करने के बाद जो प्लेट है वो हमने डिफाइन कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है, होल स्ट्रक्चर कमांड को यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आपके पास आता है डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर, यानी कि जो भी हमें अभी काम करना था वो मैंने किया, अब पूरा स्ट्रक्चर मुझे लेके आना है। कट सेक्शन में हमने क्या किया था कि जहाँ पे काम करना है उसको रखो बाकी सारा हटा दो, अब हम वापस से पूरा स्ट्रक्चर लेके आना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर, क्लिक किया देखो आ गया ना। अब मुझे इस कंप्लीट मतलब जो बीम है कॉलम्स हैं उन सभी को जैसे सिलेक्शन करना है, तो देखो यहाँ पे है आपके पास ऐड फोर नोडेड प्लेट्स, अब मुझे यहाँ भी तो प्लेट ऐड करनी पड़ेगी ना। अभी जैसे मुझे प्लेट को ऐड करना है ना, सेलेक्ट करना है प्लेट, मुझे चेक करनी है, तो आपके पास यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन आता है प्लेट कर्सर का, तो इसको यहाँ से सिलेक्शन करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपके पास जो प्लेट यहाँ पे गिवन है उसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब प्लेट को सेलेक्ट तो मैंने कर लिया, और सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे इसको ट्रांसलेशनल रिपीट करके हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ऊपर, भाई विड्थ हाइट तो हमें पता है ना बिल्डिंग की 3 मीटर पे लेके जाना है, तो हम देखो यहाँ से प्लेट को ऐड करके बनाएं, सरफेस आप ऐड करें तो क्यों ना सीधा इसको कॉपी कर लेते हैं, हाइट प्रोवाइड करा देते हैं। तो आपके पास एक ऑप्शन आता है यहाँ पे ट्रांसलेशनल रिपीट, ये जो टूल्स है ना काफ़ी सारे टूल्स है जिसमें ट्रांसलेशनल रिपीट को सिलेक्शन करना है, और यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि डायरेक्शन कौन से रखनी है, तो जो हाइट हमें चाहिए वो तो वाई डायरेक्शन में चाहिए, तो यहाँ से मैं वाई को सिलेक्शन कर लेता हूँ, ठीक है। कितनी मीटर की स्पेसिंग रखनी है वो भी मुझे डिफाइन करनी है, कितना 3 मीटर का, क्योंकि जो अगली बिल्डिंग है वो 3 मीटर पे है, तो 3 मीटर को मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया। अब इतना सब करने के बाद यहाँ पे जैसे 3 मीटर मैंने रखा ना, अब 3 मीटर हो चुका है यहाँ पे स्पेसिंग आपके पास है, मैं डायरेक्ट इसको ओके कर देता हूँ, राइट। ओके करने के बाद देखो अभी फिर से सिलेक्शन करें जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है, चेक करें कि जो प्लेट आपने लगाया जो कॉपी आपने किया वो यहाँ पे ऐड हुआ या नहीं हुआ। ये देखो आपके पास प्लेट यहाँ पे आ चुका, आप इस तरीके से चेक कर सकते हो, राइट। तो प्लेट आपका यहाँ पे हो चुका, ठीक है। हमने जो ट्रांसलेशन रिपीट किया यानी कि प्लेट हमने लगाया, मुझे इसकी थिकनेस यहाँ पे डिफाइन करनी है। अब थिकनेस लगाने से पहले इसकी जो रेंडरिंग है ना उसको चेक कर लेते हैं कि देखो आपका मॉडल दिख कैसे रहा है। तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है 3D रेंडर्ड व्यू, जो कि बीम में भी मैंने बताया था, आप डायरेक्ट यहाँ पे अभी इसको सेव कर दीजिए और यहाँ पे मुझे क्लिक करना है 3D रेंडर्ड व्यू में, जिसमें स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये देखो ना। अगर मैं इसको कंप्लीट जो आपके पास गिवन है बीम्स हैं नोड्स हैं, ये देखो कुछ इस तरीके से दिख रहा है आपके पास, जो प्लेट्स हमने ऐड की वो कुछ ऐसा दिखेगा, राइट, 3D व्यू में। अभी मुझे क्या करना है कि जो कॉलम्स हमने डिफाइन किए, बीम्स हमने डिफाइन किया, दूसरा स्लैब जो हमने प्लेट हमने लगाया उसकी थिकनेस रखनी है, तो बीम कॉलम प्लेट इन सभी मेंबर्स की थिकनेस रखने के लिए मुझे यहाँ पे जनरल पे आना है। जनरल पे आके आपके पास एक ऑप्शन आता है यहाँ पे होल स्ट्रक्चर, उसको हमें क्लिक करना है डिफाइन पे, और डिफाइन में काफ़ी सारे आपके पास ऑप्शन है कि प्रॉपर्टी जो है आप किस तरीके से रखना चाह रहे हो। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल को सिलेक्शन करता हूँ और रेक्टेंगल में YDZD आपके पास गिवन है, ठीक है, इसको मैं लेके चलता हूँ 0.30 मान लो आप रख सकते हो, या फिर 23, और यहाँ से 0.23 मैं यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ, ठीक है, या फिर आप इसको 30 भी डिफाइन कर सकते हो। तो ये मेरे पास कौन सा कॉलम का साइज़ है, मैंने इसको ऐड किया जो कि यहाँ पे देखो आ गया। अब इसके बाद मुझे यही रेक्टेंगल रखना है और बीम का साइज़ मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है, तो 0.23 आपके पास है YD में, और यहाँ भी मुझे 0.23 को डिफाइन करना है, मीटर में यहाँ गिवन है दोनों ही वैल्यूज़, इसको भी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो देखो कॉलम का आपके पास जनरेट हो गया 0.30 और 0.23 यहाँ पे किसका जनरेट हुआ, जो सेक्शन है वो 0.23 × 0.23 बीम का, देन 0.23 × 0.30 जो है आपका कॉलम का साइज़, यहाँ पे जो सेक्शन है वो जनरेट हुआ, ठीक है। अब प्लेट के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे प्लेट का हमें कुछ नहीं करना है, इसको क्लोज कर दीजिए, हमें डायरेक्ट थिकनेस पे क्लिक करना है, और थिकनेस पे आपके पास एक ऑप्शन आता है यहाँ पे प्लेट थिकनेस। अब जो फोर नोडेड है उसकी थिकनेस हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है, ठीक है, ये सभी हम इक्वल कर लेते हैं, मतलब आप जैसे यहाँ पे 0.12 रखोगे तो देखो हर जगह आपके पास यहाँ पे जनरेट हो गई, ठीक है। मैं डायरेक्ट इसको ऐड पे क्लिक करके यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, और तीनों ही जो मटेरियल हैं वो ध्यान आपने नोटिस किया होगा मैंने किसका रखा, कंक्रीट का, राइट।
अब ये जो आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे रेक्टेंगल 0.23 × 0.30 इसको सिलेक्शन करना है, यानी कि ये हमें अप्लाई करना है। जो रेक्टेंगल का सेक्शन है कॉलम के लिए लिया था ना, ये मुझे अप्लाई करना है। और अप्लाई करने का मेथड क्या है कि इसको सिलेक्शन करने के बाद जो बीम्स आपके पास है, देखो कॉलम आपके पास डायरेक्शन क्या है, कॉलम्स की वाई है ना, तो हम हर एक एक पे अप्लाई करने के बजाय क्या करते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट पे आए और एक ऑप्शन आपके पास आता है बीम पैरेलल टू वाई, क्लिक किया तो देखो वाई में यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका। ठीक ऐसे ही मुझे ये क्या करना है, तो कॉलम का थिकनेस वगैरह साइज सब आपके पास यहाँ पे अप्लाई हो चुका। ठीक है, ठीक ऐसे ही मुझे क्या करना है, बीम अप्लाई करना है 0.23 × 0.23 जो यहाँ पे गिवन है। राइट, हमें यहाँ पे क्या करना है, क्लिक आप करते हो सिलेक्शन करने के बाद, ठीक है ना। तो सेलेक्ट मैंने किया, मुझे असाइन करना था ना, सेलेक्ट पे आते थे, कर्सर आपके पास यहाँ पे था, वाई में मुझे करना है वाई। देखो यहाँ पे अभी क्या हुआ, सेलेक्ट हो चुका लेकिन अप्लाई तो हुआ नहीं ना, तो असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स का पैनल देखो यहाँ पे हाईलाइट हो गया, असाइन मैंने किया, यस इसको कर दीजिए। देखो R1 यानी कि जो सेक्शन था वो आपका अप्लाई यहाँ पे हो चुका। अब मुझे R2 यानी कि रेफरेंस आपको सेकंड जनरेट करना है, किसका, बीम्स का। तो बीम्स का करने के लिए सिलेक्शन किया मैंने 0.23 और मुझे यहाँ पे सिलेक्शन करना है अगेन वही प्रोसेस जैसे कॉलम्स का किया पैरेलल टू, अभी वाई में था ना मुझे एक्स में करना है। तो एक्स देखो यहाँ पे सिलेक्शन हुआ, एक्स को सिलेक्शन करने के बाद फिर से मैं सेलेक्ट पे आता हूँ बीम पैरेलल टू जेड, यानी कि एक्स और जेड देखो दोनों ही यहाँ पे सिलेक्ट हो गए, असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, इसको भी मैं असाइन कर देता हूँ, यस मैंने किया। तो देखो यहाँ पे जो रेफरेंस सेकंड है वो सेक्शन आपका यहाँ पे जनरेट हो गया। ठीक ऐसा ही मुझे क्या करना है, प्लेट से रिलेटेड आपको डिफाइन करना है जो कि थिकनेस आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। राइट, अब प्लेट थिकनेस को सिलेक्शन किया और यहाँ पे हम करेंगे असाइन टू व्यू, यानी कि जो प्लेट आपके पास यहाँ पे गिवन है। राइट, मैंने प्लेट थिकनेस पे आए और इसको भी पहले सेव कर दीजिए, देन असाइन टू व्यू असाइन, यस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे प्लेट की जो थिकनेस है वो भी अप्लाई हो चुकी। अब मुझे क्या करना है, सपोर्ट अप्लाई करना है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, पहला ये है और दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा सबसे टॉप पे, आ जाओ सपोर्ट का पेज यहाँ पे गिवन है। राइट, तो आप यहाँ से भी जनरेट कर सकते हो, अदरवाइज हम डायरेक्ट इसको यहाँ से भी लेके आ सकते हैं। ठीक है, अब आपको सपोर्ट डिफाइन करना है ना, क्रिएट करना है। उसके लिए हमें क्या करना है कि जो स्ट्रक्चर आपके पास गिवन है इसको फ्रंट में ले आते हैं पहले, ये आपको यहाँ पे शो हो रहा है ना। ठीक है, अब यहाँ से हम एक सपोर्ट क्रिएट करेंगे, फिक्स सपोर्ट हम रख लेते हैं, ऐड मैंने किया, सपोर्ट आपके पास यहाँ पे आया, ऑप्शन आपके पास यूज़ कर्सर टू असाइन, मुझे इन सभी के ऊपर लेके आना है। राइट, ज़रा 3D व्यू में इसको देखो, कुछ इस तरीके से विजुअलाइजेशन है, आपको असाइन कर देना है यहाँ पे, यस मैंने किया। देखो कंप्लीट आपके पास जो सपोर्ट था वो यहाँ पे असाइन हो चुका। ठीक है, अब इतना सब करने के बाद अब मुझे लोड्स यहाँ पे अप्लाई करने हैं बिल्डिंग के ऊपर। तो देन लोड एंड डेफिनेशन पे आए, और लोड एंड डेफिनेशन पे आने के बाद यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है लोड केस डिटेल, इसको मुझे ऐड कर लेना है। और ऐड करने के बाद यहाँ पे सिलेक्शन करना है कि किस तरह के कैटेगरी हम रखना चाह रहे हैं। राइट, तो जैसे आपको डेड लोड यहाँ पे डिफाइन करना है, लाइव लोड आपको डिफाइन करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया डेड और इसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया DL। राइट, इसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कि मेरा डेड लोड यहाँ पे अप्लाई हो चुका। अब मुझे लेके आना यहाँ पे लाइव लोड। ठीक ऐसे ही मुझे एक इसका भी टाइटल यहाँ पे डिफाइन करना है। राइट, इसको मैं लेके चलता हूँ कैपिटल L मैंने मेंशन किया फॉरवर्ड लाइव लोड। ठीक है, दो तरह के लोड्स मैंने यहाँ पे अभी डिफाइन किए। अब इसके बाद आप इसको क्लोज कर दीजिए, देन डेड लोड को सिलेक्शन करना है। आपके पास एक ऑप्शन आता है ऐड, यानी कि अब डेड लोड में मुझे कुछ चेंजेस करने हैं। ऐड मैंने किया। अब डेड लोड में बेसिकली सेल्फ वेट होता है ना, तो बिल्डिंग का सेल्फ वेट आपके पास डिफाइन है यहाँ पे, फैक्टर आपके पास गिवन है वाई डायरेक्शन, फैक्टर कितना माइनस। अब ये माइनस क्यों रखना है यहाँ पे, हम वन भी रख सकते हैं। माइनस में बेसिकली नेगेटिव का मतलब ये है कि जो वाई डायरेक्शन में लोड अप्लाई होगा वो नीचे की तरफ होगा ना कि ऊपर की तरफ, तो माइनस करेंगे तो आपके पास लोड नीचे जाएगा डाउन में, अगर पॉजिटिव रखेंगे तो लोड आपके पास किस में जाएगा, पॉजिटिव यानी कि अपर डायरेक्शन में। ठीक है, इतना करने के बाद ऐड करके क्लोज आपको कर देना। देखो सेल्फ वेट आपका यहाँ पे अप्लाई हो चुका। ठीक ऐसे ही मुझे लाइव लोड यहाँ पे अप्लाई करना है। सिलेक्शन करने के बाद आपको ऐड पे क्लिक करने के बाद देखो अब आपको यहाँ पे फ्लोर लोड अप्लाई करना है। तो मैंने सिलेक्शन किया फ्लोर लोड का जो कि लाइव होता है बेसिकली। अब मुझे जो प्रेशर लगाना है वो मैं मिनिमम चलो -3 लेके चलता हूँ, -3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे जो रेंजेस है
जैसे मिनिमम रखो, मैंने 3 रखा है यहाँ पे, और जो मैक्सिमम रेंज है ना वाई की वो मैं लेके चलता हूँ 6। यानी कि जो फ्लोर लोड आपका अप्लाई होगा वो 3 से मिनिमम आपका 3 मीटर है, जो कि बेसिकली आपका फर्स्ट फ्लोर का स्लैब है, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर के ही आपके पास रूफ रहेगी, फर्स्ट का स्लैब रहेगा, और मैक्सिमम कितना है जो बिल्डिंग की हाइट है 6 मीटर, तो वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ऐड आपको कर देना है, क्लोज आपको कर लेना है। उसके बाद अभी देखो आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, देखो आपके पास वैल्यूज़ यहाँ पे हैं, ठीक है। तो ये तो आपके पास अप्लाई हो चुका, सेल्फ वेट अभी हमने अप्लाई नहीं किया। अब आप यहाँ पे आते हो तो देखो आपके पास जो लोड्स हैं वो सब गिवन है ना, जो हमने फ्लोर के ऊपर लगाया है। अब मुझे सेल्फ वेट को अप्लाई करना है, तो सेल्फ वेट पे मैंने क्लिक किया, असाइन टू व्यू, यानी कि जो दिख रहा है, यानी कि कंप्लीट बिल्डिंग पे सेल्फ वेट होगा, खुद का वेट तो कंप्लीट नहीं होगा ना। तो यस मैंने इसको किया, तो सेल्फ वेट आपका यहाँ पे अप्लाई हो चुका। अब इतना करने के बाद आपको मटेरियल यहाँ पे डिफाइन करना है। मटेरियल पे आए, कंक्रीट आपके पास है यहाँ पे, और कंक्रीट को हम यहाँ पे करेंगे यूज़ कर्सर टू असाइन, या फिर आप असाइन टू व्यू भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो असाइन टू व्यू मैंने किया, असाइन आपको कर देना है, यस मैंने किया। तो देखो मटेरियल आपका डिफाइन हो चुका, राइट। अब इतना सब करने के बाद अब मॉडलिंग का पार्ट हमने किया, सब कुछ हमने कर लिया, इसके बाद हम इसका एनालिसिस करते हैं। देन एनालिसिस एंड प्रिंट पे आना है, नो प्रिंट मैंने किया ऐड करके, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। देन इसके बाद एनालाइज में आना है, इसको पहले सेव कर दीजिए, जो कि नोटिफिकेशन आई आपके पास एनालाइज, रन एनालाइज पे आप क्लिक करते हो, तो हमें चेक ये करना है कि जो कुछ भी हमने किया वो ठीक है या नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 0 एरर और 0 वार्निंग्स आपकी जनरेट है, ठीक है। तो 0 एरर 0 वार्निंग का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो कुछ भी अभी तक हमने किया वो बेसिकली पूरा सही है, जो कैलकुलेटिंग सेक्शन फोर्स आपने लगाया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो आपने लगाया, एलिमेंट स्ट्रेस फाइल है, ठीक है, जॉइंट स्ट्रेस फाइल फोर्स का मेंबर कैलकुलेशन हुआ, जॉइंट डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेशन, ट्रायंगुलर फैक्टराइजेशन, ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स, सारी चीज़ें यहाँ पे एक्यूरेट है, राइट। अब मुझे क्या करना है कि 0 एरर आपका यहाँ पे हुआ, मुझे पोस्ट प्रोसेसिंग करना है, यानी कि थोड़ा सा और आगे काम करना है। तो पोस्ट प्रोसेसिंग पे हम आते हैं और यहाँ पे डन कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से आपसे पूछा रिजल्ट सेटअप, यानी कि जो आपके पास लोड्स थे उन पे आपको डिफाइन करना है, मैंने इसको किया डायरेक्ट अप्लाई एंड देन ओके। ओके करते हो तो आपके पास कुछ इस तरीके का पैनल आपके जनरेट होगा, जिसमें नोड डिस्प्लेसमेंट्स गिवन है, देन बीम डिस्प्लेसमेंट जिनका मैक्सिमम रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना है, हॉरिजॉन्टल रिजल्टेंट फैक्टर, सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है। अभी जैसे मुझे डिफ्लेक्शन वैल्यूज़ इनकी चेक करनी है, तो जैसे आप इसको कंट्रोल प्रेस करने के बाद जैसे इसको जूम करोगे ना, तो देखो आपके पास बिल्डिंग का जो डिफ्लेक्शन वैल्यू है ना वो यहाँ पे दिख रहा है, कि जो कुछ भी लोड लगेगा अगर बिल्डिंग में, मान लो कल को किसी तरह का कोई लोड अप्लाई होता है, हैवी लोड आता है, डिफ्लेक्शन अगर होगा तो किस तरीके से बिल्डिंग का डिफॉर्मेशन जनरेट होगा वो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा जैसे डिफ्लेक्शन वैल्यू आपको चेक करना है बीम के बारे में, बीम को मैंने सिलेक्शन किया, ठीक है। यहाँ पे प्रेस मतलब जो बटन है उसको सिलेक्शन करने के बाद कोई भी एक बीम को आप डिफाइन कर लीजिए। जैसे मान लो इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे डिफ्लेक्शन पे क्लिक करोगे ना, तो देखो आपको दिखा रहा है यहाँ पे बीम नंबर 5 आपके पास है, डिफ्लेक्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा है, राइट। शेयर बेंडिंग चेक करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करिए, ये शेयर बेंडिंग आपको शो करेगा, ठीक है। लोडिंग्स के बारे में चेक करना है, प्रॉपर्टी आपको देखनी है, लेंथ आपको देखना है कि जिस मेंबर को आपने सिलेक्शन किया है उसका लेंथ कितना है, ठीक है। उसकी जो हाइट है वो कितनी है, 0.23 हमने रखा था और 4.226 आपका लेंथ है, सेक्शन और लेंथ यहाँ पे दोनों चीज़ें गिवन है। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं कि बीम को कंप्लीट को कितने पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड किया गया, वो सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है। डेंसिटी कितना है, इलास्टिसिटी कितनी है, पॉइजन रेशियो कितना है, अल्फा की वैल्यू क्या है, मटेरियल जो हमने रखा वो, जैसे डिफ्लेक्शन चेक करना था, डिफ्लेक्शन आपका यहाँ है वाई में चेक करना चाह रहे हो, लोकल डिफ्लेक्शन जेड डायरेक्शन में रखना है, लोकल डिफ्लेक्शन देखना चाह रहे हो, तो हर एक एक वैल्यूज़ हम यहाँ पे डिटेल में चेक कर सकते हैं, ठीक है। लोकल डिफ्लेक्शन प्लस ग्लोबल आप दोनों ही चेक कर सकते हो। अब ये तो आपका था बीम का, अभी जैसे हमने प्लेट भी यहाँ पे अप्लाई किया है, तो जैसे प्लेट पे आप क्लिक करते हो ना, तो प्लेट में यहाँ पे जैसे स्ट्रेस टाइप है, तो स्ट्रेस टाइप आप मैक्सिमम एब्सोल्यूट प्रेशर हम अप्लाई करें यहाँ पे, तो उसकी कंप्लीट वैल्यूज़ गिवन है। जो कलर कोडिंग थी वो आपके पास यहाँ पे डिफाइन हो चुकी। अब इसको कलर कोडिंग्स को, यानी कि किस किस हाइट के ऊपर कौन कौन से आपके पास जो कलर कोडिंग है उस पर कितना स्ट्रेस आपके पास आएगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है। वैल्यूज़ ये इनकी कलर कोडिंग है और ये यहाँ पे वैल्यूज़ है। इसको अप्लाई करके मैं ओके कर देता हूँ। देखो मैक्सिमम एब्सोल्यूट न्यूटन पर एमएम स्क्वायर गिवन है, ये कुछ कलर कोडिंग्स हैं, ठीक है। कहाँ पर मैक्सिमम लोड अप्लाई होगा, कहाँ पर मिनिमम स्ट्रेस आपका आ रहा है, तो ये एप्लीकेशन है। प्रेशर की कंप्लीट आपका डायग्राम यहाँ पर गिवन है, ठीक है।
अभी जैसे हमें थोड़ा सा और आगे काम करना है, तो यहाँ पे एक मॉडलिंग का पैनल है, यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, डिज़ाइन पे आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पे यहाँ से मटेरियल को जो हमने कॉन्क्रीट रखा था उसको सिलेक्शन किया। करंट कोड आपके पास IS456 को यहाँ पे सिलेक्शन करना है, क्योंकि कॉन्क्रीट का RCC का कोड आपका होता है IS456। राइट, सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे पैरामीटर्स को डिफाइन कर लीजिए। 456 सेलेक्ट पैरामीटर मैंने किया। अब यहाँ से बेसिकली कौन कौन सा पैरामीटर आप लेके आना चाह रहे हो सिलेक्टेड में, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले मान लो मुझे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लेके आना है, तो यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, देखो ज़रा FC की वैल्यू, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मैंने इसको यहाँ पे डिफाइन किया, ठीक है। देन उसके बाद जो आपके पास यील्ड स्ट्रेंथ होती है मेन रेनफोर्समेंट बार की, देखो गिवन है FY मेन, ये यहाँ पे गिवन है। देन उसके बाद यील्ड स्ट्रेंथ आपको लेके आना शियर रेनफोर्समेंट का, ठीक है। तो FY SEC मुझे यहाँ पे लेके आना है, इसको यहाँ पे ओके कर दीजिए। इन तीनों के बाद आपके पास एक ऑप्शन आता है डिफाइन पैरामीटर्स का। तब आप डिफाइन पैरामीटर करते हो तो यहाँ पे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ आपसे पूछी गई है कॉन्क्रीट की, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए, तो मुझे 30,000 में यहाँ पे लेके चलता हूँ, ठीक है। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ मैंने रखा 30,000, इसको मैंने किया ऐड, ठीक। ऐसे ही मेरे पास जो यील्ड स्ट्रेंथ है मेन रेनफोर्समेंट स्टील बार की, किलो न्यूटन पर नेटन में मैं मान लो मुझे रखना है इसको 55, जैसे मान लीजिए मैंने रखा यहाँ पे, कोई भी हम वैल्यू यहाँ पे मेंशन कर देता है, राइट, ठीक है। 5,50,000 मैंने इसको रखा, और इसको मैं यहाँ पे, ठीक, ऐसे ही आपके पास जो शेयर रेनफोर्समेंट की है उसको भी हम यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। इसको मान लो मैं लेके चलता हूँ, सेम वैल्यू मैं रख लेता हूँ, वही 550, ठीक है। और इसको यहाँ पे, इसको डायरेक्ट हमें यहाँ से क्लोज कर देना है। अब आपके पास एक ऑप्शन आता है यहाँ पे कमांड्स में, मैंने क्लिक किया, जिसमें डिज़ाइन कमांड्स है, डिज़ाइन कॉलम्स का यहाँ पे डिटेल में गिवन है, ठीक है। तो हर एक वैल्यूज़ को यहाँ पे ऐड कर देना है। डिज़ाइन बीम ऐड मैंने किया, ठीक है। ऐसे डिज़ाइन कॉलम, इसको मैंने ऐड किया, कॉलम को ऐड किया। डिज़ाइन स्लैब एलिमेंट को छोड़ के टेक ऑफ को मैं यहाँ पे ऐड करके क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे तब आप नीचे आओगे ना, तो जो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे जनरेट हो रखे हैं FY मेन, ठीक है। अभी जैसे डिफाइन पैरामीटर्स में थे ना, तो ये FY मेन था, इसको तो हमने ऐड किया ही नहीं, जो आपके पास वैल्यूज़ यहाँ पे थी, ठीक है, इसको ऐड कर दीजिए। और ठीक ऐसे ही यहाँ पे जो शेयर स्ट्रेंथ था आपके पास, यील्ड स्ट्रेंथ का, उसको मैंने ऐड करके क्लोज किया। आप ज़रा नीचे आओ तो आपके पास ये कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन है, FY आपके पास गिवन है, मेन्स, इन सारी वैल्यूज़ को असाइन हमें करना है, ठीक है। तो जैसे मैंने क्लिक किया, आपको डायरेक्ट यहाँ पे सिलेक्शन करना है असाइन टू व्यू, और डायरेक्ट इसको यस कर देना है, राइट, असाइन टू व्यू, यस, यस मैंने किया। डिज़ाइन बीम आपको करना है असाइन टू व्यू, यस, मैं इसको अगेन यस करता हूँ। डिज़ाइन कॉलम आपको करना है असाइन टू व्यू, यहाँ पे भी मैं इसको असाइन किया, ठीक है। जो मेन रेनफोर्समेंट बार है उसका यील्ड स्ट्रेंथ जो मैंने रखा 550, उसको भी रखा, ठीक है। ऐसे सेकेंडरी का भी असाइन टू व्यू, और कंप्लीट आपको असाइनिंग यहाँ पे कर लेना है। अब इसके बाद फिर से यहाँ पे डिज़ाइन पे आए, कॉन्क्रीट आपके पास यहाँ पे गिवन है, और मैं यहाँ से डिफाइन कर लेता हूँ BS8007 मुझे लेके आना है, ठीक है। इसमें जो आपके पास पैरामीटर्स रहेंगे सिलेक्शन करने के बाद, आप सिलेक्टेड पैरामीटर्स में आते हो, ठीक है। जैसे क्लियर डिस्टेंस है आपको आउटर से आउटर मेंबर की, वो आपको डिफाइन करने हैं यहाँ पे, ठीक है। थर्मल क्रैक अगर आपको दिखाना है तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, राइट। तो मैंने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, एक तो मैं यहाँ से जो क्लियर डिस्टेंस है उसको यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, ठीक है। ऐसे ही जो कॉन्क्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उसको भी मैंने यहाँ से डिफाइन किया। देन यू हैव टू क्लिक ऑन ओके, देन डिफाइन पैरामीटर्स, और डिफाइन पैरामीटर्स में यहाँ पे जो वैल्यू आपको मेंशन करने हैं, राइट, 0.025 यानी कि 25 mm मैं लेके चलता हूँ, इसको मैंने किया ऐड, ठीक। ऐसे ही जो यहाँ पे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है कॉन्क्रीट का, उसको मैंने रखा यहाँ पे 30,000, मैं यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, जो कि उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, इसको भी मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। इसके अलावा इसको यहाँ से क्लोज करते हैं। सिलेक्टेड पैरामीटर्स में आपके पास एक यहाँ पे जो यील्ड स्ट्रेंथ गिवन है वो भी हमें डिफाइन करना है, राइट, इसको मैंने ओके किया। अगेन आप इसको हटाइए यहाँ से, डिफाइन पैरामीटर में क्लियर आपके पास यहाँ पे गिवन है, और जो FY मेन की वैल्यू है वो मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, वही सेम वैल्यू जो कि 550 आपके पास थी,
ऐड करने के बाद क्लोज करते, देखो आपके पास तीनों ही वैल्यूज़ यहाँ पे हैं, राइट। थोड़ा सा नीचे हैं, ये देखो क्लियर जो आपके पास है वो गिवन है, तो इन सबको हमें कोड्स के बिहाफ पे असाइन करना है, ठीक है। उससे पहले मुझे कमांड्स पे आना है, तो कमांड में आपके पास यहाँ पे डिज़ाइन बीम को लेके आना है जो कि एलिमेंट से बिहाफ पे यहाँ पे। तो देखो तीनों तो हमने डिज़ाइन बीम कॉलम टेक ऑफ इन सबको तो असाइन कर लिया था ना, डिज़ाइन कमांड्स को ऐड कर लिया था, लेकिन मुझे अभी स्लैब और एलिमेंट को लेके आना है। ऐड करने के बाद इसको क्लोज कर देना। तो ज़रा नीचे आओ, देखो फोर आपके पास क्वेश्चन मार्क यहाँ पे गिवन है। अब इन चारों ही क्वेश्चन मार्क को आपको वही क्लियर कवर है उसको आपको यहाँ पे असाइन कर लेना है। अभी जो यहाँ पे क्लियर कवर जो आप डिफाइन कर रहे हो इसको मुझे सिलेक्शन करना है, और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है प्लेट को सिलेक्शन करने का। तो प्लेट कर्सर से मैंने इनको सिलेक्शन करोगे तो देखो यहाँ पे दो प्लेट आएंगे ना, और असाइन टू सिलेक्टेड बीम प्लेट्स पे मुझे असाइन करना है जो क्लियर कवर है वो, यानी कि जो थिकनेस मुझे रखनी है वो। देखो यहाँ पे अप्लाई आपकी हो चुकी, ठीक। ऐसे ही आपके पास यहाँ पे प्लेट्स को डिफाइन करना है ये भी, तो मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ इसको। प्लेट्स आपकी सिलेक्ट हो गई, असाइन टू सिलेक्टेड बीम प्लेट्स असाइन कर दीजिए। प्रोसीड आपको करना है, यस पे मैंने क्लिक किया, ठीक। ऐसे ही आपके पास मेन रेनफोर्समेंट के लिए यहाँ पे गिवन है अगेन। अभी जो काम आपका चल रहा है ना सारा प्लेट्स के बिहाफ पे चल रहा है, राइट। ये मैंने इसको यहाँ पे सिलेक्शन किया, असाइन टू सिलेक्टेड बीम प्लेट्स असाइन इसको मैंने किया, यस, ठीक। ऐसे ही आपके पास एक सबसे लास्ट आता है डिज़ाइन एलिमेंट, तो ये भी हमें किसके लिए करना है, प्लेट के लिए, ठीक है। सिलेक्शन आप इसको करिए, डिज़ाइन एलिमेंट असाइन टू सिलेक्टेड प्लेट्स असाइन कर दीजिए इसको। इतना सब करने के बाद देखो सभी पे टिक आ गया। अब वही आपको एनालिसिस एंड प्रिंट यहाँ पे डिफाइन करना है। एनालिसिस ऐड मैंने किया, क्लोज आप इसको करिए, अगेन मुझे एनालाइज करना है, रन एनालिसिस पे आप क्लिक कर दीजिए, इसको मैंने किया यहाँ से सेव। अब मुझे चेक करना है कंप्लीट, देखो यहाँ पे वही आपके पास रिपोर्ट आई, जीरो एरर जीरो वार्निंग, यानी कि जो कुछ भी हमने किया अभी तक पूरी तरीके से सही है, राइट। अब जैसे पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में आके और कुछ चेंज करना चाहते हो, डन मैंने किया, यहाँ पे बीम आपके पास गिवन है, बीम को मैंने सिलेक्शन किया यहाँ पे, और जैसे इसके बारे में चेक करना है, बीम नंबर 4 है, सेक्शन आपके पास गिवन है, ठीक है। सेंटर से सेंटर जैसे आप आओगे ना यहाँ पे प्रॉपर्टी है, लोडिंग शेयर कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट डिज़ाइन में आओ, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे गिवन है हर एक एक डिटेल में, ठीक है। अभी जैसे आप बीम पे यहाँ पे आते हो तो ज्योमेट्री गिवन है, मैं इसको यहाँ पे अभी क्लोज करता हूँ। जैसे मान लो मुझे इसके बारे में चेक करना है, तो बीम नंबर 5 का वही सेक्शन आपके पास है, कॉन्क्रीट डिज़ाइन आपने किया तो लोड कितना है, लोकेशन यहाँ पे गिवन है, ठीक है। हर एक वैल्यू है, FY कितना आपने लेके चला था, बार का साइज़ क्या है, बार का नंबर जो है वो यहाँ पे गिवन है, ठीक है। जो बार लगा है वो बेसिकली कौन कौन से उसमें कॉर्नर्स में है, जो डिज़ाइन कोड है IS 456 वो भी हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, ठीक। ऐसे ही मान लीजिए मुझे कॉलम्स के बारे में चेक करना है, यानी कि अभी हमने बीम के डिटेल्स को देखा, और अगर हम कॉलम की डिटेल्स को देखें तो आपको यहीं पे वापस फिर से बीम को सिलेक्शन कर लेना है। कंप्लीट आपके पास जो स्ट्रक्चर है वो शो होगा, उसके कुछ बिल्डिंग के बीम एंड फोर्सेस, बीम की फोर्स डिटेल्स, ठीक है, कितना डिस्टेंस है, कितना मोमेंट है, हर एक एक डायरेक्शंस में सभी कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ पे गिवन है। इसके अलावा अगर क्रॉस सेक्शन की बात करें तो आप यहाँ पे कॉलम को तब सिलेक्शन करेंगे ना, तो देखो आपने जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया तो कॉलम से रिलेटेड आपके पास ऑप्शंस यहाँ पे सिलेक्शन हुआ। जैसे मान लो ये आपके पास कोई कॉलम है जिसका नंबर है 11, हालांकि यहाँ पे बीम और कॉलम को मेंबर रखा गया है और स्टेड प्रो उसको बीम के नाम से स्टडी करता है, तो देखो सिलेक्शन तो हमने कॉलम को किया हुआ है, और यहाँ पे गिवन है बीम नंबर 11, देन उसका सेक्शन जो रेक्टेंगल का हमने रखा था कॉलम का 0.23 × 30, और यहाँ पे ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस हैं, और सेम पैनल आपको यहाँ पे गिवन है, राइट। अब इसमें जैसे प्रॉपर्टी के बारे में देखें तो जो लेंथ है वो कॉलम का कितना है, उसका सेक्शन कितना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू, जो स्टील्स यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बेसिकली किस तरीके का है, जो उसकी जो डेप्थ है वो यहाँ पे गिवन है, इलास्टिसिटी किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में कितना है, पॉइजन रेशियो, उसकी डेंसिटी जो कॉलम आपका है यानी कि मटेरियल के बारे में गिवन है। कॉन्क्रीट हमने लगाया तो कॉन्क्रीट की डेंसिटी यहाँ पे गिवन है, जो कॉन्क्रीट है उसका पॉइजन रेशियो यहाँ पे गिवन है अकॉर्डिंग टू द मटेरियल, ठीक है। ऐसे ही अगर लोडिंग के बारे में चेक करें उस पर्टिकुलर कॉलम में तो उसका कंप्लीट डिटेल्स आपके पास गिवन है। अगर हम उस कॉलम की शेयर बेंडिंग देखें, ठीक है, तो शेयर बेंडिंग की भी वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन है -0.34 और पॉजिटिव में मतलब अपर डायरेक्शन में 0.37 यहाँ पे कैरी कर रहा है, ठीक है। ऐसे अगर हम वाई में देखें तो वाई में आपके पास कुछ इस तरह का जो है शेयर बेंडिंग जनरेट होगी, ठीक है। नेगेटिव वाई में देखें तो आपके पास कुछ इस तरीके का सेक्शन करके क्रिएट होगा,
और अगर शेयर माइनस जेड में देखें तो आपके पास कुछ इस तरीके से क्रिएट होता है, जिसमें हर एक डिस्टेंस पे, जैसे 2 मीटर पे कितना है, 2.25 पे कितना लोड लग रहा है, उसके हिसाब से किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कौन कौन सा मतलब कितना मोमेंट यहाँ पे जनरेट होगा। ठीक है, इसमें आप डिफ्लेक्शन चेक कर सकते हो। ठीक है, ग्लोबल डायरेक्शन में जैसे एक्स में चेक करना है, वाई में देखना है या फिर जेड में देखना चाहते हो, अगर लोकल डिफ्लेक्शन की बात करें तो भी एक्स वाई जेड तीनों ही डायरेक्शंस में हम यहां से चेक कर सकते हैं। राइट, डिस्टेंस आप यहां पे मेंशन कर सकते हो। दूसरा, लोड का जो टाइप है, जैसे मान लीजिए मुझे लाइव लोड के बारे में देखना है तो लाइव लोड का भी डिफ्लेक्शन आपको यहां पे शो होगा। ठीक है, ऐसे कॉन्क्रीट डिज़ाइन में आए तो ये आपको पता चल जाएगा कि जो कॉलम हमने बनाया उसमें कितने नंबर ऑफ बार्स यहां पे गिवन है, 1, 2, 3, 4, डिज़ाइन कोड आपका IS 456 जो कि RCC के लिए इंपॉर्टेंट है, लोड कॉम्बिनेशन कौन सा लगा, लोकेशन क्या है, ठीक है, PU की वैल्यू क्या है, मोमेंट कितना है यहां पे, MZ है, ठीक है, वाई में कितना है, FY की वैल्यू, ये बेसिकली डिज़ाइन लोड से रिलेटेड है। देन आपके डिज़ाइन पैरामीटर, बार का साइज़ कितना है, टोटल नंबर ऑफ बार कितने हैं, 4, बार का साइज़ हमने 12 mm रखा था वो यहाँ पे गिवन है, एरिया ऑफ स्टील 0.6%, एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड कितना है 86, और आपके पास FC मोमेंट से सारी वैल्यू जो आपके पास FY है वो 415 जो हम ग्रेजुएशन के टाइम पे लेके चलते थे, तो कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे गिवन है, हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे मान लीजिए मुझे प्लेट के बारे में चेक करना है, हमने बीम के बारे में देखा, कॉलम के बारे में देखा, और अब मुझे प्लेट के बारे में चेक करना है तो उसका क्या तरीका है, यहाँ पे देखो, जैसे नोड को सिलेक्शन करने के लिए नोड कर्सर, बीम के लिए बीम कर्सर, ठीक है, ऐसे प्लेट्स के लिए प्लेट कर्सर होगा, और यहाँ पे मैंने ऐसे सिलेक्शन करोगे ना तो आप कोई भी एक प्लेट को, जैसे हमने यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया, ठीक है, फर्स्ट प्लेट आपकी यहाँ पे सिलेक्शन हुई, और ठीक ऐसे ही एक प्लेट आपकी यहाँ पे गिवन है, तो मान लीजिए मुझे इस प्लेट के बारे में चेक करना है, जो बड़ी प्लेट आपके पास यहाँ पे गिवन है ना उसके बारे में चेक करना है, मैंने क्लिक किया, और आप यहाँ पे डबल क्लिक करोगे ना आप इस पे, तो देखो बिल्डिंग प्लेट आपका जो पैनल है वो ओपन हो गया। अब इसमें जैसे कॉर्नर स्ट्रेसेस मुझे चेक करने हैं, तो कॉर्नर स्ट्रेस पे पहली बात तो यहाँ पे नंबर्स लिखा हुआ है, 9 पे कितना आपके पास मैक्सिमम जो प्रिंसिपल है, मेजर स्ट्रेस कितना होगा न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में, ठीक है, जो कॉर्नर नंबर आपका 12 है वहाँ पे कितना होगा, 0.029226 की वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो ये लेड लोड जो आपका डेड लोड है उसके बारे में गिवन है। ठीक है, ऐसे मुझे लाइव लोड के बारे में चेक करना है तो उसकी भी वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन है, SXY कितना है, MXY कितना है। ठीक है, ऐसे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस और डिस्प्लेसमेंट को चेक करने के लिए आपके पास टॉप और बॉटम दोनों ही कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई चेक कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मान लीजिए ज्योमेट्री के बारे में चेक करना है, जो प्लेट आपने सिलेक्शन किया उसकी ज्योमेट्री, उसका एरिया कितना है, ठीक है, लेंथ यहाँ पे कितनी, AB BC CD DE, ये तो इक्वल लेंथ रहेगी आपके पास हमेशा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम थिकनेस अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे प्रॉपर्टी कॉन्स्टेंट को देखें तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड नॉट प्लस उसकी थिकनेस, डेंसिटी कितना है, ये मटेरियल के बारे में है, जो कॉन्क्रीट है उसका पॉइजन रेशियो, उसकी इलास्टिसिटी कितना है कॉन्क्रीट की डेंसिटी, और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू भी गिवन है। तो जो प्लेट नंबर अभी हमने सिलेक्शन किया वो 104 के नाम से आपको यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से प्लेट के बारे में भी हम हर एक एक डिटेल को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी सारी फर्दर आपके पास इसकी डिटेल्स हैं। ठीक, अब जैसे आउटपुट फाइल अगर हमें चेक करना है इसका कंप्लीट प्लान का, तो उसको कैसे करना है, इसको मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ, और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है स्टेड आउटपुट, ये जो मेनू बार है ना इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस है आपके पास, स्टेड आउटपुट को आपने क्लिक किया तो देखना एक कंप्लीट एक फॉर्मेट आपके पास ओपन होता है, .std फॉर्मेट आपके पास हुआ। ठीक है, अब इसमें डायरेक्ट हम रिजल्ट्स में आते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें जो नोट्स गिवन है, वार्निंग गिवन है, इसका कुछ नहीं करना। ठीक है, डायरेक्ट हमारे रिजल्ट्स पे मैंने क्लिक किया और आपको दो रिजल्ट यहाँ पे देखना है, कॉन्क्रीट डिज़ाइन, कॉन्क्रीट डिज़ाइन। ठीक है, जैसे कॉन्क्रीट डिज़ाइन पे मैं क्लिक करता हूँ तो कोड आपके पास है इंडियन, FC की वैल्यू गिवन है, डिज़ाइन बीम यहाँ पे गिवन है। ठीक है, अब देखो बीम नंबर 1 के बारे में चेक करें, FE 4156 सेकेंडरी के लिए था, मेन रेनफोर्समेंट बार के लिए भी हमने FE 415 यहाँ पे लिया। ठीक है, ग्रेड आपके पास गिवन है कॉन्क्रीट का M30, लेंथ आपके पास गिवन है यहाँ पे बीम का MM में, प्लस उसका सेक्शनल साइज यहाँ पे कितना है, कवर कितना रखा 25 mm का, वो भी गिवन है। अब देखो स्टेड प्रो ने क्या किया कि जो कंप्लीट बीम था ना उसको 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट्स में डिवाइड करके और हर एक जो रेनफोर्समेंट एरिया है आपका उसकी समरी यहाँ पे कि टॉप रेनफोर्समेंट में सेक्शन क्या है 0, कितना एरिया यहाँ पे हुआ, बॉटम में कितना है, ठीक ऐसे प्रोवाइडेड रेनफोर्समेंट कितना हुआ, तो हर एक उसकी लेयर, ठीक है, 90 mm की जो सेंटर से सेंटर स्पेसिंग यहाँ पे रखी, तो दो बार यहाँ पे रखे 98 mm के, तो सारी हर एक डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हो 0 से कंप्लीट लेंथ तक। ठीक है, ठीक ऐसे शेयर डिज़ाइन रिजल्ट्स आपको चेक करने हैं, जिसमें 2 legs का यहाँ पे अप्लाई किया गया है। ठीक है, 90 mm सेंटर से सेंटर स्पेसिंग आपके पास है, VY के वैल्यू है 4991 max,
ठीक ऐसे ही जैसे आपको रिजल्ट्स यहाँ पे चेक करने हैं कि जो सपोर्ट हुआ वहाँ से शेयर डिज़ाइन कितने डिस्टेंस से आप कैलकुलेशन कर रहे हो, ठीक है। ठीक ऐसे ही बीम नंबर 2 के बारे में आपके पास कंप्लीट डिटेल्स गिवन है, बीम नंबर 3, तो हर एक डिटेल्स को हम यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हैं। अब थोड़ा सा नीचे आओगे, जैसे मान लो ये सेकेंड कॉन्क्रीट डिज़ाइन आपका यहाँ पे है जिसमें एलिमेंट्स डिज़ाइन, ठीक है, BS8007 जो हमने रखा उसके कॉर्ड के बिहाफ पे हर एक एलिमेंट्स की आउटर बार आपको यहाँ पे गिवन है, हर एक बार की स्पेसिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो देखो कंप्लीट डिटेल यहाँ पे गिवन है। मैंने बताया ना बीम को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो वो सारी चीज़ें ये आपके पास यहाँ पे जो कॉन्क्रीट डिज़ाइनिंग बेसिकली जो शो हो रहा है ये आपके पास आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। डिज़ाइन एलिमेंट आपका कौन सा, FY मेन कितना लिया, ठीक है, क्लियर कवर आप कितना लेके चल रहे हो, FC की वैल्यू कितना रखा हमने, तो कंप्लीट अकॉर्डिंग यहाँ पे गिवन है, राइट। 12 mm के बार्स हैं, 16 mm के बार्स कितने कितने उस पे डिस्टेंस पे अप्लाई हुए हैं, 20 mm के बार सेंटर से सेंटर स्पेसिंग कितना हमने रखा, तो हर एक कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। सर्विसेबिलिटी जो लिमिट स्टेट मेथड पे हमने डिज़ाइन किया, सर्विसेबिलिटी फैक्टर कितना है, लिमिट स्टेट कितना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। फ्लेक्सुरल कितना होगा, मोमेंट्स क्रैक क्या है, ट्रांसवर्सल फ्लेक्सर कितना होगा टॉप पे बॉटम में, हर एक एक कॉन्सेप्ट, जैसे थर्मल क्रैक है तो उसकी विड्थ कितनी है, कैलकुलेशंस जो कि WMAX और मैक्स और S मैक्स के ऊपर गिवन होती हैं, थर्मल क्रैक विड्थ, ठीक है। अब ऐसे ही सेट्स जो स्ट्रेट स्पेस है इसके बाहर जो हर एक एक सेकंड आपके पास जो आउटर बार्स हैं उनके डिटेल्स यहाँ पे गिवन है, ठीक है ना, तो हम कंप्लीट डिटेल्स को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये बेसिकली डिटेल आपने देखा होगा कि जो कोड है आपका IS456 है, BS800, तो उनकी सेम लैंग्वेज यहाँ पे गिवन है। अगर आपने कोड को अच्छे से पढ़ा है तो आप इस कंप्लीट रिपोर्ट को बहुत ही ईजी वे में समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो कंप्लीट जो डेटा यहाँ पे गिवन है ये आपके पास दोनों ही स्लैब्स के बारे में है। स्लैब्स हमारे पास टोटल 4 थी ना, तो देखो चारों स्लैब का डेटा यहाँ पे गिवन है, जो 2 आपके पास कंप्लीट एक एरिया और आगे हमने जो गैराज की बनाई थी, तो ये कॉन्क्रीट डिज़ाइन उन सभी 4 स्लैब्स का यहाँ पे गिवन है, कितने कितने बार्स यहाँ पे अप्लाई हुए, लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्चर, थर्मल क्रैक कितना होगा, सब चीज़ें यहाँ पे स्लैब की डिटेल्स गिवन है। अभी जैसे मान लो इसके अलावा मुझे बिल्डिंग का फाउंडेशन डिज़ाइन भी चेक करना है, तो फाउंडेशन डिज़ाइन के लिए इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ। फाउंडेशन डिज़ाइन पे मैंने क्लिक किया, आपके पास ऑप्शन आता है इंक्लूड ऑल करना, जो अवेलेबल लोड केसेस थे ना यहाँ पे, जैसे मैं एक्सक्लूड करता हूँ, देखो एक्सक्लूड ऑल, तो देखो दोनों ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे, डेड लोड और लाइव लोड, इनको मुझे इंक्लूड करना है लोड केसेस को फाउंडेशन में, तो इंक्लूड ऑल पे मैंने क्लिक किया, डेड लोड यहाँ पे गिवन है, लाइव लोड यहाँ पे गिवन है, मैंने क्लिक करना है यहाँ पे रन स्टेड फाउंडेशन, तो आपका फाउंडेशन से रिलेटेड जो कंप्लीट टेक प्लगइन है स्टार्ट प्रो में वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अभी देखो फाउंडेशन का पैनल यहाँ पे ओपन हो गया, अब ज़रा इसको जूम करते हैं। जूम करने पर देखो आपको कंप्लीट फुटिंग की डिटेल्स यहाँ पे गिवन है, जो आपके पास जितने कॉलम्स हमने लगाए थे वो सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है, फुटिंग्स की वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन है, ठीक है। डिटेल स्केड्यूल ड्राइंग अगर आप चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, जो कंप्लीट एक स्केड्यूल ड्राइंग है, इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ ताकि आपको अच्छे से यहाँ पे शो हो जाए, राइट। इसके अलावा जो GA ड्राइंग आपको चेक करनी है, कैलकुलेशन सीट है, तो बेसिकली ज्योमेट्री पे आपको आना है। ज्योमेट्री में आने के बाद देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है ना, जैसे जॉब सेटअप है, लोड्स है, तो ये सारी चीज़ें तब आप यहाँ पे सेटअप करोगे ना, तो उसके बाद आपको प्रोसेसिंग सपोर्ट्स हर एक डिटेल यहाँ पे आपको शो होगा, ठीक है। तो फुटिंग्स अभी हमने यहाँ पे देखा, लोड्स किस तरीके से, मोमेंट्स आपको यहाँ पे चेक हो रहे हैं, ठीक है, SFD BMD कुछ इसी तरीके से तो कैलकुलेशन होती थी आपकी, ठीक है ना। तो ये सपोर्ट्स यहाँ पे गिवन है और इनके लिए हमें क्या करना है, फाउंडेशन जो है वो सब हमें डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो डिज़ाइन करने के लिए यहाँ पे आप जॉब सेटअप में आओगे ना, तो देखो जॉब सेटअप में प्लस के आइकन पे मैंने क्लिक किया, मुझे यहाँ पे करना है क्रिएट ए न्यू जॉब, तो क्रिएट ए न्यू जॉब में जॉब नेम आपसे पूछा गया, नेम हम यहाँ पे कुछ भी रख सकें, ठीक है। मान लो मैंने जॉब का नेम यहाँ पे रखा ए, जॉब टाइप मुझे अभी यहाँ पे कितना रखना है, आइसोलेटेड मैंने इसको रखा, और यहाँ पे जो डिज़ाइन कोड है इसको मैं हटा के इंडियन कोड कर लेता हूँ, क्योंकि हमने IS456 रखा था ना, तो इंडियन कोड आपको यहाँ पे शो होगा, ठीक। ऐसे मुझे असाइन टू ऑल स्पॉट्स यहाँ पे डिफाइन करने हैं, और जो अवेलेबल लोड केसेस आपके पास है, जैसे यहाँ पे क्लिक करिए, थोड़ा सा नीचे आओगे ना आप, तो लोड केसेस को मैंने यहाँ पे अवेलेबल किया, देन इसके बाद आप नीचे चलिए और क्रिएट जॉब पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो आप क्रिएट जॉब पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपके पास लोड डिटेल्स थी उसको हमने यहाँ पे अप्लाई किया था ना, ठीक है। अब जैसे आइसोलेटेड फुटिंग इसमें डिज़ाइन पे है, डिज़ाइन पैरामीटर्स यहाँ पे गिवन है, डिज़ाइन पे आपको सिलेक्शन करना है, एंड डू यू वांट टू एनालाइज, मैंने किया यस, ठीक है। तो देखो डिटेल्स आपका यहाँ पे कंप्लीट आउटपुट एनालिसिस हो रहा है,
राइट। अब देखो एनालिसिस यहाँ पे आया ना, फुटिंग की जो डायमेंशंस है वो गिवन है, फुटिंग का रेनफोर्समेंट आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, पेडेस्टल रेनफोर्समेंट कितना है वो भी हम यहाँ पे, यानी कि हर एक कॉन्सेप्ट को आप डिटेल में देख सकते हो। यहाँ पे 76 mm का बार है, स्पेसिंग 72.20 mm रखा था, बार जो है वो 6 mm का, उसकी स्पेसिंग, रेनफोर्समेंट है आपका MZ और मोमेंट आपका X में। तो फुटिंग के लिए ये है और डायमेंशन आपकी यहाँ पे गिवन है। अभी जैसे मान लो फुटिंग्स का नंबर 1, 2, 3, 4 भी यहाँ पे गिवन होगा, तो मुझे जो IS 456-2000 के बिहाफ पे जो फुटिंग यहाँ पे डिज़ाइन हुई है उसकी डिटेल्स मुझे चेक करनी है, राइट। तो जैसे आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये आपके पास एक सेक्शन यहाँ पे बना हुआ है जो डिटेल स्केड्यूल रिंग हम जिसको बोलते हैं, जिसमें कॉलम पेडेस्टल डायमेंशंस गिवन है, पर प्लान के अकॉर्डिंग 6 mm एट द रेट 70 mm का जो स्पेसिंग हमने रखा, ठीक है, 1.55 meter की जो इसका स्पैन है वो यहाँ पे गिवन है, 50 mm का जो क्लियर कवर हमने, क्लियर जो डेप्थ हमने गिवन है वो है। ये बेसिकली एलिवेशन की डिटेल्स आपके पास हैं, ठीक। ऐसे ही थोड़ा सा अगर आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको जो स्लैब है, जो फुटिंग्स हैं उनकी कंप्लीट 0.2330 का जो कॉलम का साइज था ना, उसके भी आप ये तो आपका यहाँ से तो कॉलम बनना शुरू होगा, लेकिन उसके लिए हम जो फाउंडेशन डिज़ाइन करेंगे वो कौन से टाइप होगी, उसके लिए फाउंडेशन से कितनी डिस्टेंस पे हमें मटेरियल अप्लाई करना है, नीचे सपोर्ट भी तो चाहिए ना, तो बेसिकली वही गिवन है यहाँ पे, ठीक है। तो GA ड्रॉइंग आपके पास यहाँ पे गिवन है, हर एक उसकी जो जितने भी हमने कॉलम्स लगाए उनका डिटेल एप्लीकेशन यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ये देखिए, ठीक है, जो फुटिंग है 1-2 उसमें क्या साइज़ यहाँ पे लिया गया, तो ये साइज़ आपको चेंज मिलेगा, जो कॉर्नर्स पे है उनका कुछ अलग मिलेगा और जो इनर है उनका अलग मिलेगा, राइट, ठीक। ऐसे ही मान लो स्टार्ट पेज पे आते हो आप, ज्योमेट्री यहाँ पे गिवन है, डिटेल ड्राइंग हमने देखा, GA ड्राइंग आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, कैलकुलेशन शीट में जैसे मान लो मुझे फुटिंग 1 का डिटेल एप्लीकेशन चेक करना है, तो मैंने क्लिक किया, फुटिंग यहाँ पे बना हुआ है ना, कंप्लीट डिटेल प्लान यहाँ पे गिवन है, इनपुट वैल्यूज़ हैं फुटिंग के, ज्योमेट्री में डिज़ाइन टाइप, फुटिंग का थिकनेस कितना है, फुटिंग का लेंथ, फुटिंग के विड्थ, उसमें एसेंट्रिसिटी कितना लगा एक्स के अलोंग और जेड के अलोंग, ठीक। ऐसे ही कॉलम डायमेंशंस हैं, कॉलम की शेप रेक्टेंगल है, कॉलम का लेंथ यहाँ पे गिवन है, कॉलम की विड्थ है, ठीक। ऐसे ही पेडेस्टल वैल्यूज़ है, ठीक है, शेप अगर आपके पास है इंक्लूड कर रखे, तो पेडेस्टल को हमने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, ठीक। ऐसे डिज़ाइन पैरामीटर्स हैं, कॉन्क्रीट और रेबर प्रॉपर्टीज़ यानी कि जो बार है उसके बारे में, ठीक है। तो यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट 25 kN/m³ हमने रखा, उसका स्ट्रेंथ कितना है कॉन्क्रीट का वो यहाँ पे गिवन है, मिनिमम बार साइज़ हमने 6 diameter का रखा था, मैक्सिमम आपका 32 का है, मिनिमम बार स्पेसिंग मैक्सिमम बार स्पेसिंग कितना है, ठीक है। सोयल की प्रॉपर्टीज़ आपके पास यहाँ पे कि सोयल की टाइप कैसी है, ड्रेन सोयल है उसका यूनिट वेट, सोयल की बियरिंग कैपेसिटी जिस पे कंप्लीट आपका स्ट्रक्चर रेस्ट कर रहा है वो यहाँ पे गिवन है, सोयल का सरचार्ज वैल्यू, मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्लैब स्लाइडिंग ओवर टर्निंग कितना हुआ, फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ओवर टर्निंग 1.5, ठीक है। जो सर्विस स्ट्रेस लेवल है, लोड कॉम्बिनेशन टाइटल्स, कौन कौन से लोड यहाँ पे हमने अप्लाई किए थे, एक्सियल शियर एक्स डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, ठीक है, सी मोमेंट एक्स और मोमेंट जेड में, ठीक है। तो अप्लाइड लोड की स्ट्रेंथ लेवल गिवन है और उसका सर्विस स्ट्रेस लेवल, ठीक है। ऐसे डिज़ाइन कैलकुलेशन अगर फुटिंग के देखें तो इनिशियल लेंथ कितनी है फुटिंग की, 1 meter है, इनिशियल विड्थ आपकी 1 meter यहाँ पे गिवन है, बायंसी फोर्स कितना लगा है, एडहेसिव जो इफेक्ट है उसके कारण से क्या फोर्सेस हैं, ठीक है। तो एरिया है इनिशियल लेंथ का, विड्थ का, उसका फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है, मिनिमम जो एरिया रिक्वायर्ड है आपका, बियरिंग प्रेशर, क्योंकि सोयल भी किसी ना किसी तरह का प्रेशर लगाएगी, तो वो डिटेल्स यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो। तो फाइनल फुटिंग साइज़ अगर हम देखें तो आप यहाँ पे जो एरिया है, डेप्थ है, लेंथ विड्थ तो आपके पास सेम ही रहेगी, कौन कौन सा लोड केस यहाँ पे लगा, प्रेशर जो है हर एक कॉर्नर पे आपका इक्वल रहेगा, तो देखो इक्वल प्रेशर आपका यहाँ पे चल रहा है, राइट। जिसमें प्रेशर है कॉर्नर 4 पे कितना होगा, एरिया जो फुटिंग अपलिफ्ट है कॉर्नर 2 पे कितना प्रेशर है, 1 पे कितना है, ठीक है ना। तो सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिटेल में चेक कर सकते हैं, जिसमें जो ओवर टर्निंग लोड आपका कितना होगा, डिस्ट्रीब्यूटिंग फोर्स कितना है, रीस्टोरिंग फोर्स कितना लगा, क्रिटिकल लोड केस आपका कौन सा है, रेजिस्टिंग मोमेंट कितना हुआ, ठीक है ना। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जेड डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन तीनों पे ही आपका बिलोंग करेगा, ठीक है। ऐसे लिमिटिंग फैक्टर के कुछ फॉर्मूलेज आपके पास गिवन है, उसके रेजिस्टेंस रिलेटेड आपके पास ऑप्शंस हैं, इफेक्टिव डेप्थ किस तरीके से आपको, इफेक्टिव डेप्थ किस तरीके से डिफाइन करनी है क्रिटिकल लोड केस में, तो उसका भी डिटेल फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है, तो हम एक एक कॉन्सेप्ट को चेक यहाँ पे कर सकते हैं, राइट। तो फुटिंग के बारे में कंप्लीट आपके पास डिटेल यहाँ पे है, रेनफोर्समेंट की कैलकुलेशन भी आपके पास यहाँ पे है, ठीक है, क्रिटिकल लोड कितना लगा,
उसके डिज़ाइन कैलकुलेशन क्या है, शेयर कैलकुलेशन है, एक्स के अलोंग, वाई के अलोंग, जेड के अलोंग, ठीक है, ऐसे कॉलम के डायमेंशंस आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, कॉलम पे क्रिटिकल लोड कितना लग रहा है, तो उन सभी कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब ये देखो, इस शीट को अगर हमें प्रिंट करना है तो हम कुछ इस तरीके से प्रिंट कैलकुलेशन शीट क्लिक किया, और यानी कि मुझे यही तो काम हमें करके देना होता है स्टेट प्रो में। जैसे मान लो कोई रिपोर्ट आपको जनरेट करनी है, तो कंप्लीट आपने डिज़ाइन किया, डिज़ाइन करने के बाद अब इस रिपोर्ट को हमें प्रिंट करना है यहाँ से, ठीक है। प्रिंट कैलकुलेशन शीट आप प्रिंट करोगे तो देखो पीडीएफ आपके पास अभी यहाँ पे जनरेट हो जाएगी, ठीक है, पैनल आया आपके पास। मुझे इस फाइल को डेस्कटॉप पे सेव करना है, और मैंने इसका नेम रखा क्योंकि ये फूटिंग वन की डिटेल्स हैं, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ फूटिंग वन डिटेल्स, राइट। तो इसके ज्योमेट्रिक डिटेल्स यहाँ पे हमें यही फॉर्मेट जो है सेंड करना होता है। मैंने इसको सेव किया, फाइल आपकी पूरी तरह से सेव हो चुकी है। तो इस तरीके से आपका स्टड प्रो में काम होता है। कैसे कैसे था कंप्लीट स्टेप को हमने डिटेल में यहाँ पे समझा, राइट। सो विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज डिटेल्स वी कैन जनरेट, वी कैन कंस्ट्रक्ट एनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इन द फील्ड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ हायर एक्यूरेसी। सो दैट्स द पावर ऑफ योर सॉफ्टवेयर स्टेड प्रो V8i। इसके अलावा अगर आप ये कंप्लीट सॉफ्टवेयर स्टेड प्रो V8i जो इसका कनेक्ट एडिशन है, जो लेटेस्ट एडिशन है, अगर आप उसको डिटेल में प्रोफेशनल और इन डेप्थ वे में सीखना चाहते हैं, जो लाइव इंटरेक्टिव सेशन अगर आप लेना चाहते हैं, तो अभी हमें कॉन्टेक्ट करिए, और जो लिंक है वो सभी डिस्क्रिप्शन में है। आप मेल हमें भेज सकते हैं या फिर डायरेक्ट कॉल हमें कर सकते हैं, और डिटेल्स यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय एंड टेक केयर।